जो सपने देखते हैं अक्सर उन्हीं के सपने पूरे होते हैं आपके फौजी बनने के सपने को साकार करने के लिए में एक बार फिर मैदान टॉप क्लास अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में तैयार किया गया एस एस सी जी डी फौजी बैच जो देता है आपको सौ प्रतिशत सिलेक्शन की गारंटी तो देरी किस बात की आज ही ज्वाइन करें एस एस सी जी डी फौजी बैच मात्र दो सौ पचास में और करें अपने सिलेक्शन को पक्का ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध अधिक जानकारी के लिए आप एस एस सी मेकर ऐप डाउनलोड करें और दिए गए नंबर पर कॉल करें दोस्तों मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एस इस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट कॉपी पेन लेके बैठेंगे और आप सभी स्टूडेंट नोट भी करेंगे आज मैथ्स में दोस्तों हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एवरेज यानी औसत देखिए अब हम आप लोगों को समझा रहे हैं औसत देखिए औसत क्या होता है जो एवरेज है औसत इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है फॉर्मूला आप लोग बस नाम का है आप थोड़ा सा पहले समझ लेंगे तो उसके बाद से फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी औसत बराबर क्या होता है सभी राशियों का योग ये बेसिक फॉर्मूला है इसमें एक ही यही फॉर्मूला है ठीक है सभी राशियों ध्यान दीजिएगा सभी राशियों का योग योग मतलब जोड़ना उसको ठीक है बट देखिए औषध प्रयोग कहते हैं सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या क्या उनकी उनकी कुल संख्या ध्यान दीजिएगा आप लोग समझने का प्रयास करेंगे ये छोटा सा एक फॉर्मूला है और ये बेस फॉर्मूला है इसे आप सभी स्टूडेंट पहले नोट करिए अभी हम इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करेंगे उसके बाद हम आप लोगों को जब बताएंगे तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या आप बोल सकते हैं सभी संख्याओं का योग बटा उनकी कुल संख्या ठीक है इसे आप लोग पहले नोट करेंगे सभी स्टूडेंट नोट करेंगे क्या करेंगे औसत बराबर क्या होता है सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या अगर हम लोगों को सिर्फ सभी राशियों का योग बताना हो तो औसत गुने उनकी कुल संख्या क्या करेंगे अगर हम लोगों से बोले यही चीज सभी राशियों का युग तो ये बटा में कुल उनकी संख्या है तो ये गुने में आ जाएगा समझ रहे हैं देखिए अगर हम लोगों से बोले कि सभी ध्यान दीजिएगा सभी राशियों का योग बताइए सभी राशियों सभी राशियों ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे सभी राशियों का योग क्या होगा सभी राशियों का अगर योग पूछे सम ठीक है तो क्या बोलेंगे औसत गुने उनकी कुल संख्या क्या बोलेंगे औसत औसत गुने उनकी कुल संख्या औसत गुणे उनकी कुल संख्या ठीक है इसे आप लोग पहले फटाफट नोट कर लीजिए यह मेन फॉर्मूला है औसत बराबर सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या चलिए अब हम आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे देखिएगा एक छोटा सा देंगे कैसे आप औसत निकालेंगे देखिएगा फॉर्मूले से अगर आपको निकालना हो मान लीजिए आपके पास संख्या है एक दो तीन इनका क्या करना है औसत निकालना है क्या निकालना है एवरेज ठीक है हाँ, एवरेज निकालना तो एक दो तीन का औसत क्या होगा बताए देखिए औसत कैसे निकालेंगे हम आप लोगों को बता रहे बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए औसत बराबर होता क्या है अभी हम आप लोगों को बताएं औसत बराबर होता क्या है सभी राशियों का योग योग मतलब वन प्लस टू प्लस थ्री बटा का उनकी कुल संख्या उनकी कुल संख्या कितनी है कितनी संख्या है एक दो तीन तीन संख्या है तो तीन से भाग करेंगे तो एक दो तीन 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 जोड़ने पे छह बटा का तीन और बराबर आया दो और दो ये क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा ठीक है इनका औसत क्या होगा बताए हाँ एवरेज क्या होता है सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या तो यहां पे औसत क्या हो जाएगा दो हो जाएगा ठीक है एक और क्वेश्चन लेते हैं अगर हम लोगों के पास है एक पांच सात तीन दो इसका औसत क्या होगा इसका अगर औसत निकालना हो तो आप लोग बताएं क्या होगा एक बार कमेंट करिए आप लोग इसका आंसर देखिए इसका आंसर क्या होगा ध्यान दीजिएगा दो होगा तीन नहीं तीन नहीं दो ठीक है इसका औसत क्या होगा देखिए इनका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे आप सब स्टूडेंट जोड़ेंगे वन प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट थ्री प्लस टू तो आप जोड़ेंगे एक पांच छह सात तेरह तेरह दो पंद्रह कितना हो रहा है जोड़ने पे पंद्रह हो रहा है और ध्यान दीजिएगा जोड़ना है और उसके बाद फिर टोटल इनकी संख्या कितनी है दो दो चार ध्यान दीजिएगा सॉरी यहाँ पे कोई संख्या मिसिंग हो रहा है ठीक है प्लस आप कर लेंगे थ्री ठीक है हाँ। थ्री कर लीजिए और थोड़ा सा बढ़ा लीजिए क्योंकि पॉइंट में आपका जाने लगेगा तीन दो पांच पांच दस अठारह हो रहा है पांच हो रहा है ठीक है और इसमें प्लस आप कर लीजिए जानते हैं क्या प्लस दो कर लीजिए एक और संख्या इसमें आप जोड़ लीजिए ठीक है हाँ इसमें आप एक और संख्या अगर इसमें देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे सिर्फ इतने रहे अगर सिर्फ इतने रहे एक पांच सात तीन सॉरी एक देखिए दस मिलो में मिलो में एक पांच तीन ध्यान दीजिएगा एक तीन पांच सात इसका औसत क्या होगा सॉरी ये बस इन्हीं संख्याओं को देखिए एक पांच सात तीन इसका औसत क्या होगा देखिए तो इसके लिए क्या करेंगे वन प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस थ्री बाई टोटल कितनी संख्या है दो दो चार तो बटा चार जितनी संख्याएं होंगी उससे क्या करना है भाग करना है कुछ स्टूडेंट दशमलव में दे रहे हैं अभी दशमलव में आंसर नहीं देना है अभी दशमलव वाले क्वेश्चन आगे कराएंगे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए ठीक है उसके बाद कराएंगे तो आप इसको जोड़ेंगे एक पांच छे और छह सात तेरह तीन सोलह सोलह बटा का चार हो रहा है तो ये क्या होगा चार चौको सोलह यानी आंसर होगा चार समझ में आया औसत कैसे निकाल रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए ये फॉर्मूला पता होना चाहिए ठीक है चलिए फॉर्मूला पता होना चाहिए अभी हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या होता है तो औसत बराबर सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या ठीक है चलिए आगे चलिए एक और पेज हाँ दो सेकेंड इसमें हम एक और पेज ओपन कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को हो रहे देखिए औसत क्या होता है सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या ये आपको पता है देखिए आप लोग औसत बताएंगे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ इसका औसत क्या होगा देखिए आठ एक और आगे बोलिए तो जोड़ ले ठीक है चलिए पहले, पहले आप लोग छोटा बताइए हाँ इसका औसत बताइए एक दो तीन चार पांच का औसत क्या होगा पहले आप इन संख्याओं का औसत बताइए एक दो तीन चार पांच का औसत क्या होगा का औसत क्या होगा अभी यहां पे हम अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे औसत क्या होगा बताए क्या करना है इनको जोड़ना है क्या करना है इनको जोड़ना है वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव बाई टोटल कितनी संख्याएं हैं दो दो चार एक पांच तो पांच से भाग करेंगे तो पांच चार नौ तीन बारह दो चौदह एक पंद्रह जोड़ने पे हुआ पंद्रह बटा का पांच तो ये क्या हो जाएगा तीन औसत क्या होगा तीन समझ में आया हाँ अब देखिए हम लोगों के पास संख्या हो दस बीस दस बीस पच्चीस पंद्रह दीजिए स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे और आगे हम जोड़ लेते हैं एक और दस ले लीजिए ठीक है हाँ ध्यान दीजिए एक और इसमें दस ले लीजिए देखिए इसका औसत क्या होगा इसका औसत क्या होगा औसत हाँ, क्या होगा करना क्या है देखिएगा आप सभी स्टूडेंट सीखेंगे इनको जोड़ेंगे दस प्लस बीस प्लस पच्चीस प्लस पंद्रह प्लस दस बटा का टोटल कितनी संख्याएं हैं? एक दो तीन चार पांच पांच से भाग करेंगे ठीक है पांच से भाग करेंगे ठीक है ध्यान दीजिएगा तो ये जोड़ने पे क्या होगा ध्यान दीजिए दस पंद्रह पच्चीस 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 पचास पचास बीस सत्तर है दस अस्सी जोड़ने पर हुआ अस्सी कितना हुआ अस्सी और बटा का पांच यानी क्या कर रहे हैं सभी संख्याओं का यानी सभी राशियों का योग कर रहे हैं और जितनी उनकी संख्या है उससे भाग कर दे रहे हैं तो क्या आ रहा है औसत आ रहा है तो यहां पे औसत क्या आएगा ध्यान दीजिएगा पांच कम पांच और पांच छे के तीस यानी सोलह पच्चे अस्सी होता है सोलह आंसर हो जाएगा क्या आंसर होगा सोलह होगा बहुत अच्छे वेरी गुड उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे हैं अभी हम एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अगर ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास आप अच्छे से समझ जाएंगे तो एवरेज में दोस्तों लगभग 70 से ध्यान दीजिएगा सेवेंटी से प्रश्नों के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी गारंटी मैं देता हूं ठीक है हाँ अभी देखिए कैसे पहले ये सब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तो औसत निकालने का ये क्या रहा बेसिक तरीका रहा जिसको हम फॉर्मूले से निकाल रहे थे किससे निकाल रहे थे फॉर्मूले से निकाल रहे थे ध्यान दीजिए इसको अब आप चाहे तो औसत आप बिना पेन उठाए भी निकाल सकते हैं बिना जोड़े भी बिना घटाए भी अगर संख्याएं समान चल रही हो संख्याएं सम चल रही हो या संख्याएं विषम चल रही हो अभी हम आप लोगों को बताएं, देखिएगा एक दो तीन इसका औसत क्या होगा देखिए एवरेज यानी औसत क्या होता है बोलते भी है बहुत लोगों से आप मुंह से सुने भी होंगे ये स्टूडेंट एवरेज है एवरेज स्टूडेंट है मतलब ना तेज है ना कमजोर है यानी बीच वाला है तो औसत क्या होता है बीच वाला होता है जिसे माध्य भी बोला जाता है ठीक है बीच वाला समझ रहे तो इसमें क्या है एक दो तीन लगातार संख्या है तो इसका औसत जो होगा वो बीच वाला होगा मतलब एक संख्या इधर छोड़िए एक संख्या इधर से बीच वाला औसत होगा दो आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं वन प्लस टू प्लस थ्री फॉर्मूले से टोटल संख्या है? तीन है तो तीन दो पांच एक छात्र औसत क्या आया अभी इससे पहले हम क्या बोले थे औसत बीच वाला होता है है ठीक बहुत अच्छे यहां आप देखिए एक दो तीन चार पांच ये है इसका औसत क्या होगा समझने का आप लोग प्रयास करेंगे इसका औसत क्या होगा ध्यान दीजिएगा बीच वाला दो संख्या इधर से छोड़िए दो संख्या इधर से बीच में है क्या यानी कभी भी लगातार संख्याएं चल रही हो तो उसका औसत क्या होगा बीच वाला होगा समझिएगा आप सब स्टूडेंट थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो यहां पे आप चाहे तो देख सकते हो वन प्लस टू, प्लस, प्लस, फोर, प्लस फाइव ये फॉर्मूला हो गया सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या दो दो चार एक पांच पांच है तो पांच से भाग करेंगे तो आप देखेंगे कि पांच चार नौ तीन बारह दो तो चौदह एक पंद्रह जोड़ने भी क्या हुआ पंद्रह और बटा का पांच कर रहे हैं तो पांच थी आई पंद्रह औसत क्या या तीन? इससे पहले भी हम क्या बोले थे औसत तीन होता है बिना उठाए बोले थे इसका औसत क्या होगा तीन होगा समझ में आ रहा है ये चीज अभी कॉन्सेप्ट है क्लियर करिए अब देखिए आगे अगर आपको जाना हो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और भी हम आगे जा सकते हैं ठीक है ठीके? और भी हम आगे जहां तक चाहे तहां तक जा सकते हैं ठीक है ठीके? तो औसत इसमें क्या होगा देखिए दोनों तरफ से आप क्या करिए चार चार संख्या छोड़ दीजिए देखिए एक दो तीन चार एक दो तीन चार छोड़ दिए बीच में क्या आया पांच यही इसका औसत होगा क्या होगा औसत क्या होता है बीच वाला संख्या होता है बताइए ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं पहले आप लोग बताएं देखिएगा ये चीज आप लोगों को समझना है बस दिमाग में आपको ये रखना है औसत हमेशा बीच वाला संख्या होता है कब होगा जब ये समान अंतर पे चल रही है जैसे इनके बीच जो अंतर है एक है बहुत से स्टूडेंट देखिए पहले इसको निकाल देते हैं बहुत से स्टूडेंट इसका नहीं देखिए पांच कैसे होगा देखिए वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस हाँ फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस एट प्लस नाइन बाई क्या होगा नाइन ठीक है अब आप इसको जोड़ेंगे इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे ध्यान दीजिएगा जोड़ेंगे तो एक दो तीन 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 छह चार दस दस पांच पंद्रह और पंद्रह में दोस्तों छह जोड़ेंगे इक्कीस इक्कीस और ये नौ जोड़ेंगे तीस और तीस और ये आठ सात पंद्रह होगा तीस और पंद्रह पैंतालीस क्या हो जाएगा पैंतालीस और बटा का नौ तो ये क्या हो जाएगा नौ पच्चे पैंतालीस औसत आया पांच अभी इससे पहले भी हम क्या बोले थे औसत होगा पांच समझ में आ रहा है देखिए औसत क्या होता है हमेशा बीच वाला नंबर होता है और कब होगा जब इन सभी संख्याओं के बीच अंतर समान हो देखिए अब यहां पे आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन के लिए बताएंगे यहां पे हम ले लेते हैं हाँ ले लेते हैं पांच ध्यान दीजिएगा पांच चार दो ठीक है पांच चार दो और हो जाएगा तीन एक यहां पे औसत क्या होगा बताएं हाँ, यहां पे दो सेकेंड थोड़ा सा समझना आप लोगों को पांच चार दो तीन एक ठीक है हाँ पांच चार दो तीन एक अगर रहे ध्यान दीजिएगा तो इसका औसत क्या होगा इसका औसत बताए आप सब स्टूडेंट इस संख्या का औसत बताए अगर आपके सामने है पांच चार ध्यान दीजिएगा हाँ इसका औसत क्या होगा इसका औसत आप लोग बताए अभी हम आप लोगों को सभी संख्याओं का बताएंगे देखिएगा इसका बताना है इसका क्या होगा औसत एक बार आप लोग आंसर देने का प्रयास करें सिंपल क्वेश्चन है पांच चार दो तीन एक इसका औसत क्या होगा देखिए औसत क्या होता है हमेशा बीच वाला संख्या होता है ठीक है हाँ तो यहां पे बहुत से स्टूडेंट औसत दे रहे होंगे दोनों तरफ से दो दो संख्या छोड़ के बीच वाला हाँ अगर ऐसे दे रहे हैं तो आप गलत हैं हमेशा बीच वाला कब होता है जब अंतर समान हो आप यहाँ पे देखेंगे अंतर एक का है ध्यान दीजिएगा यहां पे अंतर देखेंगे दो का है यहां पे अंतर एक का यहां पे अंतर दो का इस प्रकार से आप इसको चाहे तो ऐसे कर सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव इसको सीक्वेंस में लगाएंगे तो इसका औसत क्या होगा तीन होगा समझ रहे हैं ना हाँ इसका औसत क्या होगा तब तीन होगा ऐसे बीच वाला आप नहीं बोलेंगे कब अंतर समान हो ध्यान दीजिए जब अंतर समान हो तो उस दशा में क्या करेंगे औसत बीच वाला आंसर देंगे ठीक है अभी हम आप लोगों को और कुछ संख्या मानते हैं ध्यान दीजिएगा अभी कुछ और संख्या आप लोग मानिए जैसे मान लीजिए तीन चार और मान लीजिए सात ठीक है तीन चार सात तीन चार सात और मान लीजिए नौ और इस पर मान सकते हैं आप क्या दो सेकेंड पांच नहीं मानना है देखना पड़ेगा एक बार जोड़ के ताकि आप सभी स्टूडेंट समझ सके दो चार दो चार पांच दो चार छ छ पांच ध्यान दीजिएगा ग्यारह और उसके बाद से मान लेते हैं हाँ ग्यारह हो रहा है उसके बाद से आप मान लीजिए छह सोलह हो जाएगा उसके बाद से हम मान लेते हैं क्या ध्यान दीजिएगा हाँ सोलह हो रहा है और उसके बाद से हम मान लेते हैं क्या ध्यान दीजिएगा दो दो चार हो रहा है और उसके बाद से सोलह और उसके बाद से हम मान लेते हैं क्या हाँ, दो चार छह पांच ग्यारह छह सत्रह ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट दो, दो सेकंड समझने का प्रयास करेंगे छह पांच ग्यारह ग्यारह चार पंद्रह दो सत्रह सत्रह हो रहा है हम मान ले रहे हैं तेरह ठीक है हाँ तेरह इसका औसत बताएं आप सभी स्टूडेंट इसका औसत बताएं इसका औसत क्या होगा दो चार पांच छह और तेरह का हाँ इसका आंसर आप लोग देने का प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए तो आप सभी स्टूडेंट इसका औसत क्या होगा देखिए दो चार पांच छे तेरह इसका औसत बताएं आप सब स्टूडेंट इसका औसत बताएं थोड़ा सा देखिए हाँ कुछ इसलिए संख्याएं मांग रहे हैं ताकि आप लोग समझ सके अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं तरीका आप लोगों को कॉन्सेप्ट कब क्लियर होगा जब ये सब सारी चीजें सीखेंगे हाँ कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं पांच ठीक है देखिए दो संख्या इधर से छोड़े दो इधर से छोड़े ये औसत ऐसे नहीं होगा कब नहीं होगा जब अंतर समान हो तभी हो सकता है ऐसे नहीं होगा देखेंगे यहां पे दो का अंतर है यहां पे एक का यहां पे एक का यहां पे सात का तो इस दशा में बीच वाला नहीं होगा बीच वाला कब होगा जब अंतर ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट जब अंतर समान हो जब अंतर जब अंतर समान हो एक एक, एक सबका अंतर क्या है एक 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 है तो औसत क्या होगा ये होगा कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं पांच नहीं होगा आप इसको क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा समझने का प्रयास करेंगे आप सब स्टूडेंट दो चार छह पांच ग्यारह छह जोड़ेंगे तो सत्रह और तेरह जोड़ने पे तीस हो रहा है तीस हो रहा है और टोटल संख्याएं कितनी है दो दो चार एक पांच पांच से भाग करेंगे तो पांच छह के तीस इसका औसत क्या होगा छ होगा समझ में आया इसका औसत क्या होगा छ होगा अभी देखिए ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि सभी का आप और जो एवरेज होगा वो बीच वाला संख्या नहीं लेंगे क्या बीच वाला संख्या किसके लिए होगा बताइएगा जब अंतर समान हो इसका बताइए एक तीन पांच सात नौ इसका औसत क्या होगा देखिए इसका औसत क्या होगा बीच वाला होगा क्योंकि देखिए अंतर दो का है अंतर दो का है अंतर दो का है अंतर दो का है जब संख्याओं के बीच अंतर समान हो औसत तो क्या होगा बीच वाला होगा समान विषम संख्या लगातार चल रही है तो औसत क्या होगा बीच वाला होगा देखिएगा आप सभी स्टूडेंट समझेंगे यहां पे थोड़ा सा देखिए जोड़ रहे हैं अगर तो एक प्लस तीन प्लस पांच प्लस सात प्लस नौ ठीक है ये हो रहा है तो देखिए एक तीन चार और चार में पांच जोड़ेंगे नौ नौ सात सोलह सोलह नौ पच्चीस जोड़ने पे क्या हुआ पच्चीस और बटा का क्या होगा ध्यान दीजिएगा पांच संख्या है पांच तो यहां पे ध्यान दीजिएगा पच्चीस बटा का पांच मतलब क्या होगा पांच पच्चे पच्चीस औसत क्या हुआ पांच अभी इससे पहले भी हम क्या बोल रहे थे औसत पांच होगा हाँ कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं जोड़ना नहीं है जब संख्याओं के बीच जो अंतर रहे गैप रहे समान रहे तो औसत क्या होगा बताएं आप सभी स्टूडेंट उस समय दशा में औसत क्या होगा बीच वाला होगा ठीक है अभी देखिए अभी आप लोगों के दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं जो मुझे पता है क्या क्या आ रहा है अभी हम आप लोगों को बताएंगे ठीक है चलिए यहाँ पे बताइए एक दो तीन औसत क्या होगा दो होगा बहुत अच्छे एक दो तीन चार पांच छ सात औसत क्या होगा चार होगा औसत क्या होगा चार होगा क्यों क्योंकि अंतर समान है बहुत अच्छे इतना आप लोग समझ रहे होंगे जोड़ भी रहे होंगे एक दो तीन 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 छह चार दस दस, दस पांच पंद्रह पंद्रह छह इक्कीस और इक्कीस में दोस्तों सात जोड़ेंगे तो क्या होगा इक्कीस सात अट्ठाईस हो रहा है और टोटल संख्या है सात है तो सात से भाग करेंगे सात सौ को औसत आया बीच वाला बीच वाला मतलब तीन इधर से छोड़े तीन इधर से छोड़े तो औसत आ रहा है समझ में आ रहा है ये तो आप सभी स्टूडेंट समझ चुके हैं कि औसत क्या होता है बीच वाला होता है चलिए अब एक और एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को ठीक है यह चीज तो समझ गए हैं एक दो तीन का औसत क्या हो जाएगा दो होगा क्योंकि बीच में है चलिए एक दो तीन चार इसका औसत क्या होगा आप लोग बताएं चलिए इसका औसत क्या होगा एक दो तीन चार अगर आपके सामने दे रहे हैं तो इसका औसत क्या होगा बीच वाला होगा देखिए अंतर देखिएगा एक ही का अंतर है एक ही का अंतर है एक ही का लेकिन इसमें बीच वाला संख्या आप नहीं बता सकते बीच वाला संख्या कब बता सकते हैं जब विषम संख्याएं टाइप का हो मतलब तीन संख्याएं हो पांच संख्याएं हो सात संख्याएं हो नौ ग्यारह तेरह पंद्रह सत्रह इस तरह से हो तो दोनों तरफ से संख्याएं आप बराबर छोड़ सकते हैं लेकिन इसमें भी देखेंगे अंतर तो समान है लेकिन इसमें संख्याएं बीच वाली आपको नजर नहीं आ रही है देखिए यहां पे आप सब स्टूडेंट देखेंगे इधर से अगर आप दो छोड़ दे रहे हैं इधर से दो छोड़ दे रहे हैं तो बीच में कोई मिल ही नहीं रहा है एक दो तीन चार है बीच में कोई नहीं मिल रहा है तो दो और तीन के बीच में आता क्या है टू पॉइंट फाइव ढाई आता है समझिएगा कैसे पता करेंगे ये दो बगल वाली जो संख्या है टू प्लस थ्री जोड़ेंगे पांच पांच को दो, से भाग करेंगे। क्योंकि दो संख्या है चार संख्याएं हैं तो एक दो तीन 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 छह छह चार दस क्या हुआ दस और बटा का हो रहा है चार तो दस बटा चार का मतलब होता है दस को चार से भाग करना तो चार दुना के आठ दस में से आठ जा दो दस मलो लगाएंगे यहां पे और जीरो बढ़ा लेंगे तो चार पच्चे क्या हो जाएगा यानी आंसर क्या आ जाएगा टू पॉइंट हाँ। स्टूडेंट ऐसे सोच रहे होंगे कि सर चार ही संख्याएं दे तो औसत क्या करेंगे ठीक है तो भी आप औसत निकाल सकते हैं बिना पेन उठाए टू पॉइंट फाइव अगर देखिए आपके सामने संख्याएं हो एक दो तीन चार पांच छ यहां पे औसत क्या होगा बताए देखिए यहां पे भी क्या करेंगे दोनों तरफ से आप तीन तीन संख्याएं यानी बराबर बराबर संख्याएं छोड़ना है तो यहां पे बीच वाला जो संख्या होगा वही औसत होगा तीन और चार के बीच में क्या आएगा तीन और चार के बीच में साढ़े तीन कर सकते हैं तीन चार जोड़ेंगे सात दो से भाग करेंगे साढ़े तीन यानी यहां पर जो संख्या आएगा वो होगा थ्री पॉइंट फाइव इसका औसत होगा क्या औसत होगा थ्री पॉइंट फाइव समझ में आ रहा है अभी देखिए सीखिए आप लोग सीखेंगे तो समझ में आएगा 3.5 होगा कैसे पता आप देखिए अगर से लग करें तो सभी राशियों का योग उनकी कुल संख्या, एक दो तीन 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 छह दस पांच पंद्रह छह इक्कीस इक्कीस बटा का छे इक्कीस बटा का क्या हो रहा है छे तो आप इक्कीस को क्या करेंगे छह से भाग करेंगे तो छेत्री क्या हो जाएगा अठारह और 21 में से ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट अठारह जा तीन दशमलव लगाएंगे यहां पे जीरो बढ़ाएंगे छह पच्चे तीस औसत क्या आ गया थ्री पॉइंट फाइव आपको इतना जोड़ने की और भाग करने की जरूरत नहीं है आप बिना पेन उठाए क्या बोले थे थ्री पॉइंट फाइव समझ में आया ये एवरेज का कॉन्सेप्ट है ये चीज आप समझिए अगर ये समझ गए हैं तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है अगर आप ये चीज समझ रहे हैं तो ठीक है चलिए आगे एक और हम आप लोगों को पेज जोड़ते हैं ध्यान दीजिए अगर आपके पास यहां पे इस तरह से हो दो चार यहां पे औसत क्या होगा बताएं आप सभी सब अगर सम संख्याएं चल रही हैं तो अभी क्या चल रहा था विषम संख्या चलिए विषम संख्या चल रहा था और विषम संख्या नहीं चल रहा था अभी क्या चल रहा था नॉर्मल संख्याएं चल रही थी नॉर्मल संख्याएं चलिए एक दो तीन चार पांच, छे सात आठ नौ दस यहां पर अगर पूछे औसत तो बिना पेन उठाए आप क्या बोलेंगे दोनों तरफ से पांच पांच संख्या छोड़ दीजिए बीच वाली संख्या होगी बीच वाली संख्या पांच और छे के बीच क्या आएगी साढ़े पांच कैसे करेंगे इन दोनों जो संख्याएं हैं पांच और छह को जोड़ दीजिए फाइव प्लस सिक्स और दो है दो से भाग करिए ग्यारह बटा का दो यानी फाइव पॉइंट फाइव आप चाहें तो इसे क्या कर सकते हैं जोड़ के भी देख सकते हैं क्या कर सकते हैं जोड़ के भी देख सकते हैं और भाग कर देंगे दस से तो आएगा आंसर क्या 5.5 आप इसको जोड़ेंगे सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा पचपन और बटा का होगा दस ठीक है इसे जोड़ेंगे तो होगा पचपन और बटा का दस तो आंसर आएगा 5.5 यही आपका आंसर होगा ठीक है तो जोड़ना नहीं है क्या करना है डायरेक्ट बोल देना है इन दोनों के बीच वाला 5.5 होगा क्या होगा 5.5 होगा ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आप सभी को क्या होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए चलिए अब हम लेते हैं विषम संख्याएं है। अगर आपके पास है एक तीन पांच सात नौ इसका एवरेज क्या होगा एवरेज क्या होता है औसत क्या होता है बीच वाला संख्या होता है ठीक है क्या होता है बीच वाला, होता तो बीच वाला संख्या होता है तो यहां पे बीच वाला संख्या क्या है पांच देखिए अंतर सबका समान है एक दो तीन तीन दो पांच पांच दो सात सात दो नौ दो दो का अंतर है इसलिए बीच वाला संख्या होगा आप इसको एवरेज निकालने के लिए क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं एक प्लस तीन प्लस पांच प्लस सात प्लस नौ और बटा का क्या होगा टोटल कितनी संख्या है दो दो चार एक पांच तो पांच से भाग करेंगे ये क्या है ये बेस फॉर्मूला है सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या औसत यही होता है आप यहाँ पे जोड़ेंगे आप सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा एक तीन चार पांच नौ सात सोलह नौ पच्चीस क्या हुआ पच्चीस और बटा का पांच कर रहे हैं तो औसत क्या या पांच इससे पहले भी हम बोले थे क्या पांच ठीक है बहुत अच्छे चलिए अगर आपके पास संख्याएं ऐसे हैं तीन पांच सात कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे ही से स्टार्ट हो रहा है क्या चलिए कोई नहीं सात नौ ग्यारह तेरह पंद्रह यहां पे औसत क्या होगा बताएं आप सभी स्टूडेंट यहां पे औसत क्या होगा ध्यान दीजिए सबके बीच अंतर क्या चल रहा है दो दो का अंतर क्या चल रहा है दो दो का ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट सीखेंगे तो यहां पे क्या करेंगे दोनों तरफ से दो दो संख्या छोड़ दीजिए ठीक है दोनों तरफ से समान संख्या छोड़िए औसत हमेशा बीच वाला होता है एवरेज होगा ग्यारह आप चाहे तो निकाल के भी देख सकते हैं ध्यान दीजिएगा नौ सात सोलह सोलह ग्यारह जोड़ेंगे तो क्या होगा सोलह दस छब्बीस सत्ताईस में तेरह जोड़ेंगे तो चालीस और पंद्रह जोड़ेंगे तो क्या होगा पचपन और बटा का पांच संख्या है तो पांच से भाग करिए तो ग्यारह इससे पहले भी हम क्या बोले थे ग्यारह होगा यह कॉन्सेप्ट है यह कॉन्सेप्ट है ये देखिएगा ये कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा समझना है ठीक है अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये आ रहा होगा एक तीन पांच सात नौ का तो बीच वाला बोल दिए सर लेकिन अगर संख्याएं ऐसे हो एक तीन पांच केवल सात तक हो तो इसका औसत क्या होगा हाँ यहां तक तो आप बोल सकते हैं कि संख्याएं पांच है सात है नौ है ठीक है तो इस तरह से आप बता दे रहे लेकिन संख्याएं सिर्फ चार ही हो तो इसमें बीच वाला क्या होगा बताएं हाँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एक तीन पांच सात सिर्फ हो तो इसका औसत क्या होगा देखिएगा इसका भी औसत होगा हम दोनों तरफ से समान संख्या छोड़ेंगे मतलब दो दो छोड़ेंगे तीन और पांच के बीच में क्या आएगा तीन और पांच के बीच में क्या आएगा तीन और पांच के बीच में आएगा चार कैसे पता तीन और पांच ध्यान दीजिए थ्री प्लस फाइव जोड़ के दो से भाग करेंगे तो ये आठ बटा का दो होगा यानी कि चार इसका औसत क्या होगा दोस्तों चार होगा आप चाहे तो निकाल के भी देख सकते हैं फोर पॉइंट फोर नहीं थ्री पॉइंट फाइव भी नहीं तीन और पांच के बीच में आपको बताना है तीन और पांच के तो तीन और पांच के बीच वाला संख्या निकालने के लिए तीन पांच को जोड़ के दो से भाग करिए अब देखिए औसत का फॉर्मूला लगाएंगे वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन बाई क्या होगा फोर ठीक है आप जोड़ेंगे एक तीन चार चार पांच नौ नौ सात सोलह सोलह हो रहा है और सोलह बटा का चार कर रहे हैं तो औसत आया चार इससे पहले भी आया था क्या चार समझ में आया चलिए यहां पे देखेंगे अगर हम लोगों के पास संख्याएं हो सात नौ ग्यारह इसका औसत क्या होगा यहां पे भी चार ही संख्याएं हैं या आगे चल के छह संख्याएं हो जाए आठ हो जाए दस हो जाए तो दोनों तरफ से बराबर बराबर छोड़ने पे बीच में कुछ बच ही नहीं रहा है जब कुछ ना बचे देखिए दोनों तरफ से हम क्या किए दो दो संख्या छोड़ दिए तो एवरेज क्या होगा यहाँ पे बीच वाला नौ और ग्यारह के बीच क्या होगा दस या आप चाहें तो नौ प्लस जोड़ेंगे और बटा दो करेंगे तो ग्यारह नौ बीस बीस को दो से भाग करेंगे तो दस आप चाहे तो औसत बीस का निकाल सकते हैं सात नौ ग्यारह तेरह का बीस ही, ही होगा देखिएगा आप सभी स्टूडेंट यहां पे तेरह और सात जोड़ेंगे बीस ग्यारह नौ बीस 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 चालीस हो गया टोटल संख्या कितनी है एक दो तीन चार चार से भाग किए औसत आया दस इससे पहले भी हम आंसर क्या दिए थे दस समझ में आ रहा है ये क्या है कॉन्सेप्ट है ये क्या है कॉन्सेप्ट है ये चीज आपको थोड़ा सा समझना है ठीक है कभी भी लगातार समझिएगा आप सभी स्टूडेंट विषम संख्याएं चले लगातार विषम संख्याएं चले चाहे वो क्या हो चार संख्याएं हो पांच संख्याएं छह सात आठ तेरह चौदह कुछ भी हो ठीक है अगर आपके पास संख्याएं हैं मान लीजिए संख्याएं कहीं से भी चल रही है ग्यारह तेरह पंद्रह सत्रह उन्नीस इक्कीस तेईस पच्चीस सत्ताईस इकतीस अगर संख्या तक गई कहां तक इकतीस तक चली गई तो औसत इसका क्या होगा काउंट करेंगे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह संख्याएं हो रही हैं क्या ग्यारह तो दोनों तरफ से पांच छोड़ेंगे कितनी संख्याएं छोड़ेंगे पांच छोड़ेंगे इधर से भी एक दो तीन चार पांच कितनी दो दो चार एक पांच बीच वाला क्या होगा औसत इसका औसत क्या हो जाएगा इक्कीस अब क्या करेंगे इतनी बड़ी संख्या को आप जोड़ेंगे भाग करेंगे टाइम लगेगा हाँ लगेगा लेकिन आप ऐसे आपको जब आपको पता है कि यह चीज है तो आप डायरेक्ट आंसर देंगे इक्कीस यानी औसत क्या होता है बीच वाला संख्या होता है तो यानी इससे आप कहां से बच रहे हैं जो आपको जोड़ना है और भाग करना है उससे आप डायरेक्ट बच रहे हैं समझ में आ रहा है देखिएगा आप सभी स्टूडेंट समझेंगे अगर संख्याएं कुछ भी दी हो आपके सामने देखिएगा मान लीजिए तेईस से चल रहा है तेईस पच्चीस सत्ताईस उनतीस इक्तीस तैतीस पैंतीस सैतीस उनतालीस इसका औसत पूछ ले तो आप क्या बोलेंगे आप क्या बोलेंगे आगे और भी धर आ जाए इक्कीस तेईस पच्चीस ये लगातार क्या चल रही है विषम संख्या चल रही हैं तो आप गिनेंगे दो दो चार दो छे दो आठ दो दस टोटल कितनी संख्याएं हैं दस हैं दस है तो कोई बात नहीं एक दो तीन चार पांच पांच तक छोड़ेंगे इधर भी क्या करेंगे दो दो चार एक पांच संख्या छोड़ेंगे तो उन्तीस और इकतीस के बीच में क्या आएगा उन्तीस और इकतीस के बीच में क्या आएगा उन्तीस और इकतीस के बीच में आएगा तीस इसका औसत होगा तीस इन सभी संख्याओं का एवरेज होगा जो वो क्या होगा तीस समझ में आया एवरेज जो होगा तीस अब आप क्या कर सकते हैं फॉर्मूला लगा सकते हैं सभी राशियों का योग बटा सभी राशियों की संख्या इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, तो आएगा क्या बताइए तो और दस से भाग करेंगे तब तो जाके आएगा सत्य जोड़ना क्या है थोड़ा सा कठिन है जोड़ना क्या है थोड़ा सा कठिन है देखिए कुछ स्टूडेंट एक बता रहे देखिएगा दो चार एक पांच छोड़े दो दो चार एक पांच दोनों तरफ से पांच पांच छोड़ना है तो उन्तीस और के बीच बीच क्या आएगा? बताइएगा। यानी कि वाला संख्या निकालने के लिए उन्तीस इकतीस के बीच क्या आएगा बताइएगा। चलेंगे एक तीस आएगा एवरेज तीस होगा ये चीज समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कॉन्सेप्ट क्लियर करिए ठीक है हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करिए आप जोड़ के भी देख सकते हैं हम डायरेक्ट बोले हैं ये आप जोड़ेंगे तो 300 आएगा फिर 10 से भाग करेंगे क्योंकि 10 संख्याएं सभी राशियों का योग 300 आएगा 10 से भाग करेंगे तो क्या होगा क्या होगा 30 होगा आप इतना जोड़ेंगे करेंगे इससे बढ़िया है डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला ठीक है बहुत अच्छे एकदम सही उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं आप देखिए अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है देखिए अब तो आप कितना बड़ी से बड़ी संख्याएं दिया हो तो आप निकाल सकते हैं अब हम चलते हैं थोड़ा सा सम संख्या वाले से रिलेटेड बताते हैं अभी हम विषम संख्या से संबंधित बात कर रहे थे अब हम बात करेंगे सम संख्या से संबंधित ठीक है नॉर्मल संख्याएं हो गई हैं सम संख्या से संबंधित बात करेंगे अगर आपके पास दो चार छ हो तो इसका औसत क्या होगा समान अंतर है एवरेज क्या होगा चार होगा कैसे क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है सभी राशियों का योग मतलब टू प्लस फोर प्लस सिक्स बाई टोटल संख्या कितनी है तीन ठीक है तो दो चार छ बारह और बटा का तीन करेंगे तो तीन चौक को बारह एवरेज आया चार इससे पहले भी हम आंसर दिए थे चार ठीक है आगे आइए अगर फिर से आगे देखिए चार छ आठ दस और बारह हो तो इसका औसत क्या होगा बताएं हाँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोग समझेंगे आज जो आपकी क्लास से पूरी कॉन्सेप्ट है बस आप लोग समझ जाएंगे तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगी देखिएगा इसका औसत क्या होगा दोनों तरफ से समान संख्या है, छोड़ना है। क्योंकि इसमें भी क्या किए थे दोनों तरफ से एक एक संख्या छोड़ थे तो दो दो संख्या छोड़ दिए दो दो संख्या छोड़ दिए तो बीच वाली संख्या क्या है आठ इसका औसत आठ ही होगा आप चाहे तो जोड़ के और इन संख्याओं से यानी कि छे से भाग करके देख सकते क्योंकि छह संख्या है देखिए बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे तो फोर प्लस सिक्स प्लस एट प्लस टेन प्लस ट्वेल्व क्या होगा टोटल कितनी संख्या है एक दो तीन चार पांच है दो, दो, चार, एक, पाँच। पाँच है, तो पाँची से दस, 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 औसत तो क्या, क्या, तो क्या है? है। इससे पहले भी हम लोग क्या बोले थे? एवरेज आठ होगा भी हो अब देखिए अब आपके पास संख्याएं अगर ऐसे चले बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाईस तीस बत्तीस और भी आगे ले लीजिए हाँ बत्तीस के बाद और भी आप आगे ले सकते हैं या इधर ले सकते हैं क्या बीस लगातार देखिएगा लगातार संख्याएं क्या है क्रमशः जो क्रमशः सम संख्याएं बढ़ रही तो औसत क्या होगा दो ध्यान दीजिए दो दो चार दो सात है तो दोनों तरफ से तीन तीन छोड़ दीजिए दोनों तरफ से तीन तीन औसत क्या होगा छब्बीस होगा औसत क्या होगा छब्बीस होगा आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं क्या होगा बताइए औसत होगा छब्बीस कैसे पता दोनों तरफ से समान संख्याएं छोड़ दिए और बीच वाला संख्या को एवरेज मान लिए। चलिए दोनों तरफ से क्या किए समान संख्या छोड़ दिए बीच वाला संख्या को औसत मान दिए आप चाहे तो इसको जोड़ के और क्या कर सकते हैं सात संख्या है सात से भाग करके देख सकते हैं छब्बीस ही आएगा क्या कर सकते हैं जोड़ के भाग देके देख सकते हैं अब चलिए अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा यहां पे तो सर आप बता दे रहे हैं बीच वाला संख्या अगर संख्याएं यही हो ध्यान दीजिएगा दो चार छ आठ इसका औसत क्या होगा इसका का औसत इसका औसत क्या होगा इसका औसत क्या होगा बताएं आप सभी स्टूडेंट इसका औसत क्या होगा देखिए तरीका भी आप लोग सीखिए ये जो आज की क्लास है कॉन्सेप्ट की क्लास है इसका औसत क्या होगा दो चार छ आठ का बताएं आप सभी स्टूडेंट हां ट्वेंटी सिक्स बता रहे वेरी गुड बहुत अच्छे इसका औसत क्या होगा दो चार छ आठ अब आप लोग देख रहे होंगे यहां पे ध्यान दीजिएगा कि यहां पे अगर हम दोनों तरफ से समान संख्या छोड़े दो दो, इधर से दो भी इधर से दो अगर छोड़ दे तो बीच वाला संख्या कुछ मिल नहीं रहा है लेकिन है चार और छह के बीच में क्या आएगा चार और छह के बीच में आता है पांच कैसे आप क्या करेंगे चार प्लस छ बटा दो दो है संख्या है। तो चार छः दस बटा का दो औसत होगा पांच क्या होगा औसत होगा पांच औसत क्या होगा पांच होगा वेरी गुड बहुत अच्छे उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए आप चाहे तो फॉर्मूला से निकाल सकते हैं टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट बाई क्या होगा बताए आप सभी स्टूडेंट चार संख्या हैं चार तो दो चार छ बारह बारह आठ बीस बीस और बटा का चार कर रहे हैं तो क्या रहा है पांच इससे पहले हम लोग क्या बोले थे औसत होगा पांच समझ में आया बहुत अच्छे एकदम सही अब आप लोगों के सामने और कोई संख्या दिया हो ध्यान दीजिएगा अगर आपके सामने कोई और भी संख्या हो जैसे तीस बत्तीस चौतीस छत्तीस अड़तीस ध्यान दीजिएगा हाँ और इधर आ जाइए थोड़ा सा और अट्ठाईस इसका औसत क्या होगा आप लोग बताएं अभी हम देखिए आप लोग समझे कि नहीं अट्ठाइस तीस बत्तीस चौतीस, छत्तीस अड़तीस इसका औसत क्या होगा आप लोग बता सकते हैं इसका औसत क्या होगा चलिए इसका एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए उसके बाद से हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट हाँ, की आज क्लासे थोड़े से समझेंगे चलिए देखिए औसत इसका क्या होगा देखिए दोनों तरफ से समान संख्या छोड़ना है काउंट करना है दो दो चार दो छह है तो इधर से तीन छोड़िए इधर से तीन बीच में कुछ बचा नहीं है बीच में कुछ बचा नहीं है तो बत्तीस और चौंतीस बत्तीस और चौंतीस के बीच क्या आएगा बत्तीस और चौंतीस के बीच क्या आएगा देखिए तैतीस थर्टी थ्री क्या आएगा यहां पे यहां पे क्या आएगा तैतीस आएगा इसका औसत तैतीस हो जाएगा इसका औसत क्या होगा तैतीस होगा समझ में आ गया समझ में आ गया उम्मीद करते हैं आप सब स्टूडेंट समझ गए होंगे ठीक है समझ में आ गया है ठीक है चलिए, तो आज आप लोगों ने क्या सीखा आज आप लोगों ने सीखा कि औसत जो होता है हमेशा बीच वाला संख्या होता है कब होगा जब अंतर उनका समान हो ठीक है जैसे एक दो तीन इसका औसत बताना हो तो बोलेंगे बीच वाला संख्या एक दो तीन चार पांच इसका क्या होगा बीच वाला संख्या एक दो तीन चार बीच वाला संख्या बीच वाला संख्या मतलब दो और तीन के बीच क्या टू पॉइंट फाइव यह औसत हो जाएगा ठीक है यह चीज आपने सीखा आपने यह भी सीखा यह नॉर्मल संख्याएं थी सम संख्याएं होंगी तो ध्यान दीजिए या विषम संख्याएं होंगी एक तीन पांच सात नौ इसका औसत क्या होगा पांच होगा क्यों होगा क्योंकि दोनों तरफ से दो दो संख्या छोड़ रहे हैं आप निकाल भी सकते हैं ठीक है हाँ यह चीज आप लोगों को समझना है ठीक है हाँ अगर संख्याएं और आगे तक चली जाए मान लीजिए नौ ग्यारह तेरह पंद्रह सत्रह उन्नीस ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट और आगे चला जाए इक्कीस ठीक है इसका औसत क्या होगा ध्यान दीजिएगा आगे चल जाए दोनों तरफ से समान संख्या छोड़ना है औसत क्या होगा बीच वाला यानी पंद्रह हो जाएगा चीज आपने सीखा आज की क्लास में और देखिए यह चल रहा है विषम अभी देखिएगा अगर संख्या ऐसे हो तीन पांच सात नौ इसका औसत क्या होगा चार विषम संख्याएं हैं तो बीच वाला दोनों तरफ से क्या करेंगे दो दो छोड़ेंगे यहां पे बीच वाला बीच में पांच और सात के बीच क्या आएगा छे यानी औसत इसका क्या होगा छ होगा आप चाहे तो जोड़ के चार से भाग भी करके देख सकते हैं छ ही आएगा ठीक है ये आप आप लोगों लोगों ने ने सीखा, सीखा उसके बाद सम संख्याओं का अगर दो चार छ हो तो औसत क्या होगा चार होगा आप जोड़ के भाग करके भी देख सकते हैं या आगे बात करें हम बारह चौदह सोलह अठारह बीस ध्यान दीजिएगा इसका औसत क्या होगा सोलह होगा कैसे पता दोनों तरफ से बराबर संख्या छोड़ना है बीच वाला और ये कब हो रहा है जब अंतर इनका समान है कब हो रहा है जब अंतर समान है तब हो रहा है ठीक है अभी आप लोगों ने और सीखा और क्या सीखा बताइएगा अभी हम विषम संख्या में, में एक चीज ये चीज आप लोगों से सीखा कि चार भी होगा तो ऐसे आएगा विषम संख्या में विषम संख्या और सम संख्या निकलना बहुत आसान होता है ठीक है नॉर्मल संख्याएं में क्या करना है दोनों को अगल बगल संख्या को जोड़ के दो से भाग करना है यानी दो तीन के बीच ढाई समझ में आया यानी कि दो तीन पांच बटा का दो ऐसे किए तो इसमें आप लोग समझे अगर संख्या ऐसे हो बारह चौदह सोलह और अठारह चार संख्याएं हो तो क्या करेंगे दो दो दोनों तरफ छोड़ेंगे चौदह और सोलह के बीच क्या आएगा चौदह और सोलह के बीच आएगा पंद्रह औसत होगा पंद्रह समझ में आया हाँ देखिए लगातार अगर सम संख्याएं हो लगातार विषम संख्याएं हो या लगातार संख्याएं चल रही हो तो औसत क्या होगा हमेशा बीच वाला संख्या होगा समझ में आया अब एक और चीज अब यहां पे देखेंगे पांच दस पंद्रह यहां पे भी क्या होगा ध्यान दीजिएगा जो इनके बीच अंतर है पांच का है इसके बीच भी अंतर पांच का है तो औसत क्या हो जाएगा बीच वाला आप चाहें तो जोड़ सकते हैं पांच प्लस दस प्लस, प्लस पंद्रह पांच दस पंद्रह पंद्रह तीस हो रहा है और बटा का तीन होगा ना यही ना तो तीस बटा का तीन करेंगे तो क्या हो जाएगा दस जब इनके बीच जो गैप है अंतर अंतर का मतलब गैप, ये सिर्फ सम विषम और बराबर संख्या नहीं चलेंगी। अंतर जब जमान हो, तो जो औसत होगा वो क्या होगा हमेशा बीच वाला संख्या होगा ये चीज समझ गए आज की क्लास जो आपकी चली है ये पूरी कॉन्सेप्ट की क्लास चली है अगर इतना आप लोग समझ गए हैं तो आने वाले टाइम में जो आपकी क्लास चलेगी ठीक है हाँ और आने वाले टाइम में कभी भी आप एग्जाम देंगे तो एवरेज के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट आज की क्लास को बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ठीक है तो आप लोग कर लेंगे अभी क्या एक कॉन्सेप्ट समझाए कल से जो आपकी क्लास चलेगी यानी कि नेक्स्ट डे से जो आपकी क्लास होगी ठीक है उसमें हम आप लोगों को बताएंगे क्या क्वेश्चन ठीक है तो आज आप लोगों का क्या रहा कॉन्सेप्ट क्या क्लास रहा और औसत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या ये आपको बस पता होना चाहिए वो कब लगाएंगे जब संख्याएं इस तरह से हो तीन चार सात नौ ग्यारह हो उसके बाद दस हो यहां पे हो जाए एक हो जाए अगर इस तरह से संख्याएं हो ठीक है अंतर का पता ना हो कितने कितने का अंतर है तो इसमें क्या करेंगे आप सभी स्टूडेंट ये रूल नहीं लगाएंगे कि दोनों तरफ से तीन तीन छोड़ के औसत दे देना यहां पे क्या करना है सभी संख्याओं को जोड़ना है और सात यानी कितनी संख्याएं सात संख्या है तो सात से भाग करना है इन सब में ये लगाना है ठीक है सरकारी नौकरी चाहे कोई भी हो उसमें हंड्रेड परसेंट सफलता के लिए आज ही डाउनलोड करें एस एस सी मेकर ऐप एस एस सी मेकर ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें नमस्कार दोस्तों मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे ये एवरेज का क्लास नंबर टू है इससे पहले दोस्तों हम क्लास वन कराए हैं और क्लास वन में हम आप लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं कि एवरेज क्या होता है हाँ और एवरेज निकाला कैसे जाता है देखिए तो एवरेज यानी कि औसत क्या होता है औसत क्या होता है हाँ औसत के लिए फॉर्मूला भी बताए थे औसत के लिए पिछले क्लास में फार्मूला भी बताए थे सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या औसत के लिए क्या हम आप लोगों को बताए थे एक औसत के लिए दोस्तों हम आप लोगों को बताए थे फार्मूला ध्यान दीजिए एक बार और बता देते हैं ध्यान दीजिएगा औसत औसत बराबर क्या होता है हाँ सभी राशियों सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या क्या उनकी कुल संख्या ये क्या होता है एवरेज होता है यानी औसत होता है जैसे क्वेश्चन आया था एक दो तीन का औसत क्या होगा तो यानी कितनी संख्याएं हैं इनका योग करना है पहले क्या करेंगे इनका योग वन प्लस टू प्लस थ्री इनकी कुल संख्या कितनी है तीन है तो तीन से भाग करेंगे तो एक दो तीन तीन छह बटा का तीन यानी कि औसत होगा दो ये चीज आप लोग समझ चुके हैं हाँ चलिए ये चीज आप लोग समझ चुके हैं अच्छी बात है चलिए इतना तो आप लोगों को समझा चुके हैं लगातार सम संख्याएं लगातार विषम संख्याएं लगातार प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज कैसे निकाला जाता है यह भी बताए हैं और अलग अलग संख्याएं हो तो क्या करना है सभी संख्याओं को जोड़ना है और देखना है कितनी संख्या है उससे भाग कर देंगे तो क्या आएगा एवरेज आएगा यानी औसत आएगा ये सारी चीजें आप सभी स्टूडेंट पहली क्लास में पढ़ चुके हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है ठीक है तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे ठीक है चलिए क्वेश्चन देखेंगे आप सभी स्टूडेंट पहला क्वेश्चन देखिएगा पहला क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे क्वेश्चन है तीन चार सोलह सत्रह बारह एवं आठ का औसत क्या होगा औसत मतलब एवरेज बताना है औसत क्या होता है जितनी भी ये संख्याएं दी हैं इनका जितनी भी ये राशियां दी है इनका योग करेंगे और बटा जितनी इनकी संख्या है टोटल कितनी संख्या वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छः है तो छः से भाग कर देंगे एवरेज आएगा आएगा ना देखिए फटाफट आंसर दीजिए देखिए औसत पूछ रहा है देखिए औसत इसका क्या होगा ध्यान देंगे समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे औसत क्या होगा सभी राशियों का योग मतलब थ्री प्लस फोर प्लस सिक्सटीन प्लस सेवनटीन प्लस ट्वेल्व प्लस एट बाई क्या होगा बताए आप सभी स्टूडेंट बाई टोटल संख्या कितनी है एक दो तीन चार पांच छे छे है तो छे से भाग करना है तो फटाफट आंसर दे तो आप सभी स्टूडेंट जोड़ के भाग दे क्या होगा देखिएगा यहां पे देखेंगे समझेंगे देखिए कुछ नहीं करना है तीन चार सात और सात में दोस्तो जोडेंगे, साथ दोस्तों सोलह जोड़ेंगे सोलह सात दोस्तों तेईस में सत्रह जोड़ेंगे तो तेईस सात क्या हो जाएगा तीस दस चालीस और चालीस बारह हो जाएगा क्या बावन आठ साठ ये हो गया साठ और बटा का क्या होगा छह तो आंसर आपका क्या होगा छह दहा में साठ दस जो एवरेज होगा वो क्या होगा दस होगा यानी जो औसत होगा दस होगा आंसर होगा दस देखिए जब ये लगातार संख्याएं होती तो औसत बीच वाला होता है लगातार सम संख्याएं होती तो औसत बीच वाला लगातार भी संख्याएं होती तो औसत बीच वाला ये सब तो आप सबको पता है क्योंकि पहला क्लास आप लोग कर चुके हैं चले ये चीज समझ गए आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले ये सिंपल क्वेश्चन है ये जीरो लेवल का क्वेश्चन है यानी कि आपका पहला क्वेश्चन रहा ठीक है चलिए आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन देखिएगा दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है समझेंगे आप सब स्टूडेंट अच्छे से क्वेश्चन है किसी कक्षा में सात विद्यार्थियों का प्राप्तांक सत्ताईस तिहत्तर बासठ तीस पचास अड़तीस सत्तर है प्राप्तांक की माध्य है प्राप्तांक की माध्य मतलब औसत आपको बताना है क्या बताना है एवरेज बताना है माध्य मतलब एवरेज यानी औसत बताना है इसका औसत आप सभी स्टूडेंट बताएं क्या होगा देखिए चलिए समझ में आ रहे हैं सभी स्टूडेंट बोल रहे हैं समझ में आ रहे है अच्छे से समझ में आएगा सभी को समझ में आएगा देखिए औसत बराबर होता क्या है औसत बराबर होता क्या है सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या तो इन्हें यहाँ पे क्या करेंगे जो संख्याएं हैं देखिएगा क्या है सत्ताईस है प्लस तिहत्तर प्लस बासठ प्लस तीस प्लस पचास प्लस अड़तीस प्लस ध्यान दीजिएगा उस ये थर्टी एट है ध्यान दीजिएगा पचास के बाद थर्टी एट अर्थिस प्लस सत्तर बटा क्या होगा आप सभी स्टूडेंट बताएं ये कह रहा है सात विद्यार्थी तो सात ही होगा एक दो तीन चार पांच छः सात कितना है सात है तो सात से भाग करेंगे देखिए मोबाइल का या कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है अपने हाँ कॉपी पेन से ही इसको सॉल्व करना है ठीक है देखिए सिंपल तरीका बताएं देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल तरीका आप ऐसे नहीं जोड़ेंगे एक एक को नहीं जोड़ना है देखिएगा आप सभी स्टूडेंट कैसे जोड़ेंगे हम आप लोगों को बता रहे हैं देखिए यहाँ पे अगर हम तिहत्तर में सात जोड़ेंगे अस्सी बीस सौ सत्ताईस क्या हो जाएगा सौ हो जाएगा सौ होगा हो ध्यान दीजिएगा बासठ में दोस्तों अड़तीस जोड़ेंगे बासठ में अड़तीस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताए सौ हो जाएगा ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट यहां देखेंगे. 62 आप देखेंगे बासठ में आठ जोड़ेंगे सत्तर तीस सौ सौ हो जाएगा यहां आप देखिए तीस और सत्तर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सौ हो जाएगा देखिए आप सभी स्टूडेंट सौ सौ दो सौ और सौ तीन सौ और एक बचा है क्या पचास यानी तीन सौ पचास बराबर क्या होगा तीन सौ पचास बटा का सात तो सात से भाग करेंगे तो सात पच्चे पैंतीस आंसर होगा पचास हाँ जोड़ने का भी तरीका आप लोग सीखेंगे कि कैसे जोड़ रहे हैं देखिए हाँ एक एक करके जोड़ेंगे तो आप लोगों को टाइम लगेगा आप देखिए सौ इसको कंप्लीट कर दिए बासठ अड़तीस दिख रहा है ये भी सौ हो जाएगा तीस सत्तर दिख रहा है सौ हो जाएगा बस एक बचा क्या है पचास ही बचा है मतलब तीन सौ सीधा सीधा दिख गए पचास यानी तीन सौ पचास बटा का साथ जो इनका माध्य होगा यानी जो औसत होगा यानी जो एवरेज होगा वो होगा पचास पचास इतने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं एकदम सही है उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे देखिए यहां पे आप लोगों की जो भी क्लासेस चल रही हैं एकदम बेसिक से कराया जा रहा है जीरो लेवल से कराया जा रहा है और चैप्टर बाईज चैप्टर क्लासेस चल रही है तो आप सभी स्टूडेंट मन लगा के पढ़िए खूब अच्छे से पढ़िए और डेली क्लास को ज्वाइन करिए ठीक है चले आगे चले हा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करें तो यह भी इंपॉर्टेंट है अच्छे से देखना है और आप लोगों को समझना है क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोल रहा है देखिएगा क्वेश्चन नंबर बोल रहा है तीन आठ एक्स का मत का औसत आठ हो तो एक्स का मान क्या होगा औसत बराबर क्या होता है सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या वही होता है क्या औसत और औसत ध्यान दीजिए एक बार लिख देते हैं ताकि आप सभी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो औसत औसत बराबर क्या होता है सभी राशियों का योग क्या होता है सभी राशियों सभी राशियों का योग मतलब जोड़ बटा उनकी कुल संख्या क्या उनकी उनकी कुल संख्या यही होता है औसत देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है हाँ सभी राशियां क्या है तीन छे आठ एक सात और औसत क्या है आठ है ये औसत आठ है यानी ये आठ दिया हुआ है सभी राशियों का योग करेंगे तो क्या होगा थ्री प्लस सिक्स प्लस एट प्लस एक्स प्लस सेवन यही हो रहा है हाँ देखिएगा समझिएगा आप सब स्टूडेंट थ्री प्लस सिक्स प्लस एट प्लस एक्स प्लस सेवन बाई क्या होगा उनकी कुल संख्या इनकी कुल संख्या क्या है देखिएगा आप सब स्टूडेंट एक दो तीन चार पांच क्या है इनकी संख्या है पांच तो ये भाग में पांच इधर आएगा तो गुना में होगा तो आठ पच्ची क्या हो जाएगा चालीस बराबर क्या होगा ध्यान दीजिएगा इसको जोड़ेंगे तो तीन नौ और नौ आठ क्या होगा सत्रह और सत्रह में दोस्तों आप क्या करेंगे सात जोड़ेंगे तो चौबीस यानी कि ये हो रहा है x तो बराबर क्या होगा बताए आप सब स्टूडेंट चालीस में से चौबीस जा सोलह यानी कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा सोलह होगा जो x की वैल्यू होगी वो होगी क्या सोलह और यही आंसर हो जाएगा बताए समझ में आया कि नहीं आप ऐसे भी कर सकते थे इनको जोड़ते पांच से भाग बराबर औसत वही चीज कर सकते थे तो औसत बराबर ये होता है आप सबको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला है समझ में आ गया चलिए बहुत अच्छे वेरी गुड जितने स्टूडेंट 16 यानी 16 आंसर दे रहे हैं अब सभी स्टूडेंट एकदम सही है उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे ये आज जो है उधर गया है ये भाग से तो गुने में हुआ है तो 40 हो गया है ठीक है उसके बाद से ये क्या हुआ देखिए एक्स तो रहा और जोड़ने पे 24 हुआ तो एक्स प्लस चौबीस चौबीस बराबर उधर जाएगा माइनस में होगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा सोलह <laughs> हाँ बताए समझ में आ गया हाँ, मन लगा के पढ़िए सीखिए समझने का प्रयास करिए सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट देखें आगे देखिएगा आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन है पांच संख्याओं का औसत पच्चीस है यदि प्रत्येक संख्या में चार जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा क्या बोल रहे हैं पांच संख्याओं का औसत पच्चीस है यदि प्रत्येक संख्या में चार जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा ये पूछ रहे हैं देखिए क्या बोल रहे देखिए, पांच संख्याओं का औसत पच्चीस है देखिए तो सभी संख्याओं का योग क्या होगा सभी राशियों का योग बराबर क्या होता है बताए आप सभी स्टूडेंट सभी राशियों का योग बराबर औसत गुने उनकी कुल संख्या यही होता है तो यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखेंगे पांच संख्याओं का अगर औसत पच्चीस है तो पांच गुने पच्चीस या देखिए पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि आप सभी स्टूडेंट समझ सके देखिए औसत बराबर क्या होता है सभी राशियों का योग क्या सभी सभी देखिए याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा क्योंकि ये फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या क्या उनकी कुल संख्या ये क्या होता है औसत होता है ठीक है ये चीज समझ गए सभी राशियों का योग बताना हो तो क्या होगा ये भाग वाला गुना में आ जाएगा अगर हमें सिर्फ ये बताना हो सभी सभी राशियों ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट देखेंगे सभी राशियों का योग क्या होगा सभी राशियों का योग क्या होगा औसत गुने उनकी कुल संख्या भाग वाला ये गुना में आएगा तो क्या होगा औसत औसत गुने उनकी कुल संख्या उनकी कुल संख्या ये क्या होगा सभी राशियों का योग होगा यही होगा देखिए तो अभी हम यहां पे अगर हम बताए सभी राशियों का योग क्या होगा तो पांच गुने पच्चीस ये चीज समझ रहे हैं हाँ देखिए सभी राशियों का ये फॉर्मूला समझ गए ना बस यही चीज समझाना था सभी राशियों का योग क्या होगा औसत गुने उनकी कुल संख्या अगर ये चीज समझ गए तो इसे मिटाते हैं ठीक है ठीके? यही नीचे वाला लाइन हमें समझाना था पहले दिन भी आप लोगों को समझाए थे तो ये पांच संख्याएं हैं और औसत क्या है पच्चीस है तो उनका योग क्या होगा पच्चीस पच्चीस एक सौ पच्चीस क्या होगा एक सौ पच्चीस देखिएगा पांच संख्याएं हैं औसत पच्चीस है तो उनका योग क्या होगा एक सौ पच्चीस होगा ये चीज समझ गए कह रहा है यदि ध्यान दीजिएगा यदि प्रत्येक संख्या में चार जोड़ दिया जाए अगर प्रत्येक संख्या में चार जोड़ देंगे तो कितनी संख्याएं हैं पांच संख्याएं हैं सब में चार चार जुड़ेगा तो क्या होगा चार पांच गुने चार यानी कि टोटल में क्या बढ़ेगा बीस बढ़ेगा देखिए पांच संख्या आपके पास है अगर प्रत्येक में आप चार 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 जोड़ रहे हैं तो चार चार आठ चार बारह चार सोलह चार बीस टोटल यहां, पे क्या हो यहां से इसमें कितना जुड़ जाएगा प्लस बीस होगा कितना जुड़ जाएगा प्लस बीस जुड़ जाएगा यानी ये टोटल जो उनका योग होगा वन हो जाएगा क्या हो जाएगा 145 और संख्याएं पांच ही रहेंगी अगर पांच संख्याओं का ध्यान दीजिएगा योग 145 है तो औसत क्या होगा पांच से देखिएगा आप सब स्टूडेंट पांच से भाग करेंगे पांच दुना के दस और पांच नवा 45 समझ का आप सब स्टूडेंट प्रयास करेंगे यहां पे अभी हम आपको आसान तरीका बताएंगे पहले कॉन्सेप्ट देखिए तो पहले औसत 25 था अब औसत क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा यानी औसत में भी क्या हुआ है चार की वृद्धि हो गया है औसत में भी क्या होगा चार की वृद्धि होगा अब इस क्वेश्चन से क्या आपको समझना है और यहां से क्या निकल के आया जब दोस्तों हम औसत वाले जो संख्या यहां पर दिए हैं प्रत्येक संख्या में कितना हो जोडेंगे वो क्या होगा औसत जो नया वाला औसत होगा उसको डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे आप पुराने वाले औसत में जोड़ देंगे यानी कहने का मतलब है जो पुराना औसत 25 है इसमें चार जोड़ दीजिए नया औसत आ जाएगा जब प्रत्येक संख्या में कोई भी संख्या जोड़ने की बात करें घटाने की बात करें गुणा करने की बात करे भाग करने की बात करें तो क्या करेंगे आप डायरेक्ट औसत में करके ला देंगे आपको इतना करने की जरूरत नहीं है यह हम आप लोगों को समझाने के लिए लिखे हैं, ताकि आप लोग समझ सके देखिए पांच संख्याएं हैं औसत 25 है तो इनका योग क्या होगा 125 कह रहा है प्रत्येक संख्या में चार जोड़ दे तो पांच संख्याएं जोड़ेंगे तो टोटल ओवरऑल जो वृद्धि होगा बीस का, एक सौ पच्चीस एक सौ होगा और संख्याएं तो पांच ही रहेंगी क्योंकि संख्या में चार चार जोड़ा है संख्याओं की वृद्धि नहीं हुई है यह चीज दिमाग में रखना है तो पांच गुणे उन्तीस बराबर एक हो गया यानी कि औसत पहले पच्चीस था क्या हो गया उन्तीस हो गया यानी औसत में वृद्धि कितने का हुआ है चार का वृद्धि हुआ है पच्चीस से उन्तीस हुआ है क्यों वृद्धि हुआ है क्योंकि प्रत्येक संख्या में चार जोड़े तो सिंपल तरीका में बात करें स्टूडेंट्स को मेथड टू तो की ध्यान दीजिएगा तो तो आपको, आपको ये पुराना औसत है नया औसत के लिए चार जोड़ देंगे ट्वेंटी नाइन हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा ठीक है ये सब करने की जरूरत नहीं है ये समझाने के लिए, लिए लिखे ठीक है चलिए समझ में आ रहा है हाँ, समझने का प्रयास करेंगे जब कभी भी बोले कि प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ दिया जाता है x जोड़ दिया जाता है यानी पांच चार तीन दो एक सौ पचास दो सौ कुछ भी जोड़े तो आप डायरेक्ट औसत में जोड़ेंगे नया औसत आएगा चार जोड़ने की बात करें पच्चीस में चार जोड़िए नया औसत क्या होगा उन्तीस होगा चलिए समझ में आप सभी स्टूडेंट को आ रहे हैं समझ में सबको आएगा ठीक है देखिए चलिए हा देखिए यहीं पर आपको समझना है यहीं पे समझना है देखिए कुछ नहीं करना है औसत में चार जोड़ देना है ठीक है पांच जुड़ने की बात करता अगर तो पांच पचे पच्चीस जुड़ता तो डायरेक्ट यहां से एक सौ पचास हो जाता फिर पांच से दे, देख दे तो पांच से तीस बार में जाता तो पच्चीस से तीस होता यानी औसत में पांच की वृद्धि होता समझ रहे ना ये चीज चलिए समझ में आ रहा है हाँ समझ में सबको आएगा चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे और अच्छे से क्लियर होगा देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव देखिएगा यह भी क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूछा गया क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं ध्यान देंगे आप लोग क्वेश्चन है छह संख्याओं का औसत चालीस है यदि प्रत्येक संख्या से सात घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा नया औसत क्या होगा देखिए छह संख्याओं का औसत चालीस है तो इनका योग क्या होगा छह गुणे चालीस यानी कि दो सौ चालीस हो जाएगा कह रहा है प्रत्येक संख्या से सात घटा दिया जाए कितनी संख्याएं हैं छह और सब में से सात सात घटाएंगे तो गुने सात यानी टोटल ओवरऑल कितना घटेगा बयालीस घटेगा कितना घटेगा बयालीस घटेगा अगर इसमें से हम फोर्टी टू क्या करे ध्यान दीजिए माइनस कर ले बयालीस माइनस कर ले तो ये होगा क्या दोस्तों जो छह संख्याओं का योग होगा जो ओवरऑल संख्याओं का जो नई संख्याएं होंगी ध्यान दीजिए उनका जो योग होगा इसमें से बयालीस घट जाएगा यानी वन एट आएगा तो छह गुने कितना वन नाइनटी एट होगा छह से भाग करिए देखिएगा एक सौ अंठानवे को छ से जब भाग करेंगे तो छ्री अठारह छे त्री अठारह यानी तैतीस यानी आप देख सकते हैं क्षेत्र अठारह क्षेत्रीय अठारह तैतीस बार में यानी देखिए पहले औसत क्या था चालीस था अब औसत क्या हो गया है चालीस से तैतीस यानी कि औसत में कितने की कमी हुई है सात की तो यहाँ पे इतना आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं ये सब आपको नहीं करना है आप बस ये बोलेंगे पहले औसत जो था वो चालीस था जब प्रत्येक संख्या में हम सात घटा रहे हैं तो ओवरऑल जो होगा ध्यान दीजिएगा ये मेथड वन है मेथड टू की बात करें तो अब क्या करेंगे पहले जो नया ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट जो पुराना औसत था वो चालीस था प्रत्येक संख्या में सात घटाने की बात कर रहे हैं औसत में सात घटा दीजिए नया औसत तैतीस आ जाएगा बस यही करना है आंसर दे देना है क्या करना है बस यही करना है बस इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है जब प्रत्येक संख्या में सात घटाने की बात कर रहे हैं तो औसत में भी क्या होगा साथ की कमी हो जाएगा प्रत्येक संख्या में अगर सात जोड़ने की बात करता तो औसत में भी साथ की वृद्धि हो जाती यानी सात जोड़ देते ठीक है हाँ जितना जोड़ने की बात करें उतना जोड़ेंगे नया औसत लाने के लिए जितना घटाने की बात करें उतना घटाएंगे नया औसत लाने के लिए ठीक है बस यही करना है ये समझाने के लिए लिख रहे हैं आपको ये करना है डायरेक्ट आंसर देना है चलिए नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसे भी अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन है दस संख्याओं का औसत 21 है यदि प्रत्येक संख्या को दो से गुणा करके नया समूह बनाया जाए तो नए समूह का औसत क्या होगा क्या बोल रहा है प्रत्येक संख्या को दो से गुना करने की बात कर रहे है क्या कर रहे हैं प्रत्येक संख्या को दो से गुना करने की बात कर रहा है तो जितनी भी संख्याएं होंगी अगर उनका योग मान लीजिए कुछ है तो उसका क्या होगा दो से सब में जब गुना करेंगे तो दो गुना हो जाएगा ठीक है तो दो गुना हो जाएगा तो यहां पे औसत भी क्या होगा दो गुना होगा डायरेक्ट आंसर दे सकते या आप ऐसे देखिए दस संख्याओं का औसत ध्यान दीजिएगा ये मेथड वन है पहला तरीका देखिए दस संख्याओं का औसत क्या है इक्कीस है तो इनका योग क्या होगा इक्कीस दाम में दो सौ दस कह रहा है ध्यान दीजिएगा हाँ प्रत्येक संख्या में दो से गुना कर दे मानिए अगर संख्याएं एक ध्यान दीजिएगा एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं समझिएगा यहां समझने के लिए देखिए मानिए संख्या एक दो तीन है एक दो तीन है इनका औसत क्या होगा दो होगा आपको पता है या आप ऐसे कर सकते हैं देखिएगा वन टू थ्री थ्री सिक्स सिक्स बाई थ्री इज इक्वल टू टू बराबर होगा दो यहां पर आप लोग थोड़ा सा समझेंगे अगर हम प्रत्येक संख्या को दो से गुना कर दे दो से गुना कर दे तो जो नई संख्या होंगी गुने दो गुने दो ध्यान दीजिएगा यह भी होगा गुने दो तो यह क्या हो जाएगा एक दो से गुना करेंगे तो दो एक कम दो दो दुना के चार और दो तीन जो संख्याएं होंगी वो दो चार छ हो जाएंगी तो अब देखिएगा आप सभी स्टूडेंट तो इसका औसत क्या होगा टू प्लस फोर प्लस सिक्स बाई थ्री यानी कि दो चार छ बारह बारह बटा का तीन तीन हो जाएगा तो तीन चौक बारह चार होगा पहले औसत क्या था दो तो इसका क्या किए डायरेक्ट बोल दीजिए दो गुना दो का क्या है ये दो गुना है चार समझ रहे हैं ना तो औसत में भी क्या करेंगे डायरेक्ट गुना कर देंगे यही चीज आपको समझना है ये एग्जाम्पल समझ, समझ गए तो आप अच्छे से समझ गए ठीक है देखिए 210 है यहां आप देखेंगे 210 है तो योग भी क्या हो जाएगा बताइए पहले क्या था योग इनका छे आ रहा था अब क्या रहा आ रहा है बारह आ रहा है दो गुना हो रहा है अभी योग 210 है तो जब दो गुना होगा सभी संख्या में दो गुना दो से गुना करेंगे सभी संख्याओं को दो गुना तो ये भी दो गुना हो जाएगा योग भी यानी ये, ये क्या हो जाएगा 420 होगा और संख्याएं आपकी 10 ही रहेंगी तो ध्यान दीजिएगा 10 से जब 420 को भाग करेंगे तो क्या होगा बयालीस होगा यानी इक्कीस से क्या हो गया बयालीस हो गया तो औसत क्या होगा दोगुना हो जाएगा ये चीज समझे तो मेथड टू की अगर हम बात करें यहां पे तो आप समझ गए दो गुना हो रहा है है तो मेथड टू की बात करें तो पुराना जो औसत है दोस्तों इक्कीस है और सभी संख्या में दो से गुना करने की बात करें तो औसत में भी हम क्या करेंगे दो से गुना कर देंगे आंसर हो जाएगा फोर्टी आंसर होगा क्या बयालीस और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आंसर यहीं पे बयालीस आ रहा है हाँ या इसको बोलिए तो आंसर होगा फोर्टी टू समझ में आया ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दिए हैं समझाने के लिए ताकि आप सभी स्टूडेंट समझ सके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जब भी आप लोगों से बोले कि प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ दिया जाए तो औसत में भी क्या करना है जोड़ देना है प्रत्येक संख्या में कुछ घटाने की बात करें तो जो ओवरऑल औसत होगा जो नया एवरेज होगा उसमें क्या करेंगे अब घटा देंगे गुना करने की बात करेगा तो नया में गुना कर देना है ठीक है चलिए चीज समझ में आ गया है तो यह चीज समझना है बस ये आपको समझाने के लिख लें करना आपको ये है ठीक है आगे देखेंगे इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे से समझना है क्वेश्चन नंबर सेवन है दस संख्याओं का औसत चालीस है यदि प्रत्येक संख्या आठ से भाग देकर एक नया समूह बनाया जाए कह रहे हैं यदि प्रत्येक संख्या को आठ से भाग देकर एक नया समूह बनाया जाए तो नया समूह का औसत होगा क्या होगा औसत बताए उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट आंसर दे सकते हैं क्योंकि अभी इससे पहले आप लोगों ने तीन क्वेश्चन किया है जोड़ वाला घटाना वाला गुना वाला ये रहा आखिरी टाइप का इसमें का भाग वाला देखिए समझेंगे आप समझे? कुछ नहीं करना है डायरेक्ट आंसर देना है तो चालीस को भी आठ से भाग करिए नया औसत हो जाएगा पांच ठीक है यही चीज आपको करना है क्योंकि प्रत्येक संख्या में आठ से भाग करने की दे रहे तो आप औसत को ही आठ से भाग कर दीजिए आंसर होगा पांच बस यही करना है कुछ नहीं करना है डायरेक्ट आंसर ठीक है अब देखिए समझा भी देते हैं दस संख्याओं का औसत क्या है चालीस है ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट ये मेथड वन है देखिएगा दस संख्याओं तो इनका योग क्या होगा चालीस दाम में चार सौ ठीक है अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या को आठ से भाग करें तो चार सौ को भी क्या करेंगे जब आठ से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा पचास हो जाएगा ठीक है अभी गुणा करने वाला जोड़ने वाला घटाना वाला देखे ना वही चीज तो जो नया इनका योग हो जाएगा वो होगा पचास अगर प्रत्येक संख्या को हम क्या कर रहे हैं आठ से भाग कर दे रहे हैं तो अब देखिएगा समझेंगे आप सब स्टूडेंट जब ये पचास हो गया दस संख्याओं का अगर योग पचास है तो कितने का गुना करेंगे पांच गुना करेंगे देखिएगा दस पचे पचास समझ रहे हैं यानी कि अगर 10 संख्याओं का योग 50 है ध्यान दीजिएगा तो औसत क्या होगा पांच हो जाएगा ठीक है पांच दहा में पचास समझ में आया अब देखिए कुछ नहीं करना है ये चालीस से पांच हो गया मतलब क्या हो गया भागे आठ क्या हो गया है भागे आठ नया औसत क्या हुआ है पांच हुआ है यही आंसर हुआ तो मेथड टू की अगर हम बात करें तो अभी हम आप लोगों को क्या बताएं कुछ नहीं करना पुराना औसत क्या है चालीस है तो नया औसत क्या होगा जब प्रत्येक संख्या में आठ से भाग करने की बात करें तो इसे भी आठ से भाग करेंगे तो आंसर होगा पांच आंसर क्या होगा पांच बस यही चीज करना है और कुछ नहीं करना है समझ में आ रहा है कि नहीं बताए समझ में आ रहा तो है, है तो सर कमेंट करिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए कुछ नहीं करना है डायरेक्ट आंसर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर एट मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेन उठाने की जरूरत नहीं है पहले क्लास में हम आप लोगों को तरीका बताए हैं देखिएगा पहले क्लास में तरीका बताए हैं क्वेश्चन नंबर एट की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन है तीन क्रमागत संख्याओं का औसत पंद्रह है तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या क्या होगी तीन क्रमागत क्रमागत का मतलब होता है लगातार तीन क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है पंद्रह है सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बताना है बता सकते हैं देखिए क्या बताए थे एवरेज यानी जो औसत होता है हमेशा बीच वाला संख्या होता है जैसे एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं तीन चार पांच ये तीन लगातार संख्याएं हैं क्रमागत संख्याएं हैं तो इसका औसत क्या होगा चार होगा आप औसत का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप सभी स्टूडेंट क्या होता है सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या या आगे आप ऐसे कर सकते हैं थ्री प्लस फोर प्लस फाइव टोटल कितनी संख्या है एक दो तीन तो तीन से भाग करेंगे तीन चार सात पांच बारह और बारह बटा का तीन औसत क्या होगा चार अभी सबसे इससे पहले भी हम औसत क्या बताए थे चार तो औसत क्या होता है बीच वाली संख्या होता है यह आप सबको पता है तो यहां पे ये जो क्वेश्चन है यहां पे ये जो क्वेश्चन है यहां पे बोल रहा है औसत है पंद्रह ठीक है यहां पे कह रहे हैं तीन क्रमागत संख्याओं का यानी क्रमागत संख्याएं तो सबसे बड़ी और छोटी तो जब औसत बीच वाला संख्या होता है और तीन संख्याओं की बात करें तो इसके पहले होगा चौदह इसके बाद होगा सोलह तो जो छोटी और बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी छोटी संख्या चौदह और बड़ी संख्या हो जाएगी सोलह आप चाहे तो इनको जोड़ भी सकते हैं सोलह और चौदह तीस पंद्रह पैतालीस हो जाएगा और पैंतालीस को तीन से भाग करेंगे तो पंद्रह औसत आएगा और सतारह है समझ में आ रहा है कि नहीं देखिए अब हम आप लोगों को यह चीज तो आप समझ गए अभी हम आप लोगों को एक बेसिक तरीका बता रहे पहले बेसिक तरीका एक बार सीखिए यह तो आप लोग सीख ही चुके हैं ठीक है देखिए अब आप लोगों को अगर क्रमागत संख्याएं मानना हो लगातार संख्याएं मानना हो तो कैसे मानेंगे देखिए मानने का तरीका पहला x दूसरा x प्लस वन तीसरा x प्लस टू यह लगातार क्रमागत संख्याएं हो गई अब देखिए इसमें छोटी संख्या ये होगी बीच वाला ये बड़ी संख्या ये ठीक है समझेंगे तो औसत के लिए क्या करेंगे इनका योग बटा इनकी कुल संख्या कितनी है तीन और बराबर इनका औसत क्या है दोस्तों पंद्रह है समझेंगे आप सभी स्टूडेंट सभी संख्याएं आएंगी देखिएगा अब देखिए यहाँ पे तीन है भाग में उधर जाएगा गुना में तो तीन गुने पंद्रह तीन पैंतालीस एक एक्स दो एक्स तीन एक्स थ्री एक्स प्लस एक और दो तीन ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट थ्री एक्स प्लस थ्री बराबर तीन गुने पंद्रह पंद्रह तीन पैंतालीस फोर्टी फाइव तो थ्री एक्स बराबर क्या होगा ये थ्री माइनस का जाएगा उधर ध्यान दीजिए प्लस का है माइनस हो जाएगा यानी बयालीस हो जाएगा तो एक्स बराबर क्या होगा तीन एक बारह चौदह आ गया चौदह तो संख्याएं क्या हो जाएंगी बताएं आप सभी स्टूडेंट ये हो जाएगा चौदह और ये होगा चौदह प्लस एक पंद्रह और ये हो जाएगा आपका क्या सोलह तो सभी संख्याएं आ गई हैं औसत इनका क्या है पंद्रह है तो छोटी संख्या चौदह बड़ी संख्या सोलह तो ध्यान दीजिए आप ऐसे भी कर सकते हैं ये तो देखिए ये क्या है मेथड वन है ये बेसिक तरीका है आप संख्याओं को ऐसे मान सकते हैं ठीक है लेकिन यह नहीं करना आपको आपको क्या करना है मेथड टू लगाना है औसत क्या होता है हमेशा बीच वाला संख्या होता है औसत बोल रहा है पंद्रह है यानी पंद्रह क्या है ये बीच वाला संख्या है इसके पहले होगा एक संख्या चौदह इसके बाद होगा एक संख्या सोलह समझ में आया समझ में आ गया है देखिए पहला क्लास आप लोग किए होंगे तो बहुत अच्छा लग रहा होगा समझ में देखिए अब हम आप लोगों को बता रहे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या बोल रहा है सबसे सबसे बड़ी सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बताइए चौदह पंद्रह सोलह में क्या है सोलह सबसे छोटी संख्या क्या सबसे ध्यान दीजिएगा सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या क्या है चौदह है यही आंसर होगा या आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे x x सबसे छोटी है, x plus 2 बड़ी है, बड़ी समझ में आ गया? तो ये वाला जो मेथड है ये आसान है ये आपको नहीं लगाना है इसी मेथड को समझाने के लिए आपका पहला क्लास चला था ताकि आप सब स्टूडेंट अच्छे से समझ सके चले आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हाँ चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे चलिए इस क्वेश्चन में देखिएगा क्वेश्चन है पांच क्रमागत संख्याओं का औसत सत्तर है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी मेथड वन की बात करेंगे ध्यान दीजिएगा मेथड वन की बात करेंगे तो एक्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर कितनी हो गई एक दो तीन चार पांच कितनी हो गई पांच ये क्रमागत संख्याएं हो गई ध्यान दीजिएगा यानी लगातार संख्या इनका औसत सत्तर है तो इनका योग औसत क्या होता है सभी राशियों का योग यानी कि एक्स प्लस एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स प्लस फोर बाई क्या होगा टोटल कितनी संख्या है पांच है ध्यान बटा पांच औसत कितना है सत्तर है ध्यान दीजिएगा अब आप इसको जोड़ेंगे एक दो तीन चार पांच कितने एक्स है फाइव एक्स प्लस एक दो तीन 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 छह चार दस बराबर क्या होगा सात पच्चे पैंतीस तीन सौ पचास तो फाइव एक्स बराबर क्या होगा ये दस माइनस जाएगा तो तीन सौ चालीस तो एक्स बराबर क्या होगा बताएं आप सभी स्टूडेंट जब भाग करेंगे तो क्या होगा पांच पांचवे चालीस एक्स बराबर होगा सिक्सटी एट एक्स बराबर सिक्सटी एट हम लोगों से पूछ रहे हैं सबसे बड़ी संख्या तो सबसे बड़ी संख्या क्या है सबसे बड़ी संख्या है एक्स प्लस फोर तो ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ी संख्या क्या सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या बताना है तो क्या होगी बताए आग आप सभी स्टूडेंट एक्स प्लस फोर क्या है एक्स प्लस फोर मतलब अड़सठ प्लस ध्यान दीजिएगा आप स्टूडेंट सिक्सटी एट प्लस फोर इक्वल टू टू सेवेंटी आंसर होगा क्या बहत्तर आंसर होगा क्या बहत्तर सभी संख्याएं बताना हो तो क्या बता देते अड़सठ उनहत्तर सत्तर इकहत्तर बहत्तर ठीक है हाँ देखिए अड़सठ में चार जोड़ेंगे इस प्रकार से आ जाएगा ये बेसिक तरीका यह आपको नहीं करना है एग्जाम में आपको यह नहीं करना है आपको करना है क्या है मैथड टू अभी हम आप लोगों को बताएं मैथड टू ध्यान दीजिए मैथड टू देखेंगे क्या बोला है औसत क्या है सत्तर है कितनी पांच क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है सत्तर यानी जो ये सत्तर है दोस्तों और लगातार संख्याओं की बात कर रहे हैं क्रमागत संख्याओं की बात कर रहे तो ये जो एवरेज होता है क्या होता है बीच वाला संख्या होता है और पांच संख्याओं की बात करें तो दो इसके पहले दो इसके बाद तो क्या होगा 69. इसके पहले क्या होगा 68 इसके बाद क्या होगा दो 71 इसके बाद क्या होगा 72 अगर हमें बड़ी मानना है तो सत्तर के दो बाद मान लीजिए बहत्तर तो बड़ी संख्या क्या होगी सेवेंटी टू से बड़ी संख्या क्या होगी सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या क्या होगी सबसे बड़ी संख्या 72 डायरेक्ट आंसर बिना पेन उठाए आंसर यह सब करने की जरूरत ही नहीं है आप क्या करेंगे डायरेक्ट आंसर देंगे समझ में आ गया कि नहीं हाँ, औसत क्या होता है हमेशा बीच वाला संख्या होता है यह आप सबको पता है जब पता है तो अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है उम्मीद करते हैं यह तरीका आप लोग सीख चुके हैं कि अगर ऐसे करना हो तो कैसे करेंगे ऐसे करना हो अगर छोटी संख्या की बात करता 68 देखिए यहां पे भी 68 आया था ठीक है हाँ मैथड टू बहुत आसान है यही चीज आपको सिखाना है ठीक है आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन की बात करें तो यह भी इंपॉर्टेंट है तीन क्रमागत विषम संख्याओं का औसत तेरह है तो तीनों संख्याएं ज्ञात करें देखिए विषम संख्याएं और सम संख्याएं कैसे माना जाता है अगर एक्स में मानना हो तो ये एक्स एक्स प्लस टू और एक्स प्लस फोर ये सम और विषम मानने के लिए क्योंकि सम और विषम में क्या होता है अंतर होता है एक तीन पांच सात समझ रहे हैं ना दो दो का अंतर इसीलिए यहाँ पे एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री ऐसे एक्स प्लस फोर ऐसे मान रहे हैं देखिए अगर एक्स बराबर वन रख लेंगे तो वन प्लस टू थ्री अगर बराबर वन है तो वन प्लस विषम संख्या चल रहा है ठीक है ये तीन क्रमागत क्या हो गई विषम संख्या होगी हो औसत निकालना है x प्लस एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस फोर बाई कितनी राशिया है तीन और औसत इनका क्या है तेरह तो ध्यान दीजिएगा थ्री एक्स प्लस टू और फोर सिक्स यानी थ्री एक्स प्लस क्या होगा उनतालीस में से दोस्तों जाएगा तैतीस तो x बराबर क्या होगा तीन से जाएगा तीन एक 3 यानी x बराबर ग्यारह और संख्याएं की अगर हम बात करें संख्याओं की बात करें तो ध्यान दीजिए तीनों संख्याएं क्या होंगी ये आपका हो जाएगा x बराबर ग्यारह और ये देखिए ये होगा तेरह और ये क्या होगा ग्यारह चार पंद्रह यानी जो तीनों संख्याएं होंगी ग्यारह तेरह और पंद्रह यानी यही तीनों क्रमागत संख्याएं हैं जिनका औसत क्या होगा तेरह होगा ये क्या रहा मेथड वन रहा ये आपको नहीं लगाना है मेथड टू मेथड टू हम आप लोगों को बताए हैं पहली क्लास आप लोगों ने की है देखिए औसत क्या होता है हमेशा बीच वाला संख्या होता है ये तेरह क्या है ये तेरह क्या है ये औसत है, है तेरह जब औसत है तेरह और तीन क्रमागत विषम संख्याओं की बात कर रहे हैं तीन की बात कर रहे हैं तो ये बीच वाला जब हो गया तो इसके पहले एक आएगा इसके बाद एक आएगा तभी तो तीन होगा पांच की बात करता तो इसके पहले दो जाता इसके बाद दो जाता होता कि नहीं ये चीज समझ रहे हैं तो देखिए इसके पहले जो पहले वाला विषम संख्या होगा दो माइनस करेंगे ग्यारह होगा इसके बाद वाला बताना है तो दो प्लस कर देंगे तो पंद्रह होगा यानी जो तीनों संख्याएं होंगी वो क्या होंगी ग्यारह तेरह ग्यारह तेरह और पंद्रह यही क्या होगा आंसर हो जाएगा यह तरीका क्या है आसान है यह चीज आपको समझना है अगर यह चीज समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है आप सभी स्टूडेंट मेथड टू मेथड टू की तो अप्लाई करेंगे एग्जाम में ठीक है चलिए बहुत अच्छे उम्मीद करते हैं समझ चुके होंगे बहुत अच्छे तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा आप कि तो तो X, X नहीं ऐसे आप लोग मान सकते चलिए कह रहे हैं पांच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत तेरह है तो संख्याएं ज्ञात करें ध्यान दीजिएगा आप लोग क्या करेंगे जो मेथड वन है मेथड वन एक्स एक्स प्लस एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस एट देखिए एक दो तीन चार पांच और बटा क्या होगा फाइव बराबर तेरह ये तो कर लेंगे चलिए ये से आप कर लीजिएगा और मेथड टू अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं ठीक है हाँ इससे तो आप लोग कर लेंगे देखिए कह रहा है पांच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत तेरह है औसत क्या होता है बताए आप सभी स्टूडेंट औसत क्या होता है हमेशा बीच वाला नंबर होता है पांच क्रमागत विषम संख्याओं की बात करें तो इससे पहले दो और इससे बाद दो तो इसके पहले दो विषम संख्या क्या होगी तेरह में से दो कम करेंगे ग्यारह ग्यारह में से दो कम करेंगे नौ और इसके बाद दो क्या होंगी तेरह दो पंद्रह पंद्रह दो सत्रह ये लगातार पांच क्रमागत विषम संख्या हो गई जिनका औसत होगा तेरह आप चाहे तो जोड़ के पांच से भाग करिए जोड़ेंगे तो उनतालीस आएगा जोड़ के देखिए और आप से क्या, करें? आप ध्यान पे ये क्या समझना है ठीक है तीन नहीं है पांच है तो तेरह है तो तेरह पच्चे पैंसठ होगा आप इनको जोड़ के देख सकते हैं तो ये संख्या है। पूछ रहे हो संख्या है करें तो संख्या है नौ ग्यारह तेरह पंद्रह सत्रह यही क्या होगा आंसर होगा

और x प्लस फोर एक्स की जगह पे कोई भी सम संख्या रख लीजिए x की जगह पे आप मान लीजिए चार तो ये क्या हो जाएगा चार दो ये क्या होगा चार चार आठ तो चार छठ लगातार सम दिख रही कि नहीं समझ रहे हैं ना तो सम संख्या मानना हो विषम संख्या मानना हो तो दो दो के अंतर पे ऐसे मानेंगे ठीक है चलिए इनका औसत बोल रहा है दस तो यहां पे औसत क्या होता है सभी राशियों का योग मतलब एक्स एक्स प्लस टू प्लस एक्स एक्स प्लस ये होगा क्या फोर एक्स एक्स प्लस टू और एक्स प्लस फोर बाई क्या होगा थ्री और औसत क्या है इनका दस ध्यान दीजिएगा तो ये थ्री एक्स प्लस दो चार छ्री एक्स प्लस सिक्स बराबर तीन दहा में तीस ठीक है तो थ्री एक्स बराबर क्या होगा तीस में से दोस्तों छह घटा लेंगे तीस में से जब छह आप घटाएंगे तो क्या होगा चौबीस तो एक्स बराबर क्या होगा आठ जब एक्स बराबर आठ आ गया तो पूछ रहे है तीनों संख्याएं तो ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा आठ होगा और आठ प्लस दो क्या होगा दस हो जाएगा आठ प्लस चार क्या होगा बारह यानी कि आठ दस बारह वो संख्याएं हैं ठीक है हाँ, आठ दस बारह संख्या है ये मेथड वन रहा मेथड वन आपको नहीं लगाना है बस समझाने के लिए लिखे हैं आपको हम बताए हैं मेथड टू मेथड टू क्या है आसान है जब तीन क्रमागत सम संख्याओं की ध्यान दीजिए दो सेकेंड हम आप लोगों को बता रहे हैं देखिए जब आप लोगों से बात कर रहा है तीन क्रमागत सम संख्याओं का औसत दस है ध्यान दीजिए औसत क्या होता है हमेशा बीच वाला नंबर होता है है ठीक औसत जब दस बोल रहा है तो बारह तो ये तीनों संख्या यही होंगी डायरेक्ट आंसर देंगे डायरेक्ट आंसर देंगे क्या आठ दस बारह समझ में आ गया तो मैथड वन भी समझ गए मैथड टू इजी है यही आपको करना है ठीक है हाँ की बात करता तो के के पहले दो जाते, दस के दो जाते जाते बाद ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए और अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर तेरा क्वेश्चन नंबर तेरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर तेरा भी काफी इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखेंगे हाँ इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही देखिए पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत चालीस है इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए आंसर बताएं आप सभी स्टूडेंट डायरेक्ट आप क्या करेंगे मेथड टू लगाएंगे पांच क्रमागत समसंख्याओं का औसत क्या है चालीस और औसत हमेशा क्या होता है औसत हमेशा क्या होता है बीच वाला संख्या होता है तो इससे पहले दो संख्या इसके बाद दो संख्या हम लोगों को छोटी बताना है तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है पीछे चले जाइए इससे पहले 38 इससे पहले 36 यानी जो छोटी संख्या होगी देखिएगा छोटी संख्या होगी वो क्या होगी ये थर्टी यही होगी छोटी संख्या आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है देख रहे हैं देखना चाहेंगे एक बार आप सब स्टूडेंट बताए तो वेरी गुड बहुत अच्छे एकदम सही अब अगर बड़ी संख्या की बात करें तो दो जोड़िए बयालीस और ये चौवालीस ये पांच लगातार क्या है छत्तीस अड़तीस चालीस बयालीस चौवालीस पांच लगातार सम संख्याएं है जिनका औसत होगा चालीस आप इनको जोड़ के देख सकते हैं और पांच से भाग करके देख सकते हैं चालीस ही आएगा ठीक है हम लोगों से पूछा है क्या छोटी संख्या आंसर देंगे थर्टी सिक्स सरकारी नौकरी चाहे कोई भी हो उसमें हंड्रेड परसेंट सफलता के लिए आज ही डाउनलोड करें एस एस सी मेकर ऐप एस एस सी मेकर ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें नमस्कार दोस्तों मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता ऑनलाइन एस पे कैसे मेकर आप सभी स्टूडेंट आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है तो सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे नोट जरूर करेंगे ठीक है चलिए तो एवरेज औसत क्या होता है औसत बराबर होता है सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या इसी आधार पर हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे और हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी बताए थे और एवरेज जो होता है यानी जो औसत होता है वो हमेशा क्या होता है बीच वाला संख्या होता है क्या होता है बीच वाला ठीक है चले आगे अब हम चलेंगे क्वेश्चन देखेंगे आप सभी स्टूडेंट हाँ अगला क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौदह देखिए इससे पहले वाली क्लास में दोस्तों क्वेश्चन नंबर से लेकर तेरह तक क्वेश्चन हम आप लोगों को करा चुके हैं ठीक है एक से तेरह तक करा चुके हैं और ये रहा आपका चौदह नंबर क्वेश्चन उम्मीद करते हैं पीछे वाली क्वेश्चन का आप स्टूडेंट और प्रैक्टिस किए होंगे ठीक है चलिए चौदह नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं सिंपल तरीका हम आप लोगों को बताएंगे सॉल्व करने के लिए पहले भी तरीका आप लोगों को बताए क्वेश्चन है चार सम संख्याओं का औसत ग्यारह है इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए क्या बोल रहे चार सम संख्या की बात कर रहे हैं देखिए सम संख्या संख्या है कैसे माना जाता है ये हम आप लोगों को बताए हैं सम संख्या या विषम संख्या मानना हो तो पहला संख्या x तो दो दो का अंतर होता है x प्लस टू एक्स प्लस फोर और x प्लस सिक्स आप यहां पे कोई भी सम संख्या रखेंगे तो ये लगातार संख्याएं आएंगी क्या लगातार आएंगी लगातार संख्याएं आएंगी देखिएगा आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे तो इनका क्या कह रहा है औसत ग्यारह कह रहा है तो औसत होता है सभी राशियों का योग बटा इनकी कुल संख्या बराबर औसत यही होता है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं एक्स प्लस एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस फोर प्लस एक्स प्लस सिक्स बाई कितनी राशियां हैं कितनी संख्याएं हैं चार तो बटा चार और औसत इनका क्या है औसत इनका क्या है बताइए आप स्टूडेंट तो तो और ये देखेंगे दो चार छह और बटा का चार ठीक है बटा का चार और बराबर क्या होगा ग्यारह तो ग्यारह चौक चौवालीस हो जाएगा ये भाग में उधर गुना में जाएगा तो यानी कि फोर एक्स प्लस बारह बराबर चौवालीस तो 4x बराबर क्या होगा 12 माइनस में जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा तो x बराबर क्या होगा आप सब स्टूडेंट बताएं देखिएगा 4X 4X तो और हम लोगों में से पूछ रहे हैं हम लोगों से क्या पूछ रहे हैं इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या तो सबसे बड़ी संख्या है एक्स प्लस सिक्स क्या सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या क्या है बताएंगे आप सभी स्टूडेंट एक्स प्लस सिक्स मतलब आठ प्लस छे बराबर चौदह क्या होगा चौदह होगा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या पूछता तो एक्स चलिए यह तो रहा बेसिक तरीका यानी कि मेथड वन और इसको आपको पेपर में नहीं लगाना है मेथड टू आप लोग लगाएंगे क्या करेंगे मेथड टू पहले यह बताएं मेथड वन समझ में आया कि नहीं बहुत अच्छे एकदम सही जितने स्टूडेंट चौदह आंसर दे रहे छोटा संख्या पूछेगा तो आठ बड़ा संख्या चौदह ठीक है और सभी संख्या पूछे, तो आठ दस बारह चौदह ये संख्याएं हो जाएंगी चलिए मेथड टू हम आप लोगों को क्या बताए थे औसत हमेशा क्या होता है बीच वाला संख्या होता है औसत क्या होता है हमेशा बीच वाला संख्या होता है मेथड टू देखेंगे आप सभी स्टूडेंट इसमें कह रहे हैं चार सम संख्याओं का औसत क्या है ग्यारह है चार सम संख्याओं का औसत क्या है 11 है और ये औसत हमेशा क्या होता है स्टूडेंट बीच वाला नंबर तो 11 के पहले दो सम संख्या लेंगे देखिएगा ये ग्यारह संख्या नहीं है ये विषम संख्या है तो ग्यारह के पहले दो सम संख्या लेंगे ग्यारह के बाद दो सम संख्या ठीक है देखिए ग्यारह के पहले आएगा दस दस के पहले आएगा आठ ग्यारह के बाद संख्या होगा बारह बारह के बाद आएगा चौदह अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहां पे लगातार जो संख्याएं चल रही है पांच आपको दिख रहा है पांच नहीं सम संख्याएं कितनी है आठ दस बारह चौदह ये चार लगातार संख्याएं हैं ग्यारह संख्या नहीं है ग्यारह बीच वाला नंबर है इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा चौदह चौदह क्या होगी बड़ी संख्या जो होगी सबसे बड़ी संख्या वो होगी चौदह क्या होगा आंसर हो जाएगा चौदह हाँ, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा चौदह होगा बोल रहे हैं सबसे बड़ी संख्या का मान सबसे छोटी पूछे तो ये और ये ग्यारह देखिएगा इस ग्रुप में नहीं आएगा समझिएगा आप सभी स्टूडेंट ग्यारह क्या बोल रहा है हाँ ग्यारह संख्या नहीं है ये विषम संख्या है तो इसके पहले दो इसके बाद दो तो ये जो संख्याएं हैं आप इसको बोल सकते हैं आठ दस बारह चौदह ये संख्याएं हैं ठीक है क्या है आठ दस बारह चौदह ये लगातार सम संख्याएं हैं जिनका औसत होगा ग्यारह ठीक है देखिए दस और बारह को बीच वाला जो होगा वही तो औसत होगा क्योंकि गैप देखिए गैप आप लोगों को देखना है यहाँ पे गैप क्या है बराबर बराबर है ठीक है गैप बराबर होना चाहिए दो का गैप है चार का गैप है आठ का दस का बीस का सौ का पचास का कुछ भी गैप हो बराबर बराबर होगा तो औसत क्या होगा औसत क्या होगा बीच वाला होगा बस ये आपके दिमाग में रखना है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर पंद्रह क्वेश्चन नंबर पंद्रह देखिएगा काफी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर पंद्रह की बात करें तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेम टाइप का क्वेश्चन है लेकिन ये विषम संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन है क्वेश्चन है चार विषम संख्याओं का औसत चौदह है इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए क्या बोल रहे हैं चार विषम संख्याओं का औसत क्या है चौदह है ठीक है कह रहे इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए पहले मेथड वन की अगर हम बात करें तो विषम संख्या कैसे मानेंगे एक्स एक्स प्लस टू और एक्स प्लस फोर और होगा एक्स प्लस सिक्स ये लगातार विषम संख्याएं हो जाएगी ठीक है कह रहे हैं चार विषम संख्याओं का औसत चौदह है ठीक है अब देखिए कुछ करना नहीं है अब देखिए औसत क्या होता है इन सभी का योग बटा इनकी संख्या बराबर औसत यही तो होता है तो x प्लस एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस फोर प्लस एक्स प्लस सिक्स बाई कितनी संख्याएं हैं? चार बराबर औसत इनका क्या है चौदह है तो आप सभी स्टूडेंट बताए बारह इसमें से घटेगा तो हो जाएगा चौवालीस क्या हो जाएगा चौवालीस हो जाएगा तो फोर एक्स बराबर चौवालीस तो एक्स बराबर एक्स बराबर ग्यारह x बराबर ग्यारह आ गया हम लोगों से पूछ रहे हैं इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या पूछ रहे हैं सबसे छोटी संख्या क्या सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या मेथड टू आप लोग लगाए तो मेथड टू से सबसे छोटी संख्या क्या है x है तो सबसे छोटी संख्या x है तो x का मान है ग्यारह इसलिए आंसर हो जाएगा ग्यारह आप लोगों का आंसर क्या रहे ग्यारह रहे बहुत अच्छे मेथड टू मेथड टू क्या बोल रहे हैं बताए मेथड टू से अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा मेथड टू की बात करें ध्यान दीजिए तो औसत क्या होता है हमेशा बीच वाला नंबर होता है ठीक है कह रहे चार विषम संख्याओं का औसत चौदह है चौदह जो है ये विषम संख्याओं का औसत है यही तो है यानी बीच वाला जो नंबर है वो चौदह है चौदह विषम संख्या नहीं है सम संख्या है ठीक है तो अब इसके पहले दो तो विषम संख्या इसके बाद दो विषम संख्या हम लोगों को छोटी बताना है तो इसके पहले विषम संख्या तेरह तेरह के पहले क्या होगा ग्यारह तो सबसे जो छोटी होगा ग्यारह हो जाएगा अगर इसके बाद बात करें तो पंद्रह और ये होगा सत्रह यानी जो लगातार जो चार विषम संख्या होंगी ये चौदह विषम संख्या नहीं है ध्यान दीजिएगा जो लगातार है वो ग्यारह तेरह पंद्रह सत्रह यानी ग्यारह ग्यारह उसके बाद तेरह पंद्रह सत्रह हम लोगों से पूछ रहे हैं सबसे छोटी तो आंसर होगा सबसे छोटी ग्यारह सबसे बड़ी पूछे तो सत्रह ठीक है हाँ सबसे छोटी सबसे छोटी हो जाएगा सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या क्या होगा ग्यारह और यही क्या होगा आंसर हो जाएगा चीज समझ रहे हैं समझ में आ गया बताए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगला क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर सोलह क्वेश्चन नंबर सोलह देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर सोलह क्वेश्चन नंबर सोलह मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूछा गया क्वेश्चन है ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं तेरह संख्याओं का औसत बयालीस है यदि चौदहवीं संख्या को शामिल किया जाता है तो औसत चौवालिस हो जाता है चौदहवीं संख्या क्या है वो चौदहवीं संख्या क्या है ये पूछ रहा है देखिए तेरह संख्याओं का जो औसत है वो क्या है बयालीस है यानी इनका सम क्या होगा इनका योग क्या होगा अगर बात करें तो तेरह गुणे बयालीस बराबर इनका योग क्या होगा पहले आप देखेंगे समझेंगे तेरह गुने बयालीस करेंगे तो तेरह गुना के छब्बीस का छे हासिल दो तेरह चौक बावन दो चौवन 54, यानी पांच सौ छियालीस इनका योग होगा तेरह संख्याओं का औसत बयालीस है तो तेरह संख्याओं का जो योग होगा वो पांच सौ छियालीस होगा ये समझ रहे हैं अब देखिए कह यदि संख्या शामिल की जाए चौदहवी संख्या शामिल किया जाता है तो औसत चौवालिस हो जाता है यानी तेरह की जगह पे अगर संख्या चौदह हो जाए तो औसत बयालीस से क्या हो जा रहा है, तो है। चौवालीस हो जा रहा है तो अब देखिए चौदह चौको छप्पन का छे हासिल दोस्तों क्या होगा पांच चौदह चौको छप्पन छप्पन पांच इकसठ यानी कि 616 हो गया अब आप लोग देखेंगे सीखेंगे अभी आसान तरीका भी बताएंगे ये भी आसान तरीका है मेथड वन है अच्छे से देखेंगे देखिए अच्छे से देखेंगे आप सब स्टूडेंट तो पूछ रहा है क्या हम लोगों से चौदहवी संख्या है देखिए चौदहवीं संख्या अगर चौदह में से तेरह संख्या घटा देंगे तो चौदहवीं संख्या आएगी देखिएगा तो वही क्या करेंगे 616 में से क्या करेंगे आप पांच घटाएंगे तो क्या आएगा 616 में से 546 घटाएंगे तो चौदहवीं संख्या आएगी ठीक है 14वीं संख्या चौदहवीं 14 संख्या संख्या क्या होगी देखिएगा 14वीं संख्या होगा 616 सौ सोलह छह सौ सोलह माइनस पांच तो आंसर होगा 6 में से 6 जा जीरो ग्यारह में से चार जा सात ठीक है सत्तर यानी आंसर होगा सत्तर ठीक है 616 में से 546 सौ छियालीस घटाएंगे सत्तर आएगा और यही आंसर होगा बताए एक बार समझ में आया कि नहीं समझ में आया कि नहीं, एक, नहीं एक बार बताए आप सभी स्टूडेंट सिंपल है आसान है है करना आता है, तो डायरेक्ट आंसर देंगे पूछ रहे, संख्या क्या है तो चौदहवी संख्या होगा सत्तर छे सौ सोलह माइनस पांच सौ छियालीस वेरी गुड एकदम सही देखिए एक और तरीका हम आप लोगों को सिखा रहे हैं देखिएगा सीखेंगे आप सभी स्टूडेंट एक और तरीका ठीक है देखिए जब कभी भी जोड़ने से संबंधित बात करें आगे बढ़ाने से संबंधित बात करें घटाने वाले में नहीं जोड़ने वाले में मेथड टू देखिएगा मेथड टू सीखिएगा आप लोग एक और देखिए कितनी संख्या है तेरह संख्याओं का औसत क्या है बयालीस है औसत कितना था बयालीस था ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट औसत कितना था बयालीस था यहां देखिएगा कह रहे चौदहवी संख्या को शामिल किया जाए तो औसत क्या हो जाता है चौवालिस हो जाता है ध्यान दीजिए प्लस चौदहवी संख्या पूछ रहे हैं ना हम लोगों से क्या किसको जोड़ा गया है ट्रिक से देखिए सीखेंगे अभी देखेंगे बयालीस से जोड़ने की बात क्या करे चौदहवीं संख्या ध्यान दीजिए पहले तेरह था तो ये चौदह ध्यान दीजिएगा चौदह संख्याएं हो गई तेरह के बाद चौदह हो गई औसत क्या हुआ 42 से दोस्तों आप सब स्टूडेंट देखेंगे 44 हो गया यानी औसत में वृद्धि क्या हुआ प्लस टू का हुआ औसत में वृद्धि क्या हुआ प्लस टू का तो 14 गुने दो कर देंगे ठीक है तो डायरेक्ट संख्या आ जाएगी यानी कि 42 प्लस चौदह दुना के क्या होगा 28 बयालीस और चौदह अट्ठाइस दोस्तों आप लोग जोड़ेंगे तो होगा सत्तर यानी जो चौदहवी संख्या होगा हो जाएगा सत्तर यह समझ में आया कि नहीं मैथ ट्रिक तो है आसान तरीका है ये भी आप कर सकते हैं देखिए चौदह संख्याओं का औसत बयालीस है सॉरी तेरह संख्या का औसत क्या है देखिएगा तेरह संख्या का औसत बयालीस है कह रहे चौदहवी संख्या शामिल किया जाता है तो औसत क्या हो जाता है चौवालीस हो जाता है मतलब औसत में वृद्धि कितने का हुआ दो का तो चौदह होगा यानी चौदहों लोगों में दो दो की वृद्धि तो अट्ठाईस तो अट्ठाइस ये बयालीस मिल के कितना सत्तर यानी जो चौदहवी संख्या होगी वो क्या होगी सत्तर होगी बताए समझ में आया कि नहीं एक बार कमेंट करें समझ में आया कि नहीं समझ में आ गया है तो यस सर कमेंट करें फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए आगे देखिए और अच्छे से क्लियर होगा और सारे क्वेश्चन आप कभी भी ज्यादा आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और क्लियर होगा देखिएगा क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर सत्रह क्वेश्चन नंबर सत्रह की बात करें तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सिंपल तरीका तो आप सबको पता ही है देखिए चार भाइयों की औसत आयु पंद्रह अगर उनके पिता को शामिल किया जाता है तो औसत पांच वर्ष बढ़ जाता है पिता की आयु वर्षों में है कितने वर्ष है देखिए चार भाई है औसत आयु क्या है पंद्रह वर्ष है तो चारों भाइयों का आयु का योग क्या होगा चार गुणे पंद्रह यानी कि साठ वर्ष अगर प्रत्येक भाई पंद्रह पंद्रह वर्ष का है या अलग अलग वर्ष के हैं तो टोटल क्या होगा अगर औसत तो पंद्रह है तो क्या होगा आयु का युग साठ ही होगा देखिए तो आयु का युग निकालने के लिए चार गुने औसत ठीक है हाँ बताइए ये हम आप लोगों को बताए तो पंद्रह चौको साठ कह रहा है अगर उनके पिता को शामिल किया जाता है पिताजी को शामिल कर लिया जाएगा तो कितने लोग हो जाएंगे पांच लोग हो जाएंगे क्योंकि चार भाई एक पिताजी ठीक है औसत क्या होता है पांच वर्ष बढ़ बर जाता है पहले औसत कितना था पंद्रह था पांच वर्ष बढ़ बर जाएगा तो क्या हो जाएगा बीस हो जाएगा तो बीस बच्चे सौ आयु का योग क्या हो जाएगा सौ पूछ रहा है क्या पिता की आयु तो पिताजी की जो आयु होगी वो क्या करेंगे यहाँ पे पांच लोगों में से यानी कि चार पुत्र और एक पिताजी वैसे चार पुत्रों की आयु का योग घटा देंगे तो आएगा क्या पिताजी के तो पिता की जो आयु होगी ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट पिता की आयु ध्यान दीजिए पिता की आयु पिता की जो आयु होगी वो क्या होगी सौ माइनस साठ तो बराबर क्या होगा चालीस वर्ष चालीस वर्ष यही आंसर होगा उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे अब देखिए अब दूसरा आप तरीका मेथड टू ये रहा क्या मेथड वन देखिएगा मेथड टू में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है अगर आप समझेंगे तो ठीक है देखिए मेथड टू देखिए चार भाइयों की औसत आयु क्या है पंद्रह वर्ष पहले तो औसत आयु पंद्रह वर्ष है कह रहा है पिताजी को शामिल कर लिया गया क्या हुआ पिताजी को शामिल कर लिया गया सभी स्टूडेंट देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो कितने लोग हो जाएंगे ये चार लोग हैं पिताजी को शामिल कर लेंगे तो कितने हो गए पांच लोग हो गए और औसत आयु क्या होती है पांच वर्ष बढ़ जाती है पांच वर्ष बढ़ा है औसत में पहले बयालीस से चौवालीस हो रहा था तो दो वर्ष बढ़ रहा था इधर क्या हो रहा है पंद्रह से बीस हो जाएगा मतलब पांच वर्ष बढ़ेगा तो पांच गुने पांच यानी टोटल पच्चीस वर्ष बढ़ेगा तो पांच पच्चीस पच्चीस और पंद्रह जोड़ेंगे तो क्या होगा चालीस वर्ष तो जो पिताजी की आयु होगी वो क्या होगी चालीस वर्ष यही आंसर हो जाएगा बस इतना ही करना है मेथड टू भी आसान है बीस कैसे आया वही तो बता रहे हैं बीस कैसे आया देखिए पंद्रह वर्ष पहले औसत था पिताजी को जब शामिल कर लिए तो पंद्रह से क्या हुआ है बीस हुआ है पांच वर्ष बढ़ा है देखिएगा पांच वर्ष ये औसत उम्र है ये चार लोग हैं ये पांच लोग हो गए पांच वर्ष बढ़ गया तो पंद्रह से बीस हो गया है समझ में आ गया पंद्रह प्लस पांच बीस समझ में आया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नंबर क्वेश्चन भी हम आप लोगों को बता दें मोस्ट है पूछा गया क्वेश्चन है क्वेश्चन क्वेश्चन है student, है ध्यान दीजिएगा आप स्टूडेंट बारह खिलाड़ियों वाले एक दल की औसत आयु तेईस वर्ष है यदि प्रशिक्षक की आयु भी शामिल की जाती है तो औसत आयु दो वर्ष बढ़ जाती है प्रशिक्षक की आयु वर्षों में कितनी है ध्यान दीजिए कह रहे हैं बारह खिलाड़ी हैं ध्यान दीजिए आप सब स्टूडेंट मेथड वन पहला मेथड देखिएगा बारह खिलाड़ी हैं औसत आयु क्या है तेईस वर्ष है तो टोटल तो तो आयु का योग क्या होगा बारह हो? गुने तेईस तो आप देख कर सकते हैं तेईस दहा में दो सो तीस और तेईस गुना के छियालीस यानी कि दो सौ छिहत्तर या आप गुना कर सकते है, हैं बारह तीन छत्तीस का छह हासिल तीन बारह दुना के चौबीस चौबीस तीन सत्ताईस तो दो सौ वर्ष होगा इनकी टोटल आयु का योग कह रहा है ये यदि एक प्रशिक्षक की आयु शामिल की जाती है प्रशिक्षक जब शामिल हो जाएगा तो कितने लोग हो जाएंगे बताइएगा तेरह लोग हो जाएंगे औसत आयु क्या होता है दो वर्ष बढ़ जाता है कितने वर्ष दो वर्ष बढ़ जाता है तो तेईस दो पच्चीस हो जाएगा क्या हो जाएगा पच्चीस हो जाएगा समझ रहे हैं अब देखिए पच्चीस गुने तेरा करेंगे आप सभी स्टूडेंट देखिए यहां पे थोड़ा सा समझना है यहीं पे आप लोगों को दिक्कत हो रहा है कि दो वर्ष बढ़ जाता है औसत आयु पहले तेईस था दो वर्ष बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा पच्चीस हो जाएगा यही चीज समझना है तो ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट कुछ नहीं करना है पच्चीस 25 दाह में दो और पच्चीस या पचहत्तर तीन सौ आप गुना कर सकते हैं पच्चीस या पचहत्तर का पांच हासिल आपका क्या होगा सात पच्चीस से कम पच्चीस सात बत्तीस 325. तो पूछ क्या रहे हैं हम लोगों से हम लोगों से पूछ रहा है प्रशिक्षक की आयु क्या है तो तेरह लोगों में से अगर बारह खिलाड़ी घटा दे तो बचेगा कौन प्रशिक्षक ही तो बचेगा यानी कि 325 में से दो घटा देंगे तो प्रशिक्षक की जो आयु होगी किसकी प्रशिक्षक ध्यान दीजिए प्रशिक्षक प्रशिक्षक की आयु साफ लिख देते हैं प्रशिक्षक की आयु क्या होगी बताइएगा आप सभी स्टूडेंट 325 माइनस 300 325 माइनस दो तो आप सभी स्टूडेंट घटाएंगे 15 में से 6 जा नौ और यहां पे आपका होगा 11 में से सात जा चार ठीक है उनचास वर्ष ये क्या होगा आंसर होगा आप लोगों का क्या आया बताइए आप सभी स्टूडेंट फटाफट अच्छा ऑप्शन में भी है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा

सभी स्टूडेंट समझेंगे तभी समझ में आएगा कितना है तेईस वर्ष है फिर प्लस मैंने सबकी तेईस वर्ष है अब क्या और हैं यदि प्रशिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए तो कितने लोग होंगे बताइएगा 24 लोग होंगे और औसत आयु क्या हो रहा है 23 से 25 हो जाएगा मतलब दो ही वर्ष तो बढ़ रहा है और लिखा भी है दो वर्ष बढ़ जाता है तो कितने हो गए ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कितने लोग हैं बारह और ये हो जाएंगे अब क्या तेरह बारह से क्या हो जाएंगे तेरह हो जाएंगे और और क्या होता है औसत आयु कितना बढ़ रहा है दो वर्ष बढ़ रहा है तो तेरह लोग में जब दो वर्ष बढ़ेगा तेरह दुना के छब्बीस ठीक है समझिएगा आप सब स्टूडेंट तो तेईस ये और प्लस तेरह दुना के छब्बीस ये छब्बीस और तेईस जोड़ेंगे तो ये नौ ये चार उनचास वर्ष उनचास वर्ष ये क्या होगा आंसर होगा क्या होगा उनचास वर्ष हाँ तेईस प्लस तेरह गुने दो बारह लोग हैं तेईस वर्ष है एक शामिल हो गया तेरह हो गए औसत आयु दो वर्ष बढ़ा है तो तेरह दुना के छब्बीस वर्ष बढ़ेगा तेईस और छब्बीस मिलके क्या हो जाएगा

तो भी औसत आयु उतनी ही रहती है तो चौथे मित्र की आयु कितनी है इस क्वेश्चन को समझेंगे एक बार। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे तीन मित्रों की औसत आयु तेईस वर्ष है हालांकि यदि चौथे मित्र की आयु जोड़ दी जाए तो भी औसत आयु उतनी ही रहती है तो चौथे मित्र की आयु कितनी है तीन लोग हैं तेईस वर्ष है और चौथा जुड़ जा रहा है तो उतनी ही रह रहा है मतलब तेईस वर्ष ही रह रहा है चलिए मैथड वन देखिए मैथड वन आप सब स्टूडेंट पहले देखेंगे तीन मित्र हैं औसत आयु क्या है तेईस वर्ष तो तेईस उनहत्तर ठीक है नौ तीन गुना के छऐ ऐसे गुना कर सकते हैं तो क्या होगा सिक्सटी नाइन कह रहे यदि चौथे मित्र की आयु जोड़ दिया जाए ये चार लोग हो जाए तो क्या होता है औसत उतना ही रहता है मतलब तेईस ही रहता है कितना रहता है तेईस ही रहता है ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट तेईस बानवे ठीक है पूछ क्या रहा है हम लोगों से हम लोगों से पूछ रहे चौथे मित्र की आयु चौथे मित्र की आयु पूछ रहा है बताए औसत उतना ही है कुछ करना ही नहीं है डायरेक्ट आंसर आपको दे देना है वही ठीक है या आप चाहे तो ये चीज कर रहे हैं तो करिए आप इसमें से चार में से तीन लोगों को घटाएंगे तो चौथे का आएगा तो जो चौथा मित्र है ध्यान दीजिएगा जो आपका ध्यान दीजिए आप सब स्टूडेंट जो चौथा मित्र है ध्यान दीजिए चौथा मित्र उसका आयु जो होगा वो क्या होगा बानवे माइनस सिक्सटी नाइन ठीक है ध्यान दीजिए बारह में से नौ जा तीन आठ में से छह जा दो तेईस वर्ष अगर उतना ही रह रहा है तो तेईस ही वर्ष तो होगा वो भी तेईस का ही हो जाएगा कितना हो अगर शामिल कर लिया जाए समझ रहे ना बात उतना ही रह रहा है तो तेईस वर्ष ही होगा इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है एकदम आसान है डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं आंसर तेईस वर्ष होगा ठीक है इसे समझने की जरूरत है इस क्वेश्चन को अगर भाषा पढ़ेंगे देखेंगे सीखेंगे तो आपको आंसर तुरंत तेईस ही वर्ष मिलेगा इतना करने की जरूरत नहीं है मैथड टू बता है चलिए मैथड टू देखेंगे आप सभी स्टूडेंट देखिएगा मैथड टू देखिएगा मैथड टू तीन मित्र है औसत आयु क्या है तेईस वर्ष है। सॉरी कितना है तेईस वर्ष है प्लस कह रहा है हालांकि चौथे मित्र को शामिल कर लिया जाता है क्या चौथे मित्र की आयु जोड़ लिया जाता है तो तीन से क्या हो गए हैं चार औसत आयु क्या होता है उतना ही रहता है तो औसत आयु में वृद्धि कितने की हुई तेईस से तेईस ही हो रहा है मतलब वृद्धि कुछ नहीं हुआ है जीरो की वृद्धि हुआ है तो क्या होगा तेईस ध्यान दीजिए आप सब स्टूडेंट तेईस प्लस चार गुने जीरो करेंगे जीरो तो क्या होगा? तेश बर्स। तेश बर्स ही होगा। हाँ चार लोग हो गए औसत उतना ही अगर एक वर्ष बढ़ता तो चार एकम चार दो वर्ष बढ़ता तो चार गुणे दो इस तरह से करते लेकिन तेईस से तेईस ही रहा जब तेईस से तेईस ही रहा तो जीरो वर्ष बढ़ा अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर सॉरी ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की बात करें तो यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है इस क्वेश्चन को देखेंगे सीखेंगे कह रहे हैं पांच संख्याओं का औसत 120 है यदि एक संख्या को अलग किया जाए तो शेष चार संख्याओं का औसत 130 है ध्यान दीजिए अलग की गई संख्या है देखिए पांच संख्याओं का औसत क्या है अब फटाफट सॉल्व करिएगा पांच संख्याओं का औसत क्या है एक है कितना है पांच संख्याओं का औसत क्या है एक है तो 120 सौ बीस गुने पांच यानी बारह पच्चे साठ छह सौ इनका योग क्या होगा छ सौ कह रहा है एक संख्या को अलग किया गया है एक संख्या को क्या अलग किया गया है तो शेष चार संख्याओं का औसत क्या है चार संख्याओं का औसत है एक सौ तीस तेरह चौको बावन होगा यानी पांच सौ बीस ठीक है अब देखिए पूछ क्या रहा है अलग की गई संख्या है अलग की गई ध्यान दीजिएगा अलग की गई देखिए अलग की गई संख्या पांच में से चार घटा देंगे ध्यान दीजिएगा तो अलग की गई संख्या आ जाएगी 600 में से क्या करेंगे 520 घटा देंगे तो अलग की गई जो संख्या है ध्यान दीजिए अलग की गई संख्या अलग की गई संख्या क्या होगी ध्यान दीजिएगा 600 माइनस पांच बराबर अस्सी ये आंसर होगा चलिए इसके लिए देखिए जब घटाने वाली बात करें इसमें मेथड टू नहीं लगाना है मेथड टू लगाएंगे कंफ्यूज होंगे ठीक है जोड़ने वाली जब कभी भी बात करें तो मेथड टू आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं मेथड टू से ठीक है तो इसमें अलग करने वाली जब बात करें घटाने वाली बात करें कमी वाली बात करें तो उसमें कभी 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 संख्याएं बढ़ जाती जाती है है घट कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि संख्याएं हाँ स्थिर नहीं रहती है तो आपको ये चीज करना है बस ये चीज करना है ये चीज आप लोग सीख रहे हैं तो मैथड वन ये जो है ये बेस्ट है इसके लिए तीस कैसे आया कहां पे तीस कैसे आया ये कहीं पे तीस नहीं लिखे हैं कहा है हाँ ये 120 है कह रहा है एक संख्या अलग कर दी गई तो शेष चार बचा तो इसका औसत क्या है 130 है तो गुण 130 किए हैं तो क्या किए 600 में से 520 घटाए हैं 80 आंसर आ गया एकदम सही उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट समझ गए चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले अगला क्वेश्चन देखें

कितनी है पंद्रह लोग हैं औसत आयु क्या है पंद्रह वर्ष है तो कुल आयु का योग हो, क्या होगा पंद्रह गुने पंद्रह दो सौ पच्चीस क्या होगा बताए आप सब स्टूडेंट दो पच्चीस वर्ष कह रहे यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में एक वर्ष की कमी तो शिक्षिका हट जाएगी तो क्या होंगे पंद्रह में से चौदह छात्राएं घटाएंगे तो शिक्षिका ही बचेगी दो सौ पच्चीस वर्ष में से एक सौ छानवे वर्ष घटाएंगे तो शिक्षिका की ही आयु होगी तो शिक्षिका की जो आयु होगी ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट किसकी शिक्षिका की आयु हाँ जो टीचर है शिक्षिका की आयु शिक्षिका की आयु क्या होगी बताइएगा हो सौ पच्चीस एक स्टूडेंट 29 वर्ष 29 वर्ष आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है 29 वर्ष वेरी गुड बहुत एकदम सही कुछ नहीं करना है बस आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं आप ओवरऑल कर सकते हैं पंद्रह गुणे पंद्रह दो सौ पच्चीस चौदह गुने चौदह एक सौ छानवे एक सौ छानवे चार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दो सौ फिर पच्चीस पच्चीस ऐसे भी कर सकते हैं या 225 में से घटाइए क्या आया वर्ष यही होगी की आयु ठीक है समझ में आ रहा है हाँ उम्मीद करते हैं अब आप लोग सीख गए हैं एवरेज कैसे निकाला जाता है कैसे निकालेंगे एवरेज के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू की बात करें तो ये भी टेंट है अच्छे से देखेंगे समझने का प्रयास करेंगे देखिए कह रहे है, यदि 20 आदमियों की औसत उम्र 25 वर्ष है तथा 30 आदमियों की औसत उम्र 20 वर्ष हो तो कुल आदमियों की औसत उम्र क्या होगी क्या बोल रहे हैं 20 आदमियों की ध्यान दीजिएगा बीस आदमियों की औसत उम्र अगर पच्चीस है तो आयु का योग क्या होगा पच्चीस गुना के पचास 50 यानी पांच सौ वर्ष ठीक है बीस गुने पच्चीस करेंगे तथा तीस आदमियों की ये तीस आदमी है इनका औसत उम्र क्या है बीस वर्ष है तो कुल आयु का योग क्या होगा तीस गुने बीस यानी तीन गुना के छ सौ वर्ष हो जाएगा ठीक है तो कह रहे हैं कुल आदमियों की औसत कुल आदमियों की औसत निकालना है कुल आदमियों की औसत ध्यान दीजिएगा कुल कुल किसकी आदमियों ध्यान दीजिएगा कुल आदमियों की औसत उम्र यही तो पूछा है कुल आदमियों की औसत उम्र कुल आदमियों की औसत औसत उम्र क्या होगा आप सभी स्टूडेंट बताए कुल आदमियों के आयु का योग क्या होगा 500 प्लस 600 ध्यान दीजिएगा 500 प्लस 600 और बटा में क्या होगा टोटल आदमी कितने हैं 20 प्लस 30. तो 500 600 क्या होगा 1100 हो जाएगा और 20 प्लस तीस क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा तो बताइए आप सब स्टूडेंट क्या होगा जीरो से जीरो कटा लेंगे देखिए तो क्या हो जाएगा 22 वर्ष 22 वर्ष आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है बताएं वेरी गुड एकदम सही हाँ देखिएगा पांच दून अग दस पांच दून दस जीरो से जीरो कटेगा बाईस वर्ष आंसर आएगा बाईस वर्ष आ है आप लोगों का बहुत अच्छे वेरी गुड जितने स्टूडेंट का आंसर आया बाईस वर्ष उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे एक और क्वेश्चन करा दे आइए एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर तेईस देखिएगा क्वेश्चन नंबर तेईस की बात करें तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बहुत अच्छे से देखना है और समझना है आप लोगों को देखिए क्वेश्चन नंबर व्यक्तियों की औसत आयु चार हजार रुपए है और दूसरे 25 व्यक्तियों की औसत आय पच्चीस सौ रुपए है तो पूरे समूह की औसत आय क्या है ये पूछा गया क्वेश्चन है अच्छे से देखेंगे समझने का प्रयास करेंगे देखिए बीस व्यक्तियों की औसत आयु चार है यानी कि टोटल कुल इनका इनकम क्या होगा बीस गुणे चार हजार तो मतलब चार दुना के आठ हो जाएगा और ये चार जीरो हो जाएगा अस्सी हजार कुल आय इनका क्या हो जाएगा बीस लोगों का कुल आय अस्सी हजार फिर कह रहा है दूसरे पच्चीस व्यक्ति ये दूसरे पच्चीस व्यक्ति हैं इनका औसत आय क्या है पच्चीस सौ है कितना है पच्चीस सौ है तो पच्चीस गुने पच्चीस क्या होगा छ सौ पच्चीस और दो जीरो ठीक है यानी बासठ हजार पांच सौ ठीक है देखिए अब देखिए अब, अब आप लोग देखेंगे तो कह रहा है पूरे समूह का औसत आय पूरे समूह का अगर औसत आए निकालना हो तो आप लोग क्या करेंगे अस्सी हजार ध्यान दीजिएगा अस्सी हजार प्लस बासठ हजार पांच सौ बटा का टोटल कितने लोग हैं इधर बीस और ये पच्चीस तो बीस प्लस पच्चीस आप इसको सॉल्व करेंगे ठीक है आठ छ चौदह एक लाख चालीस हजार एक लाख बयालीस हजार पांच सौ एक लाख बयालीस हजार पांच सौ और बटा के क्या होगा बीस और पच्चीस जोड़ेंगे तो पैंतालीस होगा अब इसको आप क्या करेंगे छोटा करेंगे ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट इसको छोटा करेंगे पांच से कटा लीजिए ध्यान दीजिएगा या आप इसको कटा सकते हैं नौ से भी कटा सकते हैं चलिए पांच से कटा रहे तो पांच नवा पैतालीस ठीक है हां पांच दुना के दस पांच वे चालीस समझने का आप सब स्टूडेंट प्रयास करेंगे पांच पच्चे पच्चीस और ये दो जीरो ठीक है अट्ठाईस हजार क्या हो रहा है अट्ठाईस हजार का नौ ठीक है चलिए नौ से आप कटाएंगे अगर इसको ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट अगर नौ से हम कटा रहे हैं तो क्या हो रहा है नौ से देखिए कैसे कटाना है डायरेक्ट आप इसे बराबर की इधर लिख रहे हैं देखिये नौ त्री ध्यान दीजिएगा नौ त्री सत्ताइस और यहाँ पे होगा पंद्रह तो नौ एकम नौ ध्यान दीजिएगा फिर पंद्रह हो रहा है नौ एकम नौ छ पंद्रह साठ नौ छ के चौवन फिर यहाँ पे छ होगा साठ नौ छ के चौवन दसमलव लगाएंगे फिर नौ छ के चौवन यानी कि ये या आ क्या रहा है दोस्तों ध्यान दीजिएगा अगर ये कटा रहे हैं तो पॉइंट में जा रहा है ठीक है देखिएगा ऑप्शन में किसी में दिख रहा है 3166.66 इस तरह से कहीं दिख रहा है हाँ ऑप्शन नंबर पहले में दिख रहा है ठीक है तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा कुछ करने की जरूरत नहीं है यही आपका आंसर होगा सरकारी नौकरी चाहे कोई भी हो उसमें 100% सफलता के लिए आज ही डाउनलोड करें एसएससी मेकर ऐप एस एससी मेकर ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें नमस्कार दोस्तों मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एस एस सी मेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट चलिए तो आज जो आपकी क्लास है एवरेज यानी औसत की क्लास फोर है चलिए आगे देखेंगे आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन देखिएगा आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर से इससे पहले बता दे दोस्तों वन से लेके ट्वेंटी थ्री तक पिछली जो क्लास चली है उसमें हम क्वेश्चन करा चुके हैं ठीक है तो आज हम देखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर देखिएगा ट्वेंटी फोर क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं तो इस क्वेश्चन को आप सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे और सॉल्व भी करेंगे ठीक है

आप लोग देखेंगे समझेंगे यहां पे अगर सात संख्याएं हैं ए बी सी डी ई एफ जी सात संख्याएं हो गई तो इन तीन का औसत दे रहा है कितना ध्यान दीजिएगा बत्तीस और इन तीन का दे रहा है दोस्तों क्या ध्यान दीजिए 28 और बीच वाली संख्या यानी जो चौथी संख्या है उसका पूछ रहा है, मतलब है सात संख्याओं, तो संख्याओं, संख्याओं, संख्याओं का जो औसत है तीस है तो कुल संख्याओं का योग क्या होगा सात गुण तीस यानी कि तीन सत्य दो सौ दस होगा प्रथम जो तीन संख्याएं हैं उनका औसत बत्तीस है तो इनका योग क्या होगा तीन गुणे बत्तीस यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों छानवे हो जाएगा देखिए तीन दुना के तीन तीन के नौ और अंतिम जो तीन है इनका औसत दिया हुआ है अट्ठाईस अट्ठाइस चौरासी समझिएगा आप सभी स्टूडेंट कैसे हो रहा है देखिए तीन बटे चौबीस का चार हासिल दो तीन दुना के छह दो आठ चौरासी हो गया देखिए ये चीज समझ गए यहाँ पे तीन और तीन हम लोग क्या किए हैं छह संख्याओं का औसत निकाल चुके हैं ठीक है, जब हम सात संख्याओं में से छह संख्याओं को औसत घटा लेंगे यानी समझने में का प्रयास करेंगे सात संख्याओं का योग में से छह संख्याओं का योग अगर हम घटा लेंगे तो हम लोगों के पास बचेगा क्या वही चौथी जो संख्या है ना डी ऑप्शन नंबर सॉरी बीच वाला जो संख्या है चौथा वही बचेगा वही बचेगा समझ रहे हैं तो यहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है ये जो तीन और तीन छे है ना आप इन दोनों को पहले जोड़िए इन दोनों को क्या करेंगे इसको मिटा देते हैं इसकी जरूरत नहीं है बस समझाने के लिए अब क्या करेंगे छानवे और चौरासी जोड़ेंगे छानवे चौरासी छ चार दस का जीरो हासिल आएगा एक नौ आठ सत्रह एक अठारह एक सौ अस्सी हो रहा है क्या हो रहा है एक सौ अस्सी यानी ये क्या हो रही है छह संख्याएं हो रही छह संख्याओं का योग एक है और सात संख्याओं का योग जो है दो है तो जो चौथी संख्या होगी ध्यान दीजिएगा जो चौथी संख्या होगी वो क्या होगी दो में से क्या करेंगे 180 को घटाएंगे यानी कि 210 सौ दस माइनस एक समझ में आ रहा है कि नहीं आंसर होगा 30. आंसर होगा 30. बताए समझ में आया कि नहीं बहुत अच्छे वेरी गुड एकदम सही है आप सभी स्टूडेंट सभी स्टूडेंट थर्टी बोल रहे हैं जितने स्टूडेंट तीस आ, आ रहा है जितने स्टूडेंट का आंसर एकदम सही है बस यही चीज करना है और आप लोगों को सीखना है देखिए सात संख्या है तो प्रथम तीन का ये रहा अंतिम तीन का ये रहा तो बीच वाला ही तो बच गया तो तीन तीन छह का घटा देंगे सात में से तो बचा क्या बीच वाला जो बच गया चौथा वही और वो क्या है तीस है यानी जो चौथी संख्या है वो क्या है तीस है चलिए वेरी गुड बहुत अच्छे एकदम सही जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं थर्टी एकदम सही है चले, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन 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 नंबर नंबर देखिएगा यानी जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूछा गया क्वेश्चन है अच्छे से देखेंगे इस क्वेश्चन को क्वेश्चन है ग्यारह परिणामों का औसत पचास है पहले छह परिणामों का औसत उनचास है और अंतिम छह परिणामों का औसत बावन है तो छठे परिणाम का मान कितना होगा देखिए टोटल कितनी परिणाम है दोस्तों ग्यारह परिणाम है कितनी परिणाम है ग्यारह परिणाम है कह रहा है प्रथम दीजिए पहले छे पहले छह परिणामों का औसत उनचास और अंतिम छे. तो इस प्रकार कहने का मतलब क्या है ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट देखिए यहां से अगर हम ऐसे कर दे ऐसे कर दे ग्यारह तक लिखे पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह परिणाम हो गए इस प्रकार से तो प्रथम छे का बोल रहा है यहां से प्रथम छे का फिर बोल रहा है अंतिम छे का दो दो चार दो छे मतलब ये देखिएगा ये फिर से छ तक आ गया मतलब ये छे जो है ना दोस्तों ये दोनों में आ रहा है क्योंकि छह प्लस छह बारह होगा और ग्यारह परिणामों का औसत दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे इन छह का निकालेंगे फिर इन छे का निकालेंगे दोनों को जोड़ के उसमें से ग्यारह परिणाम का घटा देंगे तो ये जो कॉमन आ रहा है बीच वाला परिणाम ना इसका मान आएगा यानी छठा परिणाम आ जाएगा कितना है ठीक है समझ रहे कैसे होगा देखिए ये क्या है ये चीज बस समझ लेना है बीच का टोटल योग घटा देना है तो बीच वाला आ जाएगा ठीक है बस यही करना है देखिए समझिए ग्यारह परिणाम ध्यान दीजिएगा ग्यारह परिणामों का औसत क्या है पचास है तो इनका योग क्या होगा ग्यारह पच्चीस पचपन पांच सौ पचास इतना तो समझ रहे फिर कह रहे है? पहले परिणाम छवन का उन्चास है, गुने उन्चास, उन्चास क्या होगा? देखिए कर सकते हैं का चार हासिल पांच चौबीस चौबीस पांच 29 ठीक है फिर उसके बाद से क्या होगा अंतिम छ़े का दिया हुआ गुने क्या है बावन तो बावन क्या होगा तीन सौ बारह ध्यान दीजिएगा बावन छ के क्या होगा तीन सौ बारह गुना कर सकते हैं छे दुना के बारह के दो हासिल एक तीस एक इकतीस तीन सौ बारह अब ये देखिए छे प्लस छे करेंगे ध्यान दीजिएगा अगर हम छे और छे को जोड़ रहे हैं तो बारह परिणाम हो रहा है और इनका योग क्या होगा दो सौ चौरानवे और तीन सौ बारह तो चार दो छे ध्यान दीजिएगा आप चार दो छ नौ एक दस का जीरो हासिल एक तीन दो पांच एक छे टोटल छ सौ छह हो रहा है अगर इस बारह में से दोस्तों हम क्या करें ग्यारह पर्डाम का योग घटा दे यानी बारह पर्डामों में से ग्यारह परिणामों का घटा दे या आप कर सकते हैं छह में से पांच घटाएंगे तो क्या आएगा जो बीच वाला छठा जो कॉमन है वही आज बचेगा वही तो बचेगा अगर हम बारह परिणामों के योग में से छह पर सॉरी ग्यारह परिणामों का योग हटा दे तो क्या आएगा वही जो कॉमन है वही आएगा तो कुछ करने की जरूरत नहीं है हम लोगों से पूछ रहे छठा परिणाम तो छठा परिणाम का योग मान कितना होगा 606 सौ क्या छे सौ तो आंसर आएगा फिफ्टी यही क्या होगा आंसर होगा आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है बताए 56 ऑप्शन नंबर सी अच्छा वेरी गुड एकदम सही है आप सभी स्टूडेंट जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हाँ एकदम सिंपल है आसान है उम्मीद करते हैं ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे देखिए कभी कभी इससे पहले वाले में क्या कर रहे थे सात परिणाम थे तो तीन तीन करके था तो छह घटा लिए यहां पे ज्यादा है बीच वाला जो कॉमन हो रहा है उसको पूछ रहे तो आप दोनों को जोड़ के इसको घटा लेंगे यही चीज तो करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जब देखिए जब ज्यादा दिया हो समझने का प्रयास करेंगे आप सब स्टूडेंट इस जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था सात था ठीक है ध्यान दीजिएगा इससे पहले वाले में सात था तो हम क्या किए इनको जोड़े दोनों को छोटे छोटे वाले को जोड़ के इसमें से घटा लिए तो बीच वाला आया जब ग्यारह है ध्यान दीजिएगा और इधर बारह और तो बारह में से ग्यारह घटेगा तो जो कॉमन है वो आएगा बस ये चीज आपको दिमाग में रखना है ठीक है चलिए एकदम सही है आप सब स्टूडेंट एकदम सही है उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है आप लोगों को ठीक है चलिए आगे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स अच्छे से देखेंगे समझने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है देखिए क्वेश्चन है ए बी और सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है यदि ए और बी का औसत वजन 40 किलोग्राम हो और बी और बी और सी का 43 किलोग्राम हो तो वी का वजन किलोग्राम में कितना होगा देखिए सिंपल तरीका हम आप लोगों को बता रहे औसत क्या होता है औसत क्या होता है सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या बराबर क्या होता है औसत होता है ये चीज आप सबको पता है ये पहले क्लास से ही हम आप लोगों को बता रहे यहाँ पे औसत 45 दिया है तीन राशियां हैं यानी तीन संख्याएं हैं मानिए देखिएगा तीन है ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी और बटा का क्या होगा तीन बराबर औसत क्या है पैतालीस है तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा बताइएगा आप सभी स्टूडेंट ए प्लस बी प्लस सी बराबर पैतालीस गुने तीन एक सौ पैंतीस या गुना कर सकते हैं तीन पचे पंद्रह का पांच हासिल एक तीन चौक बारह एक तेरह ठीक है ये ए प्लस बी प्लस सी आ गया अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ए प्लस बी का औसत वजन चालीस है तो औसत वजन चालीस है तो ए प्लस बी का योग क्या होगा चालीस गुना के अस्सी या आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं तीन लोग हैं औसत पैंतालीस है तो योग क्या होगा पैतालीस एक या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ए प्लस बी ए प्लस बी दो लोग हैं बटा टू हाँ और क्या है चालीस है तो ए प्लस बी क्या होगा ए प्लस बी ए प्लस बी बराबर क्या होगा चालीस दुना के अस्सी यह सब चीजें तो करने की जरूरत नहीं है उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे फिर दिया हुआ है क्या बी और सी यानी कि बी प्लस सी दो बटा दो औसत यही तो होता है राशियों का योग बटा उनकी संख्या बी और सी दो है बटा दो और ये क्या हो गया ध्यान दीजिएगा बी प्लस सी बटा दो और तैतालीस है तो बराबर बराबर फोर्टी थ्री बराबर क्या होगा फोर्टी थ्री तो बी प्लस सी क्या होगा बी प्लस सी बराबर तैतालीस देखिए हम लोगों से पूछ रहे है वी का वजन कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर हम इन दोनों को जोड़े इन दोनों को अगर हम जोड़े तो ये क्या होगा बताइएगा आप सभी स्टूडेंट देखिएगा सभी स्टूडेंट देखेंगे A प्लस बी ध्यान दीजिएगा ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी ये होगा बराबर क्या होगा छियासी और अस्सी अस्सी छियासी जोड़ेंगे तो एक सौ छियाछ होगा एक सौ छियाछ हो रहा है इसमें से आप क्या करिए ध्यान दीजिएगा ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी यानी कि यहाँ पे देखेंगे दो बार बी है और यहाँ पे अगर हम माइनस कर दे ए बी सी तो बचेगा क्या अगर इसमें से हम ए प्लस बी प्लस सी क्या करें माइनस करें तो ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या है एक है जब माइनस करेंगे तो हम लोगों के पास बचेगा क्या देखिए ए से ए कट जाएगा बी से बी कट जाएगा सी से सी कटेगा जब हम माइनस करेंगे तो माइनस करने पे क्या होता है चिन्ह बदल जाता है ये माइनस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा होगा ना और ये भी क्या होगा माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या सिर्फ बी एक बचेगा तो बी बराबर क्या होगा एक सौ में से एक सौ पैंतीस क्या करेंगे घटाएंगे तो छह में से पांच जा बताए आप सब स्टूडेंट छह में से ध्यान दीजिएगा हाँ ध्यान दीजिएगा छह में से पांच जा एक हो जाएगा और तीन में छह में से तीन जा ती, ए, तीन हो जाएगा यानी बी का जो वजन होगा जो बी का वजन होगा बी बराबर क्या होगा थर्टी वन इकतीस किलोग्राम क्या होगा इकतीस किलोग्राम ऑप्शन नंबर सी एकदम आसान है उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे इतना करने की जरूरत नहीं है बस हम आप लोगों को समझाने के लिए लिखे हैं इतना करने की जरूरत नहीं है बस आप यहीं पे कर सकते थे देखिएगा में ही कर ए बी सी तीन है पैंतालीस एक सौ पैंतीस यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर एक सौ पैंतीस होगा बी ए प्लस बी ध्यान दीजिएगा ए प्लस बी क्या होगा ए प्लस बी चालीस दुना के अस्सी हो जाएगा और b प्लस सी बी प्लस सी क्या होगा तैतालीस दुना के छियासी हो जाएगा इन दोनों को जोड़ के अगर इसमें से घटाएंगे तो यहां पे क्या होगा ध्यान दीजिए इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा और एक सौ छियासठ में से पैंतीस बस एक घटा देंगे तो बी बराबर क्या हो जाएगा 31 किलोग्राम बस इतना ही करना है और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहां पे इसको जोड़ते तो दो भी है और एक ए एक सी तो एक बी एक सी से कट जाएगा और बचेगा क्या एक बी बच जाएगा तो आंसर होगा थर्टी वन बस इतना ही करने की जरूरत है आगे कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं है चलिए बताए समय समझ में आया एक बार कमेंट करके बताए समझ में आया सिंपल है कुछ करने की जरूरत नहीं है बस आप क्या कर सकते हैं इतना ही में आंसर ला सकते हैं बस हम आप लोगों को समझाने के लिए लिखे बस आप चाहें तो इतना ही में करके आंसर इसका ला सकते हैं चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन है अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा चार संख्याओं में पहली तीन का औसत सोलह है और अंतिम तीन का औसत पंद्रह है यदि अंतिम संख्या बीस है तो पहली संख्या क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अस्सी कैसे आया पिछले क्वेश्चन में देखिए ए प्लस बी का औसत वजन 40 है औसत मतलब प्रत्येक का अगर माना जाए 40 है तो दो लोग हैं तो चालीस बी प्लस सी B plus C, दो लोग हैं तो 43 दुना के तैतालीस है तो 45 है तो पैंतालीस एक सौ ये चीज की है ठीक है चलिए आगे देखिएगा ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्वेंटी नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है चार संख्याओं में पहली तीन का औसत सोलह अंतिम तीन का औसत पंद्रह यदि अंतिम संख्या बीस है, तो पहली संख्या क्या है देखिएगा आप लोग देखेंगे सीखेंगे देखिए चार संख्याएं हैं ए है, है, क्लियर नहीं है कौन कौन सी है तो ए बी सी और अंतिम संख्या बोल रहा है बीस अंतिम संख्या बोला है बीस तो कह रहा है चार संख्याओं में देखिएगा पहली तीन का औसत सोलह औसत क्या है सोलह तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा सोलह ती अड़तालीस ये होगा इतना तो समझ रहे हो फिर कह रहा है अंतिम तीन का औसत पंद्रह अंतिम तीन क्या होगा प्रथम तीन ये हो गए एक दो तीन अंतिम तीन क्या होगा बी प्लस सी प्लस ध्यान दीजिएगा ये फोर्टी एट आया है अब देखिए अंतिम संख्या 20 दिया है और ये तीन हो जाएंगे संख्या बटा तीन, और इनका औसत क्या दिया हुआ पैतालीस तो इतना तो आप लोग आप समझ ही रहे होंगे तो बी प्लस सी बराबर क्या होगा पैतालीस माइनस बीस पच्चीस तो यहां पे लिख देते हैं बी प्लस सी बराबर क्या होगा 45 में से 20 घटेगा क्योंकि 20 प्लस क्या उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा ठीक है तो बी प्लस सी क्या आ गया 25 आ गया हम लोगों से पूछ क्या रहे तो पहली संख्या क्या है अब देखिएगा अगर ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी माइनस कर ले क्या कर ले b प्लस देखिएगा a plus b plus c में से b plus c माइनस कर ले तो a बराबर होगा क्या बताएं आप सभी स्टूडेंट a बराबर होगा क्या 48 minus 25 यही तो होगा देखिए a plus b plus c बराबर क्या है 48 है और b plus c क्या है b plus c क्या है b, plus c, क्या है? b plus c क्या है 25 है तो हमें बताना क्या है a का मान बताना तो a बराबर क्या करेंगे माइनस ही तो करेंगे अगर बी प्लस सी घट जाएगा इसमें से तो अड़तालीस में से पच्चीस जा तेईस क्या होगा ट्वेंटी थ्री होगा ए का जो होगा ट्वेंटी थ्री होगा ट्वेंटी थ्री होगा और ऑप्शन नंबर होगा ए बताए कितने स्टूडेंट का ट्वेंटी थ्री आंसर आया चलिए बहुत अच्छे एकदम सही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहीं भी किसी को दिक्कत होगी तो बताइएगा आगे देखिएगा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट की बात करें तो ये मोस्ट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं हम ऐसा प्रश्न है, तो है।, तो है आर की मासिक आय पी की मासिक आय से कितनी अधिक है क्या बोल रहा है यहाँ पे इस लाइन को थोड़ा सा आप लोग पढ़ेंगे इस लाइन को हम लोगों से पूछ रहे हैं आर की मासिक आय पी की मासिक आय से कितनी अधिक है आर की मासिक आय पी की मासिक आय से कितनी अधिक है? अधिक निकालने के लिए क्या करेंगे आर में से पी को घटा के बताएंगे यानी कि आर की आय में से पी की आय घटा देंगे तो आप पता चल जाएगा कि आर की जो आय है पी की आय से कितनी अधिक है यह चीज क्लियर हो जाएगा ना तो देखिए यहां पे हम लोगों के पास एक चीज दिया हुआ है पी तथा तो क्यू की मासिक आय बीस हजार यानी कि पी प्लस क्यू की जो मासिक आय है बीस हजार है तो पी प्लस क्यू का टोटल इनकम क्या होगा दो लोग हैं तो अगर मासिक औसत आए ये औसत आय है बीस हजार तो टोटल आए का क्या होगा? 20 प्लस बीस हजार चालीस हजार ये होगा यहां पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अच्छे से समझना है फिर उसके बाद से क्यू प्लस आर क्यू प्लस आर दो लोग है मासिक औसत आय चालीस हजार है तो कुल आय का योग हो, क्या होगा दो लोग हैं चालीस दुना के अस्सी हजार क्या होगा अस्सी हजार ये होगा अब देखिए आप सब स्पूडेंट ये हो गया आपके पास समीकरण वन और ये हो गया समीकरण दो सेकेंड ठीक है कुछ करने की जरूरत नहीं है एकदम आसान है एकदम आसान है बस आपको करना क्या है आपको करना क्या है एक बार आप लोग सीखेंगे यहाँ पे देखिए हम लोगों को बताना है आर माइनस पी यहाँ पे देखिए पी प्लस क्यू और यहाँ पे क्यू प्लस अगर हम समीकरण सेकेंड में से समीकरण फर्स्ट घटाए यानी क्यू प्लस आर में से माइनस पी माइनस क्यू अगर पी प्लस क्यू को घटा दे तो क्या होगा क्यू से क्यू कट जाएगा आर माइनस पी बचेगा और अस्सी हजार में से चालीस हजार जाएगा तो चालीस हजार होगा समझ में आ रहा है कि नहीं देखिएगा आपको करना क्या है समीकरण सेकेंड माइनस समीकरण फर्स्ट ये चीज आपको करना है ठीक है तो ये चीज आप करेंगे तो देखेंगे इसमें से जब इसको माइनस करेंगे आप सभी स्टूडेंट तो Q से Q कट जाएगा R माइनस पी बचेगा तो R माइनस पी बराबर अस्सी हजार माइनस चालीस हजार क्या होगा अस्सी हजार ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट अस्सी हजार माइनस चालीस हजार तो अस्सी हजार में से चालीस हजार जाएगा चालीस तो हजार होगा क्या होगा चालीस हजार यही होगा आर माइनस पी यानी जो आर की मासिकाए है जो पी की मासिकाए है उसे जो अध्ययन दीजिए आर की मासिकाए पी की मासिकाए से चालीस हजार अधिक है आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समझ में आया कि नहीं हाँ आर माइनस पी चालीस हजार बस यही चीज देखना है ये चीज आप देखेंगे आर की मासिकाए पी P -P की मासिकाए से कितनी अधिक है यानी कि आर माइनस पी हम लोगों को बताना है और आर माइनस पी क्या होगा अगर हम समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाएंगे तो आ जाएगा सभी स्टूडेंट समझ गए सभी स्टूडेंट ये सर कमेंट कर रहे हैं समझ में आ गया है एक बार बताएं आप सभी स्टूडेंट समझ में आ गया है तो ये सर कमेंट करते रहे चलिए बहुत अच्छे जितने स्टूडेंट चालीस आंसर दे रहे हैं सभी स्टूडेंट सही है नेक्स्ट देखेंगे आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को बता दे ये भी जो है, है, पूछा गया है, और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है अच्छे से देखना है कैसे करना है हम आप लोगों को बता रहे हैं देखिए तीन संख्याओं का औसत साठ है इनमें पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तीन गुनी है तद सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है देखिए तीन संख्याएं हैं पहला फिर उसके बाद से दूसरा फिर उसके बाद से तीसरा तीन संख्याएं हैं अब यहां पे थोड़ा सा आपको बैलेंस करना सीखना है कि आप कैसे बैलेंस करेंगे यहां पे बोल क्या रहा है देखिएगा आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे दो सेकंड है देखिए क्या आप सब स्टूडेंट बोल क्या रहा है प्रश्न में बोल रहा है तीन संख्याओं का औसत 60 है कह रहे हैं इनमें पहली संख्या दूसरी की दोगुनी अगर पहली संख्या ध्यान दीजिएगा दूसरी की दोगुनी है सीखेंगे आप सभी स्टूडेंट दूसरी की दोगुनी अगर दूसरी x है तो ये क्या होगा 2x होगा लेकिन आगे देखना है आप लोगों को फिर कह रहा है दूसरी संख्या तीसरी की तीन गुनी है दूसरी संख्या तीसरी की अब इसकी तीन गुनी है तो आपको एक्स बाई थ्री वगैरह ऐसे नहीं मानना है आप देखिए कैसे मानेंगे हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, अगर ये एक्स है तो ये क्या होगा थ्री एक्स होगा ये एक्स है ध्यान दीजिएगा तो ये थ्री एक्स होगा अभी इस लाइन को आप लोग देखेंगे दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तिगुनी है दूसरी संख्या तीसरी की ती गुनी हो गई यहां पे बैलेंस करना सीखना आप लोगों को फिर कह रहे हैं इनमें पहली संख्या दूसरी की दो गुनी है पहली जो संख्या है दूसरी की दो गुनी है ये थ्री एक्स है तो इसका दो गुना क्या होगा सिक्स एक्स होगा अब ये बैलेंस हो गया है क्या हो गया है अब ये बैलेंस हो गया है अगर आप इतना समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है बस ये बैलेंस करना सीख जाना है और यहां पे कहा है तीन संख्याओं का जो औसत है वो साठ है यानी जो ये संख्याएं हैं वो है सिक्स एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस एक्स बाई कितनी संख्या तीन और इनका औसत क्या है साठ अब देखिएगा आप सभी स्टूडेंट तो सिक्स एक्स थ्री एक्स एक्स छीन नौ एक दस दस एक्स दस एक्स बराबर क्या होगा क्षेत्र अठारह या दस एक्स बटा तीन बराबर साठ भी लिख सकते हैं तो ये तीन गुने साठ एक, एक सौ अस्सी दस एक्स बराबर क्या होगा एक सौ अस्सी इतना तो आप समझ रहे होंगे तो एक्स बराबर क्या होगा एक्स बराबर होगा बताए एक सौ अस्सी बटा दस यानी कि अठारह क्या होगा अठारह एक्स बराबर क्या होगा अठारह होगा एक्स बराबर जब 18 है तो हम लोगों से पूछ रहे हैं तद अनुसार सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर आप क्या करेंगे देखिएगा आप संख्याएं निकाल सकते हैं तो एक में से घटाएंगे आ आ जाएगा ये आ जाएगा ये या पांच तो है? है, और एक्स तो बराबर, बराबर, बराबर है अठारह यानी ध्यान दीजिएगा तो पांच गुणिया अठारह अठारह पच्चीस क्या होगा नब्बे ये होगा आंसर ये नब्बे आंसर हो जाएगा या आप चाहे एक सौ आठ चौवन और अठारह निकाल के एक सौ आठ में से अठारह घटाएंगे तो भी आपका नब्बे आएगा आंसर होगा नब्बे ऑप्शन नंबर सी बताए कितने स्टूडेंट का आंसर आया है एक बार जल्दी से कॉमेंट करके आप लोग बताए फटाफट चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे एकदम सही है आप सभी स्टूडेंट जितने स्टूडेंट का नब्बे आंसर आया है चलिए एकदम सही हाँ ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है चलिए आगे चले समझ में आ गया है एकदम आसान अब चाहे तो आप लोग क्या कर सकते थे देखिएगा यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते थे एक्स बराबर क्या आया है अठारह आया है तो सिक्स एक्स बराबर अठारह छक्के एक सौ आठ एक्स बराबर क्या होगा अठारह थ्री एक्स बराबर क्या होगा अठारह तिहाई चौवन तो आप क्या करेंगे एक सौ ठ में से ध्यान दीजिएगा एक सौ आठ में से क्या घटाएंगे अठारह घटाएंगे यानी सबसे बड़ी संख्या क्या है एक सौ आठ और ये क्या है अठारह से जब आप अठारह घटाएंगे तो नाइनटी आ जाएगा ऐसे भी आप कर सकते थे ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन क्वेश्चन देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर थर्टी क्वेश्चन नंबर थर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है पूछा गया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी हम आप लोगों को बता दे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी चलिए देखेंगे सीखेंगे देखिए पढ़िए क्वेश्चन पढ़िएगा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली से दो गुनी और तीसरी संख्या से तीन गुनी है यदि तीनों संख्याओं का औसत तैतीस हो तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें भी क्या करना है संख्याओं को बैलेंस करना है बैलेंस करना सीखना है आप लोगों को देखिए यहां पे बात करें तीन संख्याओं में जो दूसरी संख्या है कौन दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी ये पहली संख्या की क्या है दोगुनी है और यहां पे कह रहे हैं, तीसरी संख्या से तीन गुनी है कौन दूसरी ही है तीसरी संख्या से तीन गुनी है यदि तीनों संख्याओं का औसत तैतीस है तो सबसे बड़ी संख्या यहां पे दूसरी को कॉमन रखा है बीच में तो आपको करना कैसे है हम आप लोगों को सिखा रहे हैं देखिए तीन संख्याएं हैं पहला दूसरा और तीसरा ठीक से देखना है समझना है आप लोग को देखिए कह रहा है कि तीन संख्याओं में जो दूसरी संख्या है पहली की दोगुनी है अगर हम पहली की दोगुनी करें x 2x कर दे तो फिर यहां पे आप कंफ्यूज होने लगेंगे फिर कह रहा है और तीसरी की तीन गुनी है तो यहां पे कंफ्यूज होंगे चलिए अगर तीसरी की तीन गुनी है तो यहां आप देखना अगर x है x है तो ये क्या होगा 3x होगा यही चीज आपको समझना है यहां पे बैलेंस करना आप लोग सीखेंगे तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की दो गुणी अगर पहली की ये दो गुनी है तो ये क्या होगा ये ये है तो ये होगा यानी कि इसका आधा का दो गुना क्या होगा अब देखिए फिर कह रहे तीसरी संख्या से तीन गुनी है तीसरी संख्या से क्या एक्स है तो थ्री एक्स यही आपको बैलेंस करना सीखना है बस अगर इतना सीख गए तो ये क्वेश्चन आसान हो गया अब देखिए कह रहा है कि तीनों संख्याओं का औसत तैतीस है तीनों संख्याओं का औसत मतलब 1 प्लस 3X प्लस X बाई क्या होगा, 3 to, क्या होगा? 33. 33 होगा तो तैयार पांच यानी कि फाइव पॉइंट फाइव एक्स बराबर क्या होगा ये हो जाएगा निन्यानवे तो एक्स बराबर क्या होगा निन्यानवे बटा का 5.5 तो आप इसको थोड़ा सा और आगे ले चलेंगे तो x बराबर अगर हम ऊपर नीचे 10 से गुना कर दे तो ये पॉइंट हट जाएगा और ये हो जाएगा 990 बटा का क्या होगा ये होगा तो पन, नवा निन्यानबे नब्बे होगा पांच से अठारह तो एक्स बराबर क्या होगा एक्स बराबर होगा अठारह एक्स बराबर आया हम लोगों का अठारह और पूछ रहा है तीनों तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है थ्री एक्स सबसे बड़ी संख्या ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ी संख्या यही तो हम लोगों को बताना है तो सबसे बड़ी संख्या है थ्री एक्स तो थ्री एक्स है तो तीन गुने अठारह तीन गुने अठारह तो अठारह तीन क्या होगा चौवन ये आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वेरी गुड बहुत अच्छे जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी चौवन फिफ्टी फोर आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो सॉल्व कर लेंगे चलिए एकदम सही है जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं आंसर होगा फिफ्टी फोर चौवन समझ में आया सबसे सबसे छोटी संख्या पूछता तो क्या बताते ये एक्स की मान जो है एक्स सबसे छोटी है अठारह हो जाता है ठीक है हाँ बीच वाला संख्या ये हो जाएगा वन पॉइंट फाइव हो जाता, ठीक है एकदम सही है सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं देखिए ऐसे प्रश्नों को बस आपको करना क्या है ये बैलेंस करना सीखना है तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली से दो गुनी देखिए पहली से ये क्या हो गया है दो गुना है ठीक है फिर देखिएगा कह रहे हैं। और तीसरी से तीन गुनी है ये इससे ये जो क्या है बीच वाला तीन गुना है आप देखेंगे है इस प्रकार से बस इसी को बैलेंस करना सीखना उसके बाद से तो एवरेज निकालना आपको पता ही है चलिए मजा आ गया समझ में आ रहा है चलिए ठीक है नेक्स्ट देखें आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे 31. 31 की बात करें तो यह भी छात्रों का औसत अंक पैंतालीस है कक्षा के लड़कों का औसत वजन चालीस तथा कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या होगी देखिए क्लास में बॉयज और गर्ल है और टोटल जो छात्र है वो फोर्टी है और इनका औसत अंक क्या है फोर्टी है बॉयज का औसत दिया है फोर्टी और गर्ल का दिया हुआ है फिफ्टी पूछ रहा है लड़कियों की संख्या पूछ रहा है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इससे पहले दोस्तों हम आप लोगों को बता दे हाँ हम आप लोगों को एलिगेशन पढ़ाए हैं मिक्सर एंड एलिगेशन तो एलिगेशन रूल इस पे लगाना है देखिए बॉयज हो गया और क्या है गर्ल है देखिए बॉयज का क्या है कक्षा में जो लड़कों का औसत अंक है ध्यान दीजिएगा जो लड़कों का औसत अंक है वो क्या है चालीस है जो लड़कियों का औसत अंक है वो क्या है पचास है पूरी जो क्लास है बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं अड़तालीस है और इनका जो औसत अंक है फोर्टी है ये हो गया फोर्टी अब आप क्या करेंगे एलिगेशन रूल लगाएंगे देखिए तीनों में बड़ा है पचास पचास में से पैंतालीस घटाएंगे तो क्या होगा पाँच फिर पैंतालीस में से चालीस घटा के यहाँ करेंगे पाँच तो ये क्या होगा पाँच एकम पाँच और पाँच एकम पाँच तो बॉयज़ और गर्ल का जो रेशियो होगा बॉयज़ और गर्ल का जो रेशियो होगा वो होगा वन इज टू वन क्या होगा वन इज टू वन मतलब आधा लड़के आधा लड़कियां हैं हां अब आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ कह रहा है लड़कियों की संख्या क्या होगी टोटल फोर्टी एट है तो गर्ल के लिए क्या करेंगे बताइएगा गर्ल रेशियो में क्या है वन और बाई क्या है वन वन टू और इन टू फोर्टी तो आंसर क्या होगा गर्ल जो होंगी क्या होंगी बताए आप सभी स्टूडेंट ट्वेंटी फोर और अगर हमें बॉयज का बताना हो तो भी बोलेंगे ट्वेंटी क्या आंसर आएगा ट्वेंटी फोर कितने स्टूडेंट ट्वेंटी फाइव आंसर दे रहे हैं मार खाएंगे चलिए ट्वेंटी फोर आंसर होगा जितने स्टूडेंट ट्वेंटी फोर आंसर दे रहे हैं एकदम सही है चलिए one is true, one है मतलब एक रेशियो एक है तो एक एक दो रेशियो दो बराबर अड़तालीस तो एक रेशियो बराबर क्या होगा चौबीस आंसर होगा चौबीस ऑप्शन नंबर बताए क्या होगा ऑप्शन नंबर होगा सी ऑप्शन नंबर सी समझ में आया चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे एलिगेशन इससे पहले हम आप लो कराएं आप लोगों को और सभी स्टूडेंट ने किया है ठीक है एक और क्वेश्चन देख लीजिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा थर्टी टू नंबर का क्वेश्चन है यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूछा गया क्वेश्चन है क्वेश्चन देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है चलिए क्वेश्चन है साठ विद्यार्थियों की कक्षा में चालीस परसेंट लड़कियां हैं पूरी कक्षा का औसत वजन उनसठ दो किलोग्राम और लड़कियों का औसत वजन पचपन किलोग्राम है लड़कों का औसत वजन क्या है कह रहा है साठ विद्यार्थियों की कक्षा में चालीस परसेंट लड़कियां हैं तो गर्ल कितनी है साठ का चालीस परसेंट साठ गुने चालीस बटाका सौ दो जीरो से दो जीरो कैंसिल चौबीस तो कितने होंगे? 60 -20, 60 -20. या आप 60 का क्या कर जो संख्या है, जो है वो ट्वेंटी फोर है ठीक है ये चीज दिया हुआ है अब देखिएगा आप सब स्टूडेंट ये हो गए ध्यान दीजिएगा यहीं पे थोड़ा सा समझना है बॉयज चलिए यहाँ पे क्या है ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कचपुरी कक्षा का वजन ये है लड़कियों का यह है देखिए तो आप गर्ल और बॉयज कुछ भी लिख सकते हैं बॉयज है 36 और गर्ल कितनी है बताएं आप सब स्टूडेंट गर्ल कितनी है 24, ठीक है यही तो दिया हुआ है सॉरी ये तो दिया हुआ है तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं ये हो गए बॉयज और ये हो गई गर्ल ठीक है अब आप लोगों को देखना है बॉयज कितने हैं बॉयज है 36 ध्यान दीजिएगा गर्ल है ट्वेंटी फोर अब देखिए थोड़ा सा आप लोगों को समझना है यहीं पे समझना है अगर ये चीज समझ गए तो बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए अब देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे दिया हुआ है पूरी कक्षा का औसत वजन उन्सठ दशमलव दो किलोग्राम लड़कियों का औसत वजन पचपन गर्ल का क्या है गर्ल का है पचपन गर्ल का क्या है पचपन है ठीक है गर्ल का क्या है पचपन है और यहाँ पे कह रहा है बॉयज का हमें बताना है तो बॉयज का मान लेंगे एक्स वो का मान लेंगे एक्स और उसके बाद से पूरी कक्षा का है देखिएगा अब 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 देखिए देखिए आप आप लोग कुछ भी कर सकते है हाँ, कर सकते हैं हैं इसमें सभी स्टूडेंट करके ला सबसे बड़ा क्या होगा में से तो उनसठ दशमलव नौ उनसठ दशमलव दो में से पचपन घटाएंगे तो फोर पॉइंट टू यह होगा अब देखिए हमें x की वैल्यू बताना है तो ये क्या होगा 4.2 पॉइंट टू बाई एक्स माइनस फिफ्टी इक्वल टू छत्तीस बटा चौबीस ये हो जाएगा कि नहीं इतना आप लोग समझ रहे होंगे तो आप इसको ऐसे करेंगे देखिएगा 4.2 पॉइंट टू बाई एक्स माइनस फिफ्टी नाइन पॉइंट टू इज इक्वल टू छत्तीस बटा का चौबीस ये होगा तो अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है दो दुना के चार करेंगे, तो करेंगे तो थ्री एक्स माइनस तीन से गुना करेंगे तो तीन दुना के ये छे हो जाएगा फिर पॉइंट लगाएंगे तीन नवा सत्ताईस का सात होगा ध्यान दीजिएगा और तीन पचे पंद्रह दो सत्रह यानी कि एक सौ दशमलव छह पे देखिएगा थ्री एक्स माइनस एक सौ सतहत्तर हैं? अब थ्री एक्स बराबर ये फोर तो उसमें जुड़ेगा तो 178 178 एक सौ अठहत्तर और एक सौ अठहत्तर आठ एक सौ छियासी यानी कि थ्री एक्स बराबर एक सौ छियासी तो एक्स बराबर क्या होगा बताइएगा तीन छह के अठारह तीन दोना के छि की बासठ एक्स बराबर क्या होगा बासठ जो लड़कों का वजन होगा वो सिक्स टू होगा क्या होगा बासठ होगा ऑप्शन नंबर डी होगा ये चीज समझे एलिगेशन में हम आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन कराए थे कितने स्टूडेंट का आ रहा है सिक्सटी टू जितने स्टूडेंट सिक्सटी टू यानी बासठ कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है बताए कहीं पे किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए बस यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है बॉयज कौन है गर्ल कौन है बॉयज देखिए गर्ल की यहाँ पे औसत वजन दिया हुआ है पचपन बॉयज का पूछ रहे तो मान लिए एक्स और देखिएगा पूरी और कच्चे का औसत दिया हुआ है पूरे जो क्लास है फिफ्टी नाइन पॉइंट टू दिया हुआ है ठीक है हाँ 59.2 दिया हुआ है और हम आप लोगों को बता दें यहाँ पे भी बोला है 40 परसेंट लड़कियां हैं तो 40 परसेंट लड़कियां हैं तो 60 का 40 परसेंट चौबीस लड़कियां हैं बॉयज कितने हैं 36 है यही चीज तो समझना है आसान है एकदम आसान है जब सीखेंगे देखिए इससे पहले हम आप लोगों को पढ़ाए हैं मिक्सर एंड एलिगेशन तो उसमें आप लोगों ने ऐसे प्रश्न किए हैं ठीक है थीके? सरकारी नौकरी चाहे कोई भी हो उसमें हंड्रेड परसेंट सफलता के लिए आज ही डाउनलोड करें एस एस सी मेकर ऐप एस एस सी मेकर ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें नमस्कार दोस्तों मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के ऑनलाइन फ्लेटफॉर्म पे कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट तो चलिए आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन देखेंगे पिछले क्लास में दोस्तों हम आप लोगों को बता दे 32 यानी कि 32 क्वेश्चन पहले करा चुके हैं आज जो आपकी क्लास है दोस्तों तैतीस नंबर क्वेश्चन से चलेगा पहले क्लास में एक से लेकर ध्यान दीजिएगा बत्तीस तक क्वेश्चन हम आप लोगों को पिछले क्लास में करा चुके हैं आज क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री से स्टार्ट करेंगे ठीक है देखिए थर्टी थ्री नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है समझने की जरूरत है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है एक क्रिकेट खिलाड़ी की दस पारियों के रनों का औसत बत्तीस था खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए कि उसके रनों का औसत चार अधिक हो जाए देखिएगा देखिए क्वेश्चन रहे एक क्रिकेट खिलाड़ी की दस पारियों के रनों का औसत बत्तीस था खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए कि उसके रनों का औसत चार अधिक हो जाए देखिए सिंपल तरीका है ऐसे क्वेश्चन हम आप लोगों को पहले भी कराए हैं पीछे वाली जो क्लास थी यहां पे देखिए एक क्रिकेट खिलाड़ी के दस पारियों के रनों का औसत क्या था बत्तीस था दस पारी के ध्यान दीजिएगा आप सभी में रनों का जो औसत था बत्तीस था तो टोटल रन क्या होगा दस गुने बत्तीस यानी कि दस पारियों में तक बनाए तीन सौ बीस रन कह रहे कि अगली पारी में कितने रन बनाए यानी ग्यारहवीं पारी में कितने रन बनाए ध्यान दीजिएगा कितने रन बनाए कि उसके रनों का औसत चार अधिक हो तो रनों का औसत चार अधिक का मतलब बत्तीस से क्या हो जाए दोस्तों प्लस चार ध्यान दीजिएगा यानी औसत क्या हो जाए छत्तीस हो जाए तो आप देखेंगे आप सब स्टूडेंट ग्यारह छठ का छे तैसा अगली पारी में कितने रन बनाए तो ध्यान दीजिएगा तीन सौ छियानवे में से क्या करेंगे तीन सौ तीन सौ छियानवे में से क्या करेंगे तीन सौ बीस घटाएंगे तो आंसर आएगा दोस्तों क्या सेवेंटी सिक्स ये क्या होगा आंसर होगा सेवेंटी सिक्स आंसर हो जाएगा चलिए एकदम सही जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं देखिएगा समझने का प्रयास करेंगे हाँ आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं दस पारियों के रनों का जो औसत था बत्तीस था कितना था ध्यान दीजिएगा मेथड टू की अगर हम बात करें मेथड टू आप लोगों को हम बताए हैं ध्यान दीजिएगा मेथड टू देखिए दस पारियों ध्यान दीजिए दस पारियों के रनों का औसत क्या था ध्यान दीजिएगा दस पारियों के रनों का औसत क्या था बत्तीस था बत्तीस था ठीक है 32 था कह रहे अगली पारी यानी 11वीं पारी में 11वीं पारी में ध्यान दीजिएगा 11वीं पारी में कितने बनाए कि चार अधिक हो जाए ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट कहीं पे कंफ्यूजन है तो बताएं एक बार क्वेश्चन को कंफ्यूजन आप लोगों को कहीं पे नहीं होनी चाहिए सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए चलिए आंसर दीजिए फटाफट समझ में आ रहा है चलिए यहां तक तो ये इजी मेथड है और एक और हम आप लोगों को बताए थे जो अगला वाला मेथड टू मेथड टू समझ में आ रहा है देखिएगा मेथड टू में क्या होगा प्लस कर देते थे 11 पारी हो जाता था और औसत रन कितना अधिक करने की बात कर रहा है चार तो 11 गुने क्या करेंगे चार तो ज्ञात देखिएगा 32 ध्यान दीजिए ये क्या है 32 प्लस 44 ये जुड़ के क्या हो जाएगा 426 736 76 रन ये आंसर हो जाएगा आप ऐसे भी कर सकते हैं हाँ, देखिए औसत रन अधिक हो जाए पारी चो है, है, प्रॉब्लम नहीं बहुत अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा थर्टी फोर नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आप सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर की बात करें मोस्ट है 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 पूछा गया क्वेश्चन क्वेश्चन है. है, एक बल्लेबाज सत्रहवीं पारी में सतासी रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत इस प्रकार उसका औसत रन तीन बढ़ जाता है सत्रहवीं पारी के बाद उसका औसत रन ज्ञात कीजिए चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे एक बार एक बल्लेबाज सत्रहवीं पारी में सतासी रन बनाया सत्रहवीं पारी में क्या किया सतासी रन बनाया और इस प्रकार क्या हुआ उसका औसत रन तीन बढ़ गया सत्रहवीं पारी के बाद उसका औसत रन पूछ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर दे बहुत अच्छे वेरी गुड कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं देखिए सत्रहवीं पारी में ये सतासी रन बनाया है और औसत तीन बढ़ गया है तो देखिएगा औसत तीन बढ़ा है आप सभी स्टूडेंट देखेंगे सतासी बनाया है सतासी रन सभी स्टूडेंट समझेंगे सीखेंगे तभी समझ में आप लोगों को आएगा क्या हुआ है औसत तीन बढ़ गया है तो माइनस करेंगे आप सभी स्टूडेंट सत्रह गुने तीन तो सत्रह क्या होगा इक्यावन सतासी में से क्या करेंगे इक्यावन माइनस करेंगे तो यहां पर आएगा चार यहां पर आएगा क्या सॉरी दो सेकेंड हाँ ये क्या है सॉरी सत्तासी है ध्यान दीजिएगा हाँ 87 तो उसके बाद यहाँ पे आएगा छः और यहाँ पांच और इसमें से ध्यान दीजिएगा पचासी यानी पांच में से सॉरी पा, आठ में से पांच जा तीन छत्तीस यानी कि जो उसका ध्यान दीजिएगा सत्रहवीं पारी ध्यान दीजिएगा कितना था सोलहवीं पारी के बाद यानी सत्रहवीं पारी में कितना था छत्तीस था और सत्रहवीं पारी में ये रन कितना बनाया है यही चीज आपको देखना है थोड़ा सा समझना है सिंपल है ऐसे क्वेश्चन हम आप लोगों को पहले भी कराए पारी पारी में में रन रन बनाया कितना रन? पारी में। और सत्रहवीं पारी में हुआ क्या है औसत रन तीन बढ़ गया है औसत रन क्या हुआ है तीन बढ़ा है तो मतलब सत्रह गुने तीन तीनों में यानी सत्रहों में तीन तीन रन बढ़ा होगा यानी कि इक्यावन रन बढ़ाए अगर इक्यावन रन घटा दे तो छत्तीस पहले था ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट छत्तीस था तो कह रहा है सत्रहवीं पारी के बाद तो औसत तीन बढ़ा है तो छत्तीस में क्या करेंगे तीन जोड़ लेंगे तो अब औसत क्या हो जाएगा उनतालीस हो जाएगा औसत क्या हो जाएगा उनतालीस हो जाएगा और ऑप्शन नंबर क्या होगा ये सही होगा थर्टी नाइन समझ में आ रहा है या कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बताएं सिंपल है ऐसे क्वेश्चन हम आप लोगों को पहले भी कराए हैं जो नए स्टूडेंट होंगे उनके लिए पहली बार होगा तो कुछ करना नहीं है ये तरीका हम आप लोगों को पीछे वाली क्लास में बताए हुए हैं देखिएगा कह रहे सत्रहवीं पारी में सतासी रन बनाया सत्रहवीं पारी में रन बनाया सतासी और इस प्रकार उसका औसत रन क्या हो गया तीन बढ़ गया औसत जब रन बढ़ा तो मतलब सब में तीन तीन बढ़ा तो सत्रह गुने तीन कितना रन बढ़ा है इक्यावन रन कितना रन बढ़ा है इक्यावन रन अगर सतासी में से इक्यावन घटा दे अगर सत्ता अस्सी में से इक्यावन घटा दे तो छत्तीस है पहले का जो है वो क्या है छत्तीस था अब क्या हो जाएगा तीन अगर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा उनतालीस हो जाएगा क्या हो जाएगा उसका अब औसत क्या होगा बताए अब हो जाएगा उनतालीस ये हो जाएगा क्योंकि उससे पहले क्या था छत्तीस था क्योंकि हम क्या किए इक्यावन घटा दिए सब में से हाँ टोटल में से इक्कावन घटा दिए तो क्या आया था छत्तीस था यही चीज आपको समझना है तो छत्तीस प्लस तीन क्या हो जाएगा उनतालीस हो जाएगा समझ में आया फटाफट आप लोग कमेंट करिए तो समझ में आएगी नहीं चलिए बस इतना ही करना है और कुछ इसमें नहीं करना है देखिए इसको एक्स मान के भी हम सॉल्व कर सकते हैं लेकिन एक्स नहीं मानना है चलिए नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है इसको अच्छे से देखना है आप लोग क्वेश्चन नंबर थर्टी क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है देखिएगा इसी से कहते हैं इसीलिए हम कहते हैं जो भी पीछे वाली क्लास चलती है उसका आप लोग रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहिए ठीक है रिवीजन करते रहिए जैसे इसके पहले वाला क्लास किए होंगे तो ये सब क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा ठीक है देखिए कह रहा है एक बल्लेबाज बारहवीं पारी का स्कोर 120 रन है और इस प्रकार देखिए और इस तरह उसके औसत रन में पांच रन की वृद्धि होती है बताएं कि बारहवीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है देखिए कह रहे हैं बारहवीं पारी का स्कोर 120 था बारहवीं पारी का स्कोर 120 था और औसत में क्या हुआ है पांच रन की वृद्धि हुआ तो बारह पच्चे साठ रन की औसत रन जो था उसमें कितना टोटल तो रन था उसमें साठ रन की वृद्धि अगर साठ माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 120 में से 60, 60 हो जाएगा और बारहवीं पारी के बाद स्कोर पूछ रहा है तो 60 में पांच जब जोड़ेंगे तो क्या होगा पैंसठ हो जाएगा ओरल आंसर दे सकते हैं ओरल बिना पेन उठाया आंसर दे सकते हैं वेरी गुड बहुत अच्छे सभी स्टूडेंट्स सही है सभी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 65 बिना पेन उठाए आंसर दे सकते हैं देखिएगा यहाँ पे टोटल रन 120 बारहवीं पारी ध्यान दीजिएगा एक बल्लेबाज की बारहवीं पारी का स्कोर 120 था बारहवीं पारी में 120 रन बनाया और इस तरह से औसत रन में क्या हुआ है 5 की वृद्धि हुआ है 5 की वृद्धि हुआ है मतलब 12 5 12 5 60 यानी 60 रन ज्यादा बनाया है औसत रन से साठ रन ज्यादा बना है तो कुछ नहीं करना है 120 में से जब साठ घटाएंगे तो बारहवीं तारीख तक ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट पहले उसका क्या था 120 में से साठ घटाएंगे साठ और यहां कह रहे पांच की वृद्धि हुई है तो प्लस अगर हम पांच कर देंगे तो बारहवीं पारी के बाद आ जाएगा क्या आएगा सिक्सटी फाइव पैंसठ बिना पेन अनुठाया आंसर दे सकते हैं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यही चीज तो करना है बस इसमें यही करना है एक्स मान के भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन उसमें क्या होगा आपको समझने में दिक्कत होगी ठीक है ये तरीका सीखिए इसमें क्या है पेन उठाने की जरूरत नहीं है बस वही चीज करना है बारह बच्चे साठ एक सौ बीस में से साठ यानी कि साठ रन क्या किया है ज्यादा बनाया है तो साठ रन घटाएंगे तो पहले क्या होगा साठ अब पांच देखिएगा पहले जो एवरेज उसका रहा होगा साठ अब देखिएगा उसके बाद पांच रन की वृद्धि हुई है बारहवीं पारी के बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बारहवीं पारी में क्या है पांच रन यहाँ पे पढ़ना है क्वेश्चन को एक बल्लेबाज बारहवीं पारी का स्कोर क्या था एक बीस था इस तरह से उसके पांच की उसमें वृद्धि भी हुई है पांच की औसत में वृद्धि हुई है तो पहले कितना रहा होगा साठ रन अगर हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा पहले साठ रहा होगा पांच की वृद्धि हुई तो पैंसठ हो गया तो वही चीज पूछ रहे है? है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे से देखने की इस क्वेश्चन को जरूरत है क्वेश्चन है दस पारियों के बाद ध्यान दीजिएगा दस पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर बावन था बारहवीं पारी के बाद औसत स्कोर बढ़कर चौवन हो गया यदि बल्लेबाज ने ग्यारहवीं पारी की तुलना में बारहवीं पारी में सोलह रन अधिक बनाए हैं तो उसने ग्यारहवीं पारी में कितने रन बनाए ग्यारहवीं पारी का रन पूछ रहा है हाँ ग्यारहवीं पारी का देखिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है ये देखने में और आपको समझने में लग रहा होगा कि क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन क्या है बड़ा है लेकिन बड़ा नहीं है जब कभी भी ऐसे लगे तो आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए सॉल्व करने का जब आप प्रयास करेंगे तो तुरंत आपको आंसर आएगा देखिए दस पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत क्या था बावन था यानी कि दस गुने बावन टोटल क्या होगा पांच सौ रन यानी कि दस पारी होने के बाद तक कितना रन हो गया टोटल पांच सौ बीस आगे कह रहा है बारहवीं पारी के बाद औसत स्कोर बढ़कर चौवन हो गया क्या हो गया बारहवीं ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट तो बारह गुने क्या हो जाएगा औसत उसक... स्कोर बढ़ के क्या हो गया चौवन तो बारह गुने क्या होगा ध्यान दीजिएगा चौवन ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट बारह गुने चौवन तो टोटल रन कितना हो जाएगा बताना है आप सभी स्टूडेंट को बारह चौक अड़तालीस का आठ हासिल होगा चार बारह पच्चे साठ आठ अड़सठ क्या होगा ध्यान दीजिएगा दो सेकेंड हाँ साठ चार चौसठ दो सेकेंड समझिए आप स्टूडेंट बारह चौक अड़तालीस का आठ हासिल चार बारह पच्चेस साठ और साठ चार चौसठ छ सौ अड़तालीस कितना होगा छ सौ अड़तालीस अभी देखिए सीखिए अभी हम आप लोगों को समझा रहे हैं ये देखिए अब यहां दसवीं पारी तक दे दिया ग्यारहवीं पारी का नहीं दिया है बारहवीं पारी का बता रहा है यहां पे आप लोगों को देखना है और यहां पे देखिए एक चीज कह रहे यदि बल्लेबाज ने ग्यारहवीं पारी की तुलना में बारहवीं पारी में सोलह रन अधिक बनाए ग्यारहवीं पारी में मैंने ही बताया है कितना बनाए यानी कि ग्यारहवीं और बारहवीं के बीच ध्यान दीजिएगा ग्यारहवीं और बारहवीं में टोटल कितने रन बनाए देखिएगा पहले आप देखेंगे ग्यारहवीं पारी ध्यान दीजिएगा प्लस बारहवीं पारी में कितने रन बनाए देखिएगा 648 में से 520 घटाएंगे अभी आप लोग देखेंगे सीखेंगे समझ में आएगा 648 में से 520 घटाएंगे तो आएगा क्या 128 ठीक है क्या आएगा 128 सौ पारी और बारहवीं पारी में मिला के टोटल कितने रन बनाए हैं ये एक सौ रन कैसे पता क्योंकि ध्यान दीजिए दसवीं पारी तक बताया है और बारहवीं पारी में ये बताया है तो इसमें से जब आप घटाएंगे तो क्या आएगा ग्यारहवीं पारी में कुछ बनाए फिर बारहवीं में कुछ बनाए तब जाके ये हुआ है पांच सौ बीस से छह सौ अड़तालीस मतलब एक सौ अट्ठाईस रन बनाए और यहां पर कह रहा है ग्यारहवीं पारी की तुलना में बारहवीं पारी में सोलह रन अधिक बने अगर ग्यारहवीं पारी में ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट एक्स रन बनाया होगा तो बारहवीं पारी में कितना बनाया सोलह रन अधिक बनाया है ग्यारहवीं पारी की तुलना में बारहवीं पारी में तो एक्स प्लस क्या होगा सोलह बराबर क्या होगा एक सौ अट्ठाईस यहां तक समझ में आया कि नहीं बताया आप सब स्टूडेंट यहां तक आप लोग बताए समझ में आ रहा है कि नहीं देखिएगा यह चीज समझना है देखिए यहां पे कह रहे हैं दसवीं पारी के बाद दस गुने बावन पांच सौ बीस रन हुआ आगे कह रहे हैं बारहवीं पारी के बाद तो बारह गुने चौवन छे सौ अड़तालीस तो दो जो पारी था ग्यारहवीं और बारहवीं ध्यान दीजिएगा तो उसमें टोटल कितने एक सौ अट्ठाईस कैसे पता छे सौ अड़तालीस में से पांच सौ बीस घटाए हैं क्या किए हैं 648 में से 520 घटाए हैं तो आया कितना 11वीं और 12वीं में मिला के 128 रन और यहां पे भी कहा है 11वीं पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए अगर 11वीं पारी में x रन बनाया तो 12वीं पारी में x 16 और ये मिलके कितने के बराबर है 128 के ठीक है अब देखिए कुछ नहीं करना है तो ये होगा x x क्या होगा 2x और 16 बराबर क्या होगा ध्यान दीजिएगा प्लस देखिएगा टू एक्स प्लस सोलह बराबर एक सौ तो टू एक्स बराबर क्या होगा टू एक्स बराबर होगा एक सौ आप सभी स्टूडेंट एक सौ माइनस सोलह लिख देते हैं एक सौ बारह क्या होगा एक सौ बारह एक सौ अट्ठाइस में से सोलह घटाएंगे तो एक सौ बारह तो एक्स बराबर क्या होगा एक्स बराबर होगा दो बच्चे दो बच्चे दस और दो के बारह यानी क्या हो जाएगा छप्पन रन और यही क्या होगा आंसर होगा ग्यारहवीं पारी का क्या था एक्स था तो आंसर होगा छप्पन ऑप्शन नंबर बी बताए समझ में आया बहुत अच्छे वेरी गुड जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं फिफ्टी सिक्स ऑप्शन नंबर बी आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है उम्मीद करते हैं समझ में आप लोगों को आ रहा है एक बार कमेंट करके बताए समझ में आया कि नहीं नहीं आया तो दोबारा सिखाएंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आप लोगों को सीखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं चलिए फटाफट आंसर दे बहुत अच्छे जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी कमेंट कर रहे हैं एकदम सही है बहुत अच्छे बहुत अच्छे बस यही चीज आपको समझना है ग्यारहवीं और बारहवीं पारी में टोटल कितना रन बना है एक ये तो आप समझ ही रहे हैं क्योंकि 648 में से 520 घटाएंगे तो आएगा क्या एक सौ पारी में एक्स रन तो बारहवीं पारी में एक्स प्लस सोलह क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है और टोटल एक है तो अब एक्स की वैल्यू आप ला दिए फिफ्टी चलिए समझ में आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे और अच्छे से देखेंगे और समझने का आप सब स्टूडेंट प्रयास करेंगे ठीक है चलिए इस क्वेश्चन को आप सभी स्टूडेंट देखिए तो एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे से देखना है और समझना है आप लोगों को देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं आठ पुरुषों आठ पुरुषों की औसत आयु दो वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से दो पुरुष उनमें से दो पुरुषों जिनकी आयु इक्कीस एवं तेईस वर्ष है के स्थान पर दो नए पुरुष लिया जाता है दोनों नए पुरुषों की औसत आयु क्या होगी देखिए जो पुराने पुरुष जो दो थे पहले वाले उनकी आयु जो थी 21 और क्या थी 23 थी और औसत आयु क्या हुआ है दो वर्ष बढ़ गया है जब नए दो पुरुष आए हैं तो उन दो जो नए पुरुष आए हैं उनकी औसत आयु क्या है यह पूछ रहा है यही पूछ रहा है कुछ करने की जरूरत नहीं है जो पुराने हैं ध्यान दीजिएगा इक्कीस प्लस तेईस इक्कीस प्लस तेईस ध्यान दीजिएगा इक्कीस प्लस तेईस आप जोड़ेंगे इक्कीस प्लस तेईस आप जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा तीन एक चार हो जाएगा और दो दो चार यानी चौवालिस वर्ष के हाँ इनका आयु का जो योग है वो चौवालीस वर्ष है अब देखिए कह रहा है क्या कि आठ पुरुषों का औसत आयु दो वर्ष बढ़ गया तो आठ पुरुषों का जब औसत आयु दो वर्ष बढ़ेगा तो टोटल आयु का योग क्या होगा सोलह वर्ष बढ़ जाएगा आयु में जो वृद्धि होगी वो सोलह वर्ष की वृद्धि हो गई और इनके स्थान पे जब आए हैं यानी चौवालीस के साथ साथ वो सोलह किलोग्राम और वजन लेके आए हैं यही तो हुआ कुछ नहीं करना है आपको बस इसमें जोड़ना है देखिए छह चार दस का जीरो हासिल एक चार एक पांच एक छे साठ हुआ यानी इन दोनों की जो आयु का ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट जो नए पुरुष आए हैं इन दोनों के जो आयु का योग है वो साठ वर्ष है तो औसत आयु क्या होगा औसत आयु दोनों का औसत आयु कितने लोग दो ही लोग है ना तो औसत आयु ध्यान दीजिए क्या पूछा है औसत आयु पूछा है तो औसत आयु क्या होगा साठ कितने लोग आए हैं दो तो साठ को दो से भाग करेंगे तीस वर्ष तीस वर्ष आंसर होगा क्या आंसर होगा तीस वर्ष वेरी गुड बस यही चीज आपको समझना है एकदम सही जितने स्टूडेंट चौवालीस प्लस सोलह साठ बटे दो आंसर दे रहे एकदम सही है उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे हाँ कहीं पे किसी को कोई दिक्कत सबका आंसर आ रहा है तीस वर्ष एकदम सही आंसर होगा तीस वर्ष यही चीज देखना है क्योंकि आठ पुरुषों की औसत आयु दो वर्ष बढ़ रही है तो आठ दुनिया के सोलह वर्ष बढ़ेगी और ये कितने वर्ष के पहले वाले थे कितने वर्ष के पहले वाले थे इक्कीस और तेईस इक्कीस तेईस जोड़े हम तो चौवालीस वर्ष के थे और ये अब नए इनके स्थान पे जो आए हैं उनका वजन क्या है उनका वजन सोलह किलोग्राम और बढ़ेगा यानी दोनों का साठ किलोग्राम है तो औसत क्या होगा दो लोग हैं साठ को दो से भाग करिए तीस किलोग्राम यानी जो औसत आयु होगा सॉरी किलोग्राम नहीं है वर्ष है ये वर्ष में है ठीक है हाँ ये वर्ष में है ये किलोग्राम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन ये क्या है वर्ष है हाँ वर्ष में है तो वर्ष में आप लोग समझिएगा 21 और 23 वर्ष के हैं तो टोटल आयु का जो योग होगा 44 वर्ष होगा और इनके स्थान पे क्या है दो नए पुरुष आए हैं और औसत आयु दो वर्ष बढ़ी है तो मतलब 16 वर्ष बढ़ जाएगा तो 16 और 44 जोड़ेंगे 60 वर्ष के दोनों लोगों का आयु का योग होगा तो औसत आयु क्या होगा तीस वर्ष होगा वर्ष में है किलोग्राम में नहीं है किलोग्राम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ठीक है चलिए समझ में आ गया है बहुत अच्छे उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट समझ गए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी एट क्वेश्चन नंबर थर्टी एट देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से समझने की इस क्वेश्चन को जरूरत है क्वेश्चन है देखिएगा आप सभी स्टूडेंट दो सेकेंड बता रहे थोड़ा सा इसको छोटा कर दे चलिए अब आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी एट की बात करें तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन है क्वेश्चन है चौदह छात्रों के प्राप्तों का औसत इकहत्तर था लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के प्रतांक छप्पन की जगह बयालीस और दूसरे के बत्तीस की जगह चौहत्तर चढ़ा दिए गए थे अतः सही औसत बताइए बताए इस क्वेश्चन को कर सकते हैं देखिए चौदह छात्रों के प्राप्तांकों का जो औसत था ध्यान दीजिएगा इकहत्तर था? था लेकिन गलत क्या हुआ है देखिए बाद में पता क्या चला है कि एक छात्र के छप्पन की जगह बयालीस यानी उसका देखिएगा आप सभी स्टूडेंट एक जगह देखिएगा सही लिख रहे हैं सही लिख रहे हैं और गलत हुआ है क्या हुआ है हाँ देखिएगा आप सभी स्टूडेंट सही क्या होना चाहिए था छप्पन और इसकी जगह पे हो क्या गया है 42. गलती से चौहत्तर चढ़ गया है चौहत्तर चढ़ गया है, गया है? 74 गया है. ध्यान देंगे, सीखेंगे आप सब स्टूडेंट अब देखिए यानी टोटल अगर हम सही जोड़े सही प्राप्तांक जोड़े तो छह दो आठ होगा ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट छठ होगा पांच तीन आठ होगा यानी अठासी अठासी अंक सही होना चाहिए अठासी अंक की जगह पे हुआ क्या है ध्यान दीजिए चार दो छह और सात चार ग्यारह एक सौ सोलह हो गया है ठीक है यानी हो क्या गया है अठासी अंक मतलब होना चाहिए था हो गया है एक सौ सोलह यही हो रहा है ना देखिएगा आप सब स्टूडेंट अट्ठासी होना चाहिए हो गया एक तो कितना ज्यादा चढ़ गया है कितना ज्यादा हुआ है हाँ, टोटल जो अंक है वो कितना ज्यादा है 116 में से 28 अट्ठासी घटाएंगे तो अट्ठासी 12 और उधर 16 12 सोलह 28 अट्ठाईस अंक क्या है ज्यादा है तो 28 अंक क्या होना चाहिए टोटल में कम होना चाहिए तो अंक में कम आपको नहीं करना है देखिए डायरेक्ट आप एवरेज कम करेंगे 28 है कितने प्राप्त चौदह छात्रों का तो चौदह से भाग कर दीजिए तो चौदह से भाग कर देंगे तो डायरेक्ट क्या होगा औसत में कमी कर लेंगे, ठीक है? तो कितनी बार में जाएगा? 14 दुना के 8, तो बराबर दो। दो अंक क्या होगा? ये कम होगा, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस वाला है, तो माइनस टू। पहले देखिए, तो सही औसत की बात कर रहे हैं, तो सही औसत क्या होगा? 190 की जगह पे माइनस टू होगा, यानी 69 होगा, ये आंसर होगा 69, होगा यही चीज आपको समझना है तो देखिए आप क्या कर सकते हैं बहुत से स्टूडेंट गुना करते हैं फिर उसमें से अट्ठाइस घटाएंगे ये सब नहीं करना डायरेक्ट आप देखिए चौदह से भाग कर दीजिए एवरेज यानी दो घटा लीजिए बस औसत में दो घटा लीजिए हम लोगों से सही औसत ही, ही पूछ रहा है सिक्सटी नाइन हो जाएगा सही औसत क्या होगा सिक्सटी वेरी गुड एकदम सही है जितने स्टूडेंट सिक्सटी आंसर दे रहे हैं उम्मीद करते हैं समझ गए हैं चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी क्वेश्चन नंबर थर्टी देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन यहीं तक रहने दीजिए कोई नहीं क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चौसठ दशमलव है ये पॉइंट में है ठीक है यहाँ पे नहीं होना है देखिएगा कह रहे किसी कक्षा में 50 विद्यार्थियों के औसत अंक चौसठ रहा यदि दो विद्यार्थियों के अंक तिरासी और 24 के स्थान पर गलती से क्रमशः 38 और 42 दर्ज हो गए हैं तो सही औसत बताएं देखिए क्या बोला है पचास विद्यार्थियों के जो औसत अंक थे क्या था चौसठ रहा यदि दो चौबीस के स्थान पर ध्यान दीजिए सही क्या था ध्यान दीजिएगा एक सही था कितना सही था तिरासी होना चाहिए था और क्या होना चाहिए था चौबीस होना चाहिए था सॉरी क्या है तिरासी एटी थ्री तिरासी और ये चौबीस के स्थान पे गलती से क्या हो गया है गलत जो हुआ है वो क्या हो गया है क्रमशः अड़तीस और बयालीस हो गया है और इसकी जगह सात आठ दो दस एक सौ सात सही होना चाहिए था दोनों का अगर योग करे तो अब यहाँ पे गलत वाला करेंगे आठ दो दस का जीरो हासिल होगा एक चार तीन सात एक आठ अस्सी हो गया यानी होना क्या चाहिए था एक सौ सात ध्यान दीजिए हो गया अस्सी यानी ये क्या हुआ है ये क्या हुआ है ज्यादा होना चाहिए था कम हुआ है यानी एवरेज में क्या होगा वृद्धि होगा तो कितना ध्यान दीजिएगा प्लस कितना करेंगे देखिएगा ये प्लस होगा यानी सत्ताईस कितना होगा सत्ताइस हाँ सत्ताईस अंक टोटल क्या होना चाहिए अधिक होना चाहिए सत्ताईस अंक ध्यान दीजिएगा तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है देखेंगे आप सब स्टूडेंट सीखेंगे समझा रहे तरीका आप लोग देखेंगे सत्ताइस है टोटल कितने यहाँ पे आप देखेंगे विद्यार्थी है पचास है तो औसत में क्या होगा सत्ताईस बटा पास पचास की वृद्धि होगा ये प्लस होगा सत्ताइस बटा का पचास देखिए अब आप बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं भाग देने में कुछ नहीं करना है अगर हम दोनों में ऊपर नीचे दो से गुना कर दे तो सत्ताइस दुना के क्या हो जाएगा चौवन हो जाएगा और पचास दुना के क्या हो जाएगा सौ हो जाएगा तो चौवन बटा सौ का मतलब पॉइंट फाइव फोर की वृद्धि होगा क्या होगा हाँ, ये देखिएगा क्या होगा .54 फाइव फोर की वृद्धि होगा पहले क्या था पहले जो औसत था वो चौसठ रहा चौसठ रहा सही औसत क्या हो जाएगा चौसठ प्लस प्वाइंट फाइव फोर तो ये हो जाएगा बराबर में चौसठ दशमलव पांच चार आपका क्या होगा आंसर होगा आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हाँ, समझ में आ गया उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे कि ऐसे प्रश्नों को कैसे कि सॉल्व किया जाता है ठीक है बस यही चीज आपको देखना है ये सही है ये गलत है तो क्या हुआ है गलत ध्यान दीजिएगा गलती से कम लिखाया है तो 27 कम लिखा है तो 27 क्या होगा औसत में बढ़ेगा अगर ज्यादा हो गया होता अगर इधर ज्यादा होता तो घटता ठीक है चीज आप समझेंगे ठीक है आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा अच्छे से 45 विद्यार्थियों के औसत अंक छाछ पाए गए यदि दो विद्यार्थियों के अंक बयासी और 46 के स्थान पर गलती से क्रमश 28 और 64 लिख दिए गए हो तो शुद्ध औसत क्या होगा ध्यान दीजिएगा पैतालीस विद्यार्थियों के औसत अंक छाछठ पाए गए यदि दो विद्यार्थियों के अंक बयासी और छियालीस के स्थान पर गलती से अट्ठाईस और चौसठ लिखे गए ध्यान दीजिए सही क्या होना चाहिए था ध्यान दीजिएगा सही क्या होना चाहिए था बयासी और छियालीस ये सही थे और गलती से क्या हुआ है ध्यान दीजिएगा सब स्टूडेंट गलती से क्या हुआ इसके स्थान पर बयासी की जगह पे अट्ठाइस और छियालीस की जगह पे चौसठ ठीक है हाँ। अंक का परिवर्तन हो गया है आठ दो को ये दो आठ समझ लिया है चार छ को छ चार समझ लिया है इस प्रकार से तो अब आप लोग देखेंगे अब तो इसके आंसर दे ही सकते हैं देखिएगा छः दो क्या होगा आठ चार आठ बारह ठीक है एक सौ अट्ठाईस यहां पे देखिएगा आठ दो दस का जीरो हासिल एक छह दो आठ एक नौ नब्बे ठीक है हाँ यहाँ पे देखेंगे सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों को समझ में आने लगेगा देखिएगा अच्छे से देखिए यहाँ पे छह दो आठ आठ चार बारह आठ चार ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट यहाँ पे गलत हो रहा है कहाँ पे आठ चार बारह और छह दो छह दो आठ एक नौ बानवे ठीक है सॉरी हाँ ये चीज देखिए यानी कि क्या हुआ है ये सही होना चाहिए था कितना सही होना चाहिए था 128 लेकिन गलती लेकिन गलती क्या लिखा गया है ये हुआ है, तो कितना यानी देखिएगा आप सभी कितना कम लिखा गया है आप देखेंगे तो 128 में से क्या करेंगे बानवे घटा के प्लस करेंगे क्योंकि औसत में क्या होगा वृद्धि होगा क्योंकि ज्यादा होना चाहिए था कम लिखा है यही चीज है ना देखिए तो बानवे आठ क्या हो जाएगा सौ और अट्ठाइस आठ क्या होगा छत्तीस यानी छत्तीस की वृद्धि होनी चाहिए तो हम क्या करेंगे छत्तीस की वृद्धि होनी चाहिए और टोटल कितने विद्यार्थी हैं पैंतालीस तो छत्तीस को क्या करेंगे पैतालीस से भाग करेंगे ठीक है छत्तीस को पैतालीस से भाग कर सकते हैं कुछ नहीं करना है देखिएगा छत्तीस को पैतालीस से कैसे भाग करेंगे पैंतालीस से नहीं जाएगा दस मलो लगाएंगे जीरो बढ़ाएंगे ठीक है तो चार वटे बत्तीस पांच वटे चालीस हाँ आठ बार में चला जाएगा ठीक है तीन सौ साठ देखिए आठ पच्चीस चालीस का जीरो हासिल चार आठ चौको बत्तीस बत्तीस चार छत्तीस तीन सौ साठ यानी पॉइंट एट पॉइंट एट क्या होगा बढ़ जाएगा शुद्ध औसत पूछ रहा है पहले औसत कितना था छिया था अब क्या हो जाएगा प्लस पॉइंट एट बढ़ेगा तो बराबर क्या हो जाएगा जो सही औसत हो जाएगा सिक्सटी सिक्स पॉइंट ये क्या होगा आंसर होगा सही औसत होगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी बताए समझ में आ गया समझ में आ गया उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जा रहा है फटाफट बताए समझ में आ गया है कि नहीं बताए एक बार कमेंट करके समझ में आ गया है सभी स्टूडेंट समझ गए हैं तो ये आपका क्या होगा आंसर होगा यही चीज समझना है कि कितना बढ़ा है हाँ यहां पे इसको हम सॉल्व किए हैं तो पॉइंट एट की वृद्धि होगा जब कभी भी दोस्तों ज्यादा को कम लिख दे तो वृद्धि करेंगे और कम को ज्यादा लिख दे तो उसमें कमी करेंगे ठीक है यह चीज आपको दिमाग में रखना है ये प्लस छत्तीस ठीक है उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे और आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और हम आप लोगों को बता दें यहां पे आप लोगों का जो एवरेज है औसत है वो समाप्त होता है ठीक है हाँ, फिर भी अगर इसमें कोई डाउट रह जाता है किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई किसी प्रकार की कमी रह जाती है नहीं समझ में आता है तो आप Instagram पे भी message कर सकते हैं ठीक है वैसे किसी भी question में आपको डाउट नहीं होनी चाहिए इस क्लास की आप सभी स्टूडेंट रिविजन और प्रैक्टिस अपने आप से जरूर कर लेंगे ठीक है तो यहां पर आपका जो एवरेज रहा औसत रहा बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए सभी

सक्सेस मेकर एक बार फिर मैदान में टॉप तो क्लास अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में तैयार किया गया एसएससी जीडी 4जी बैच जो देता है आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी तो देर किस बात की आज ही ज्वाइन करें एसएससी जीडी 4जी बैच मात्र ₹250 में और करें अपने सिलेक्शन को पक्का ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध अधिक जानकारी के लिए आप एस एस सी मेकर ऐप डाउनलोड करें और दिए गए नंबर पर कॉल करें